हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए अपने रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बातें करेंगे अपने कैपिटल गेन्स के चैप्टर की। आपको पता है सेक्शन 45 से लेकर 55 तक कैपिटल गेन्स में आते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास आपकी हैंड रिटन बुक है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है, प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ईजिली अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में rajatgoga.com पर। आपको वेबसाइट इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट का। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैपिटल गेन्स 45 से लेकर 55 ए तक। यहाँ पर हम कैपिटल गेन्स पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है 55 के बाद नंबर आएगा 56 का, वो फिर नेक्स्ट हेड चला जाएगा IFOS। और 45 से पहले 44 में हम लोग बातें कर रहे थे, इनफैक्ट 28 से लेकर 44 तक वो PGBP में हमने बातें की थी। ओके, सबसे फर्स्ट सेक्शन कैपिटल गेन का होता है 45(1), दैट इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। हर हेड के अंदर कोई ना कोई चार्जिंग सेक्शन है, एंड वी अंडरस्टैंड कैपिटल गेन में वो 45(1) है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर असेसी के पास एक कैपिटल असेट था, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। अगर वो ट्रांसफर कर रहा है कोई ऐसी चीज जो कैपिटल असेट नहीं है, तो हम कैपिटल गेन्स नहीं लगा सकते हैं। तो देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। अब कैपिटल असेट की डेफिनेशन आपको पता है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में गिवन है, जिसकी बातें हम थोड़ी देर में कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल असेट होना जरूरी है। दूसरा, उसका ट्रांसफर करे एसएससी। अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है, हम तभी कैपिटल गेन अराइज करेंगे। उस ट्रांसफर पर हमारा प्रॉफिट आए या हमारा लॉस आ जाए, दैट इज नॉट रिलेवेंट, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट आ जाएगा तो कैपिटल गेन्स हो जाएंगे, लॉसेज आ जाएगा तो कैपिटल लॉसेज हो जाएंगे। करेक्ट, तो कैपिटल असेट होना जरूरी है, ट्रांसफर हो रहा हो और उसके ट्रांसफर के ऊपर आपके पास प्रॉफिट्स आए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लॉसेज भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कि कैपिटल असेट होता क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 ये कहता है कि जनरली ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट, सारे असेट्स हमारे कैपिटल असेट्स होते हैं। जब भी हम ऐसे बातें करते हैं, सारे असेट्स हमारे कैपिटल असेट्स होते हैं, इसका मतलब जो हमारे मूवेबल असेट्स हैं या इमूवेबल असेट्स हैं, दोनों कवर हो गए। दूसरी बात, जो हमारे पर्सनल असेट्स हैं या हमारे बिजनेस या प्रोफेशन के असेट्स हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो ये बोलते हैं कि ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट्स, बट वो कहते हैं एक मिनट रुकिए, कुछ असेट्स कैपिटल असेट्स नहीं होते एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो हम कुछ असेट्स की बातें करते हैं जो कैपिटल असेट्स नहीं होते, यानी कि ये जो हम लोग बातें करने वाले 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स की, दीज ये असेट्स होते तो हैं बट कैपिटल असेट्स नहीं होते। यानी कि अगर आप ऐसे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं आएगा, वो इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल नहीं होते। फर्स्ट है पर्सनल मूवेबल असेट्स, पर्सनल मूवेबल असेट्स, राइट। जैसे कि हमारी पर्सनल कार हो गई, या हमारी पर्सनल वॉच हो जाती है, या फिर हमारे पर्सनल क्लोथ्स हो जाते हैं। ऐसी चीजें जो पर्सनल भी हैं, मूवेबल भी हैं, वो हम कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। इनकम टैक्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे पर्सनल असेट्स होते हैं मूवेबल, उनकी तो वैल्यू डेप्रिशिएटिव होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई अपनी कार खरीदी है 10 लाख रुपीज़ की, 2 साल मैंने उसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसको 8 लाख की बेच दिया। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल मूवेबल असेट्स होते हैं, उसकी वैल्यू तो कम होती है। अगर मैंने उसको 8 लाख का बेच दिया, तो मेरा कैपिटल गेन क्या आएगा? लॉस आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, क्योंकि मैं उसको बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस इज 8 लाख, खरीदा था मैंने 10 लाख रुपीज़ का, 2 लाख का लॉस आ जाएगा। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता था कि जो पर्सनल मूवेबल असेट्स होते हैं, वो तो उसकी तो वैल्यू कम ही होती है, हमेशा एसएससी का लॉस आएगा, वो हर साल अपनी रिटर्न में लॉसेस बुक किया करेंगे, तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और सीधा सीधा बोल दिया कि पर्सनल मूवेबल असेट्स को हम इस डेफिनेशन से हटा ही रहे हैं, यानी कि आप अब एसएससी अपना कैपिटल गेन निकालेगा ही नहीं उस चीज़ के ऊपर, और वो लॉसेस ला नहीं पाएगा, राइट। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि दूसरे कैपिटल असेट्स में लॉसेज आ सकते हैं, राइट, लॉसेज आ सकते हैं अगर हम कम वैल्यू पर बेचते हैं, बट ये ऐसे पर्सनल मूवेबल असेट्स होते हैं जिसकी वैल्यू कम ही होगी हमेशा, इसके ऊपर तो 100% लॉसेज ही आना था, इसलिए मना ही कर दिया कि इनको तो आप कैपिटल असेट्स मानिएगा ही मत। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सर अगर वो मूवेबल ना होकर इमूवेबल हो जाते हैं, यानी कि पर्सनल इमूवेबल, यानी कि लैंड या बिल्डिंग हमारा घर है या हमारे पास लैंड है, तो क्या वो कैपिटल असेट्स होते हैं? द आंसर इज यस, इमूवेबल असेट्स कैपिटल असेट्स होते हैं। इन्होंने सिर्फ मूवेबल असेट्स को डेफिनेशन से बाहर निकाला है, बट उसकी भी एक्सेप्शंस हैं। यानी कि हम यहाँ पर ऐसी चीजें देखेंगे जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती है, ऐसे असेट्स को उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि ऐसे असेट्स, ऑल्दो दे आर पर्सनल, ऑल्दो दे आर मूवेबल, बट उसको फिर भी हम कैपिटल असेट्स मानते हैं। यानी कि अगर आप अपनी ज्वेलरी बेचता है एसएससी, या प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, रूबी एटसेट्रा, वो बेचते हैं तो ट्रांसफर करते हैं मतलब, तो यहाँ पर कैपिटल गेन आने वाला है। पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केचेस, जो महंगी पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केचेस के ट्रांसफर करने पर भी कैपिटल गेन आएगा।
स्कल्पचर्स, वो स्कल्पचर्स जो बहुत महंगे हो जाते हैं टाइम टू टाइम, हर साल उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, अगर आप ऐसी चीजें बेचते हैं, ठीक है, वो महंगे स्कल्पचर, ऐसी नहीं कि छोटी सी बस मिट्टी की मूर्ति है, वैसा नहीं, मतलब हाँ इसको लोग रिकग्नाइज करते हैं कि ये काफी प्रेशियस चीजें हैं। तो अगर आप ऐसी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्केचेस या स्कल्पचर्स बेचते हैं, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन या एनी वर्क ऑफ आर्ट, इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि इस पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इनकी तो वैल्यू बढ़ेगी, तो इसके ऊपर तो असेसी का गेन आने वाला है। और सिक्योरिटीज, इनफैक्ट सिक्योरिटीज भी यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिखा है कि कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। अगर हमने सिक्योरिटीज बेची है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी लाइक शेयर्स में, डिबेंचर्स में या अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में, अगर हम ऐसी चीजें बेचते हैं तो भी कैपिटल गेन आएगा। और हम डिटेल में बातें करेंगे इस चीज की कि जब सिक्योरिटीज बेचते हैं, अपने शेयर्स वगैरह बेचते हैं, तो कैपिटल गेन कैसे आता है। सेकेंड चीज, जो कैपिटल असेट नहीं होती वो होता है हमारा स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपना स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तो उसके ऊपर तो पीजीबीपी की इनकम आती है। ऑल दो दीज आर असेट्स, वो हमारे असेट्स होते हैं, जब आप अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं, तो स्टॉक अपने असेट साइड में लिखते हैं, वो असेट तो है बट वो कैपिटल असेट नहीं है। यानी कि अगर कोई भी असेसी अपना स्टॉक बेचेगा तो उसका कैपिटल गेन नहीं आएगा, उसकी पीजीबीपी की इनकम आएगी, राइट। और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी दी है यहाँ पर लॉ ने, उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई, उनके लिए जो सिक्योरिटीज होती है उनका स्टॉक इन ट्रेड है, बट उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया कि इसके ऊपर भी हम कैपिटल गेन ही निकालेंगे। यानी कि एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं तो उसके ऊपर तो कैपिटल गेन ही आने वाला है, ऑल दो इट इज देयर स्टॉक इन ट्रेड, राइट। तो स्टॉक इन ट्रेड की एक्सेप्शन है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर एसएससी अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचता है, देखिए ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, खेती करने से जो इनकम आती है, या फिर हमने पीजीबी में बातें की थी कि कौन कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, तो जनरली कल्टिवेशन वगैरह करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम हमारी मानी जाती है। बट अगर हम अपना पूरा का पूरा लैंड ही बेच दें, पूरा का पूरा लैंड ही बेच दें, तो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, वो तो टैक्सेबल होनी चाहिए। बट यहाँ पर लॉ ने बोला है कि अगर वो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके ऊपर हम कैपिटल गेन नहीं कैलकुलेट करेंगे। हाँ, बट अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि आपका, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि आपका दिल्ली में कनॉट प्लेस में अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, वैसे है नहीं वहाँ पर कुछ, बट सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, यानी कि वो हो जाता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी डेफिनेशन भी दी गई है कैपिटल, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हम किसको मानते हैं। आपको पता है कि कोई भी जो लोकल लिमिट से जगह काफ़ी दूर होती है उसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका याद करने का, अगर कोई भी जगह ऐसी है वो किसी भी म्यूनिसपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर दूर आती है, अगर वो 8 किलोमीटर दूर है तो उसको तो हमेशा ही रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, वहां पर कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोई कंटोनमेंट बोर्ड वगैरह नहीं लगता है, राइट। बट हाँ, जो कोई ऐसी ऐसी जगह पर वो लैंड सिचुएटेड था जो 8 किलोमीटर दूर नहीं है, 8 किलोमीटर से कम दूरी पर है, तो वहां की हम पॉपुलेशन देखते हैं। तो इसको एक मिनट समझ लीजिएगा, मैं एक बार इसको बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक आपकी कोई म्यूनिसिपल लिमिट आती है, ये आपकी कोई भी शहर की या उस पर्टिकुलर टाउन की म्यूनिसिपल लिमिट है, तो ये एरिया तो अर्बन ही माना जाएगा क्योंकि ये म्यूनिसिपल लिमिट या कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आ रहा है। बट अगर आप इस म्यूनिसिपल लिमिट से दूर जा रहे हैं, ठीक है, इतना दूर चले जाएं कि 8 किलोमीटर के बाहर चले जाएंगे, तो ये एरिया, ठीक है, प्रोवाइडेड ये कोई दूसरी म्यूनिसिपलिटी के भी पास ना लगता हो, ठीक है, उससे भी दूर हो, तो ये इसकी नियरेस्ट म्यूनिसिपलिटी थी, यहाँ से वो अगर 8 किलोमीटर दूर है तो उसकी फिर पॉपुलेशन कुछ भी हो वो हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। यानी कि अगर असेसी ये प्रूव करता है कि जो मेरा लैंड सिचुएटेड है सर, वो जो भी मेरी नियरेस्ट म्यूनिसिपल लिमिट है उससे 8 किलोमीटर बियॉन्ड है, तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, उसके ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। बट अगर असेसी का कोई भी लैंड विद इन 8 किलोमीटर से, यानी कि हो सकता है कि 1 किलोमीटर दूर पर है, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर पर है, तो क्या वो अर्बन माना जा सकता है, तो डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन के ऊपर। तो आप इसको समझ लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल जहां पर ये म्यूनिसिपल लिमिट खत्म होती है, यहां से 2 किलोमीटर तक, अप टू 2 किलोमीटर, यानी कि 0 से लेकर 2 किलोमीटर्स तक, अगर इस जगह की पॉपुलेशन अप टू 10,000 है एज पर द लास्ट सेंसस, अगर यहाँ की पॉपुलेशन अप टू 10,000 है, 10,000 या 10,000 से कम है, तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड की एरिया माना जाएगा। यानी कि अगर असेसी का लैंड इस जगह पर सिचुएटेड है विच इज विद इन 2 किलोमीटर्स रेंज फ्रॉम दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड,
और वो यहाँ पर प्रूव करते हैं सर यहाँ की जो पॉपुलेशन थी एज पर लास्ट सेंसस 10,000 या उससे कम थी। 10,000 भी होगा तो भी रूरल है, 10,000 से कम होगी तो भी रूरल है, बट हाँ अगर वहाँ की पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 10,500 हो जाती है तो फिर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन भी हम निकालेंगे। दूसरी बात, अगर आपका लैंड वो बियॉन्ड 2 किलोमीटर आ गया, यानी कि वो लैंड 2 किलोमीटर से भी आगे थे, तो नेक्स्ट 4 पर जाएंगे। नेक्स्ट 4 मतलब 2+4 यानी कि 6 किलोमीटर तक। अगर मैं शुरू से देखता हूँ तो 6 किलोमीटर तक, ठीक है सब लोग समझ गए, मैं यहाँ पर आया हूँ 2+4 का किलोमीटर, यानी कि अगर मैं शुरू से देखता हूँ तो यहाँ से 6 किलोमीटर तक। अगर असेसी का लैंड इस जगह पर सिचुएटेड था और यहाँ की पॉपुलेशन अप टू 1 लाख है एज पर द लास्ट सेंसस, अप टू वन लाख का मतलब होता है 1 लाख या 1 लाख से कम, तो भी ये रूरल एरिया माना जाता है। अगर उसका यहाँ पर लैंड सिचुएटेड है तो प्लीज आप कैपिटल गेन मत निकालिएगा, दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और इन केस अगर उसका लैंड 6 किलोमीटर बियॉन्ड हो प्लस 2 किलोमीटर इसमें और कर दीजिएगा, यानी कि अप टू 8 किलोमीटर। अगर हम शुरू से देखते हैं तो यहाँ से लेकर इधर 8 आएगा, या फिर 6 से लेकर 8 ऐसे बोल सकता हूँ कि 6 से लेकर 8 जैसे भी आप समझना चाहें, ये ईजी है बिल्कुल समझना, 6+2 कर दिया, या फिर ऐसा कर सकते हैं 6 से लेकर 8 तक आएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर लैंड सिचुएटेड है तो यहाँ की अगर पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, 10 लाख से ज़्यादा है तो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, और 8 किलोमीटर बियॉन्ड तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो हमेशा रूरल एरिया ही कहलाया जाएगा, करेक्ट। तो प्लीज मुझे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल असेसी का लैंड सिचुएटेड है 5 किलोमीटर्स फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड, तो यहाँ से 5 किलोमीटर यानी कि इस एरिया के बीच में आएगा 226, राइट, इस एरिया के बीच में आएगा, उसका लैंड यहाँ पर सिचुएटेड है और इस जगह की पॉपुलेशन है 98,000 एज पर लास्ट सेंसस। इस जगह की पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया कि इस जगह की पॉपुलेशन 98,000, तो आपको पता है 2 से लेकर 6 के बीच में हम लोग 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन हो, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो हम उसको रूरल एरिया मानते हैं। दिस इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड और इसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट, करेक्ट। तो ये बातें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई हैं। और नेक्स्ट हम गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और स्पेशल बियरर बॉन्ड्स भी हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, 7 गोल्ड बॉन्ड्स हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। 7 गोल्ड बॉन्ड्स की मैं बातें करूंगा अभी थोड़ी देर में, सेक्शन 47 जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं 7 गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बातें करूंगा, बट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर मोनेटाइजेशन स्कीम ये हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मना करा हुआ है कि हम इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लेंगे। और स्पेशल बियरर बॉन्ड्स अब तो खैर काफ़ी टाइम से इशू नहीं हुए हैं, पुराने बॉन्ड्स होते थे स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये भी हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते। ओके, तो आई बिलीव ये बातें सबको समझ में आ गई हैं, कैपिटल असेट्स क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। इसके अलावा कोई भी असेट ट्रांसफर करेंगे, इसके अलावा अगर आप कोई भी असेट ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन आने वाला है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कैपिटल गेन्स 2 तरह के होते हैं, हम लोग जानते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। पीरियड ऑफ होल्डिंग पर यहाँ पर एक छोटी सी अमेंडमेंट भी आई है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। ओके, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। अगर जनरली स्पीकिंग अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा 3 साल से ज़्यादा हो जाता है, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग जितने दिन हमने वो असेट होल्ड किया अगर वो 3 साल से ज़्यादा है, अप टू 3 ईयर्स तक तो शॉर्ट टर्म, बट 3 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, राइट। बट कुछ असेट्स के लिए हम 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग के बाद ही लॉन्ग टर्म बोल देते हैं और कुछ असेट्स के लिए 1 साल के बाद ही हम लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। तो जनरली स्पीकिंग अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा 3 साल के बाद है तो लॉन्ग टर्म होता है, एग्जैक्ट 3 साल हो तो शॉर्ट टर्म आएगा, राइट, आई एम सॉरी। बट हाँ, कुछ चीजों के लिए हम 2 साल देखेंगे। किसके लिए? लैंड या बिल्डिंग। अगर आप लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं, अगर आप लैंड या बिल्डिंग को ट्रांसफर करते हैं 2 साल के बाद ही आपका ये लॉन्ग टर्म आ जाएगा। इसके लिए हम 3 साल नहीं देखेंगे, इसके लिए सिर्फ 2 साल ही देखा जाएगा, करेक्ट। और इन केस अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स, मैंने अनलिस्टेड डिबेंचर्स नहीं बोला है, मैंने यहाँ पर बोला है अनलिस्टेड शेयर्स। अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हैं, चाहे वो आपके इक्विटी शेयर्स हो या फिर आपके वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, अगर ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो 2 साल के बाद ही आप इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म, राइट। तो इन दोनों के लिए हम लोग 2 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म बना देंगे। किस किस के लिए 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज बेचते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, देखिए ऊपर मैंने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, 2 साल के लिए मैंने लिखा था अनलिस्टेड शेयर्स, वहां पे सिक्योरिटीज नहीं लिखा था, इट वाज जस्ट शेयर्स।
अगर आप लिस्टेड, यहां पर लिस्टेड सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब वो लिस्टेड शेयर भी हो सकता है, वो लिस्टेड डिबेंचर भी हो सकता है, या एनी अदर लिस्टेड सिक्योरिटी भी हो सकती है। अगर वो लिस्टेड, लिस्टेड का मतलब होता है लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, अगर वो एक साल के बाद ही अगर आप बेचते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शेयर खरीदा, लेट से टाटा मोटर्स का आपने शेयर खरीदा और आपने उसको 14 मंथ्स तक रखा या 15 मंथ्स तक रखा, यानी कि एक साल के ज्यादा रखा और उसको बेचा, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है, बिकॉज दैट इज अ लिस्टेड सिक्योरिटीज। अब प्लीज मुझे बताइए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए कितना देखेंगे? सर यहाँ पर तो सिर्फ लिस्टेड लिखा है, यानी कि अनलिस्टेड के लिए तो सर 2 साल देखेंगे, बट प्लीज अगर वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो 2 साल देखेगा, बट अगर वो अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, अब देखिए अनलिस्टेड डिबेंचर्स यहाँ पर भी नहीं कवर हुआ क्योंकि यहाँ पर शेयर्स थे, और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ लिस्टेड है अनलिस्टेड नहीं है, यानी कि उसके लिए जनरल प्रोविजन लगाएंगे 3 साल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको प्लीज ऐसे याद कीजिएगा, जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं, जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं, उसके लिए 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म। क्लियर है यहाँ तक? लिस्टेड सिक्योरिटीज, चाहे वो लिस्टेड शेयर हो, चाहे वो लिस्टेड डिबेंचर हो, या फिर लिस्टेड कोई भी अदर सिक्योरिटीज हो, उसके बाद 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बट अगर वो आपकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो 3 साल होगा, तो 3 साल होगा। बट अगर वो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस या इक्विटी कोई भी हो सकते हैं, अगर वो शेयर्स हैं तो 2 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म बना लीजिएगा, ठीक है। लिस्टेड के लिए 1 साल, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 2 साल, अदर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 3 साल। याद रहेगा ये बात है, ओके। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचते हैं, किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स, आपको पता है अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिस म्यूचुअल फंड स्कीम का मैक्सिमम कॉर्पस 65% और मोर टुवर्ड्स इक्विटी की तरफ लगता है, उसको कहते हैं हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचते हैं जो एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म बना देते हैं। यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए भी 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा, करेक्ट। अब एक अमेंडमेंट आई है, एक सेक्शन 50AA इंसर्ट हुआ है, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अमेंडमेंट है इस साल की, काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट लिंक डिबेंचर्स और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, देखो मैंने यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स बोला था, यहाँ पर है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अगर आप मार्केट लिंक डिबेंचर्स बेचते हैं या यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बेचते हैं, 1 साल के बाद बेचें, 2 साल के बाद बेचें, 3 साल के बाद बेचें, 4 साल के बाद बेचें, 8 साल के बाद बेचें, 10 साल के बाद बेचें, ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म रहने वाले हैं, ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म रहने वाले हैं। यानी कि मैं लास्ट टाइम तक, लास्ट बैचेस तक ये बोलता था कि लॉन्ग टर्म कोई भी असेट हो जाता है जनरली 3 साल, कुछ असेट्स के लिए 2 साल, कुछ असेट्स के लिए 1 साल। बट रिगार्डिंग दिस, अब ये जो अमेंडमेंट आ गई है, मार्केट लिंक डिबेंचर्स और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी हो, इसके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा और ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म की तरह देखे जाएंगे, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स निकलेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं कि इसको ऐसा क्यों किया गया, बट प्लीज रिविजन में आपको ये बातें याद आ गई हैं। मार्केट लिंक डिबेंचर्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनकी रिटर्न्स, हम लोगों को पता है कि जनरली जो डिबेंचर का मतलब ये होता है वहाँ पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, बट ऐसे डिबेंचर्स यहाँ पर वो डिबेंचर्स हैं जिसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, यहाँ का रिटर्न डिपेंड करती है मार्केट सिनेरियोज पर, यानी कि ये मार्केट से लिंक्ड डिबेंचर्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये डिबेंचर्स जनरली वो लोग खरीदते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि ये मिनिमम टिकट साइज में मिलते हैं 10 लाख रुपीज के, यानी कि मिनिमम आपको 10 लाख की तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। अब आप समझ जाइए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर पाते होंगे। तो मेनली यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखा था, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इस बारे में, यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखा था कि ये लोग डिबेंचर्स, पहले क्या होता था इस अमेंडमेंट से पहले, ये डिबेंचर्स बेचते थे, काफ़ी लंबे समय के लिए होल्ड करते थे, और उसके बाद जब बेचते थे लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स कहलाए जाते थे, और उसके ऊपर सिर्फ टैक्स का रेट 10% रहता था विदाउट इंडेक्सेशन, राइट। आपको पता है हम आगे बातें करेंगे सिक्योरिटीज़ के लिए कि लॉन्ग टर्म पर जनरली रेट 20% होता है, बट अगर आप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ या अदर सिक्योरिटीज़ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेचते हैं अदर देन शेयर्स, तो उसके ऊपर हम 10% भी लगा देते हैं अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन इसको बेचते हैं। तो यानी कि ये लोग इसको जब बेचते थे तो सिर्फ 10% का टैक्स रेट दिया करते थे, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैप लगा दी है, अब ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वहाँ पर 10% नहीं मिलेगा, इसको लॉन्ग टर्म से ही बाहर निकाल लिया, इसको बोला कि अब इस पर नॉर्मल रेट
से ही टैक्स लगेगा, यानी कि इसको हमेशा ही शॉर्ट टर्म बनाया जाएगा। चाहे आप इसको आप 10 साल के बाद भी क्यों ना बेचें, हम इसको शॉर्ट टर्म ही कहलाएंगे और नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स दिया जाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा, ये एक छोटा सा सेक्शन इंसर्ट हुआ है 50AA, राइट। यहाँ पर 50AA पूरा होता है, बस इतनी सी बातें लिखी है 50AA में। बट प्लीज दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये स्पेसिफिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके MCQ में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा कि मार्केट लिंक डिबेंचर है, SSC ने इसको 6 साल के बाद बेचा। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर जिन लोगों ने अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है वो सीधा सीधा इसको लॉन्ग टर्म बोल देंगे। प्लीज आप लोग इसको लॉन्ग टर्म मत बोलिएगा, इट इज अ इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म इन रिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। ओके, अब हमने सेक्शन 45 में लिए डिस्कस किया, 45(1). उसके कुछ और भी सब सेक्शंस हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड में, या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन वगैरह में, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बातें करूंगा। बट लेट्स से कम टू सेक्शन 48। 48 होता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इसके बीच में एक सेक्शन 47 भी है, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, उसके बारे में आगे नेक्स्ट पेजेस में बातें होंगी यहाँ पर, ठीक है। बट उससे पहले मैं एकदम जंप कर गया हूँ सेक्शन 48 पर, क्योंकि हमें कंप्यूटेशन समझना जरूरी है पहले, कि हम सबसे पहले अपनी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं कैपिटल गेन की। तो मैं सिंपल कहता हूँ कि कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करने का बहुत आसान तरीका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही क्लास 6 का फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट 5th से भी शायद पढ़ते आ रहे हैं, कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर प्रॉफिट निकालने हो तो हम करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। बट हाँ, हम उसका नाम अलग कर देते हैं, यहाँ पर हम उसको एक नाम देते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग नाम देते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कि जितने का आप बेच रहे हैं दिस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस, राइट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट के तीन पार्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने इसको एक्वायर किया था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपने कोई इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मतलब जब आप इसको बेच रहे हैं तो अगर आपके कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए तो उसको माइनस कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, सेम तरीका है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिर्फ लिखने का तरीका ही थोड़ा सा बदला है, अदरवाइज कंसेप्ट वही है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्लास 5th 6th वाला ही है, कुछ नया नहीं है। ओके, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस सेलिंग प्राइस, और ये सब कॉस्ट है जो माइनस की जा रही है। सबसे पहले माइनस कर सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी पढ़ा है कि पहले सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कीजिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कीजिए, फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कीजिए, वो भी बात ठीक है, मैंने बस इसको पहले माइनस कर दिया। अगर आपने ऐसे पढ़ा है अपनी रेगुलर क्लासेस में कि इसको बाद में लिखना लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस से माइनस ही हो रहा है ये, ठीक है। ओके, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कीजिएगा उसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मैंने यहाँ पर इसलिए माइनस करा दिए हैं जिससे आपको नेट कंसिडरेशन पता चल जाए, क्योंकि ये आगे काफी काम आने वाली है। जैसे आप सेक्शन 54F वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर नेट कंसिडरेशन का काफी रोल होता है, तो आपको नेट कंसिडरेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने शुरू से ही आपको बता दिया कि जब नेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, नेट सेलिंग प्राइस। जब भी आपने इसको बेचा, जब कभी भी आपने इसको बेचा था, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी असेट अपना कैपिटल असेट बेचा 10 लाख रुपीज का, और उसके ऊपर हमारा 2,000 का खर्चा हो गया बेचने के, तो हमारे पास नेट कंसिडरेशन कितना आया होगा, 9,98,000। तो दिस इज नथिंग बट नेट कंसिडरेशन, और इसमें से माइनस कीजिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो ये आपका कैपिटल गेन आ जाता है। बट आपको पता है ये कैपिटल गेन का तरीका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म है तो फिर हम लोग इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी करते हैं, राइट। बट हाँ, उसकी भी कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी इंडेक्सेशन उसका नहीं होता, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशन बताई है, सेम कंसेप्ट रहेगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप इंडेक्सेशन कर लेंगे। अब इंडेक्स करना हम सबको आता भी है, मैं एक बार बता डिस्कस भी कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है, आप कोई गलती ना करें प्लीज़। अगर इनकेस अगर हमारे पास सेट लॉन्ग टर्म है, हमें पता है हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन करना होता है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, न्यूमरेटर में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय, CII का पूरा नाम क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ CII ऑफ द ईयर इन विच इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी, In which it is first held by assessee,
जब असेसी के पास ये पहली बार आया था, सिंपल टर्म्स में हम इसको बोल देते हैं सीआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जब आपने इसको एक्वायर किया था, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी को यहाँ पर एक केस था मंजुला जे शाह का, जिसको मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। तो वहां पर अगर प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट होते हैं तो हम प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड करते हैं। तो हम एक्विजिशन ईयर ले लेते हैं प्रीवियस ओनर का, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट सिंपल अभी रखिएगा, इंडेक्स कैसे करना है आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी असेट एक्वायर करा था 10 लाख रुपीज का, और आपने इसको एक्वायर करा था आज से 4-5 साल पहले, और आप इसको इस साल ट्रांसफर कर रहे हो। इस साल का जो सीआईआई है, ऑल्दो आपको याद नहीं करना होता है, हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, सीआईआई हमेशा गिवन होंगे, हमें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 सीआईआई हमेशा याद रखिए। कौन कौन से? एक तो करंट ईयर का, जो हमारा प्रीवियस ईयर है 2023 और 24 का सीआईआई है 348, और हमारा जो फर्स्ट सीआईआई है 2001 और 2 का, दैट वाज 100। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, ऑल्दो ये एग्जाम में हमेशा सीआईआई गिवन होते हैं, बट फिर भी रिकमेंडेशन है कि करंट ईयर का सीआईआई और स्टार्टिंग वाला 2001 और 2 वाला सीआईआई हमें याद होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई असेट एक्वायर किया था 10 लाख रुपीज का आज से 4-5 साल पहले, यानी कि लॉन्ग टर्म आ रहा है, तो हमें उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी होगी। तो 10 लाख को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, सीआईआई के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो इसकी कॉस्ट हम क्या मानेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे सीआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मान लेते हैं कि हमने उसको इस साल ट्रांसफर किया था इनटू 348, और आज से हमने इसको पिछले 4-5 साल पहले एक्वायर किया था। लेट से 4-5 साल पहले का मैं कोई सीआईआई ले लेता हूँ, लेट से फॉर एग्जाम्पल 289। ये 289 एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया है, तो 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 289 करेंगे, आपके पास कुछ वैल्यू आएगी जो कि 10 लाख से ज्यादा वैल्यू होगी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी इंडेक्स, राइट। सिमिलरली आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू सीआई ऑफ द ईयर इन विच इट इज ट्रांसफर डिवाइडेड बाई सीआई ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला। इस साल का सीआई आपको पता है, इस साल का सीआई है 348, अगेन याद, रिकमेंडेशन है कि आप याद कर ले करंट ईयर का, ठीक है। बाकी सीआई की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ 100 वाला याद रखिएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अगर कोई भी असेट हमारा 1 4 2001, क्योंकि हमें पता है 2001 और 2 का हमारे पास सीआई 100 है, उससे पुराने हमारे पास सीआई ही नहीं है, तो इन केस अगर असेसी ने कोई असेट एक्वायर किया था 1 4 2000 से पहले, तो हम क्या कर देते हैं इस केस में, जो भी उसकी कॉस्ट आती है और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 4 2001 विच एवर इज हायर हमें लेनी होगी, राइट। विच एवर इज हायर हम लोग को लेनी होगी, क्योंकि हम उसका वहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट से इंडेक्सेशन करते हुए नहीं ला सकते, बिकॉज हमें इतना पुराना सीआई पता ही नहीं है। लास्ट जो हमें सीआई हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो 2001 और 2 का ही कर सकते हैं। तो इनकेस अगर एसएससी ने कोई भी असेट एक्वायर किया था काफी पहले, लेट से 1991 में किया था, 1992 में किया था, तो उसकी जितनी भी कॉस्ट थी, लेट से उसने 8 लाख के एक्वायर किया था, तो हमें क्वेश्चन हमें 1 4 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी देगा। तो लेट से अगर फेयर मार्केट वैल्यू आ जाती है, क्वेश्चन ने दी 11 लाख, तो आप क्या लेंगे, 8 लाख और 11 लाख, विच एवर इज हायर वैल्यू, यानी कि 11 लाख को कॉस्ट मान के उसको इंडेक्सेशन कर दीजिएगा, और डिनोमिनेटर में 100 ही रख सकते हैं, 100 से पहले तो हम जा ही नहीं सकते। बट प्लीज याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख थी, फॉर एग्जाम्पल 91 में असेसी ने एक्वायर किया था 8 लाख का, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 4 2001 में लेट से फॉर एग्जाम्पल 7 लाख है, तो आपको क्या लेना है, विच एवर इज हायर, फिर 8 लाख को ही मानते हुए इंडेक्सेशन कर दीजिएगा, और डिनोमिनेटर में 100 ही लेंगे, राइट। डिनोमिनेटर में 100 ही लेंगे, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, याद रहेगा ये बातें। यहां पर भी एक स्पेशल बातें है लैंड और बिल्डिंग के लिए, लैंड और बिल्डिंग के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी असेट अगर हमारे पास बिफोर 1 4 2001 वाला होता है, जब हम इसका इंडेक्सेशन करेंगे, जब हम अपनी कॉस्ट लेते हैं, तो हमें लेनी है जो भी इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 4 2001 विच एवर इज हायर, ये बातें मैंने अभी आपको बताई। बट आपको क्या करना है, इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ,
अगर असेसी ने, बोथ है ठीक है, अगर असेसी ने लैंड ट्रांसफर किया है, बिल्डिंग ट्रांसफर की है, या दोनों ही ट्रांसफर किए हैं, उस केस में, इन केस अगर क्वेश्चन में आपको स्टैंप वैल्यू भी गिवन है, अगर क्वेश्चन में स्टैंप वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल लीजिए एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। बट अगर आपके क्वेश्चन में स्टैंप वैल्यू भी गिवन है 1/4 2001 की, तो पहले आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, पहले इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट से अब आप कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर, राइट। तो इस केस में लैंड और बिल्डिंग और बोथ के केस में हमें सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू ही नहीं देखनी होती, अगर क्वेश्चन में स्टैंप वैल्यू भी मेंशन है तो फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप वैल्यू, विच एवर इज लोअर देखिएगा, और फिर इसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल कॉस्ट से। बट अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैंप वैल्यू नहीं है तो फिर इसको इग्नोर करिए, एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। इन केस फेयर मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं है, स्टैंप वैल्यू गिवन है, तो कोई बात नहीं, फिर आप स्टैंप वैल्यू को से के साथ इसको कंपेयर कीजिए, विच एवर इज हायर, यानी कि जब एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो विच एवर इज हायर लेना है, करेक्ट, ये बातें याद रहेंगी। तो दिस इज रिटन ओवर हेयर, काफी इंपॉर्टेंट बातें थी। और हाँ, 1/4 2001 से, क्योंकि हमने फेयर मार्केट वैल्यू 1/4 2001 की ले ली है, तो इससे पहले की अगर कोई भी इंप्रूवमेंट है, अगर उससे पहले की कोई भी इंप्रूवमेंट है तो हमेशा इग्नोर होगी। तो कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4 2001 से पुरानी है आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम इंप्रूवमेंट लेते हैं जो 1/4 2001 या उसके बाद की होंगी, राइट। कुछ केसेस में हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, नेट कंसिडरेशन यानी कि नेट सेलिंग प्राइस, उसके बाद हम अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन करते हैं। बट देर आर सर्टन केसेस कि अगर लॉन्ग टर्म के बावजूद भी, ठीक है, इन स्पाइट कि वो लॉन्ग टर्म है, उसके बावजूद भी हम लोग इसको, बावजूद का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ कि वो लॉन्ग टर्म है, हम उसका इंडेक्सेशन नहीं करेंगे उस केस में, राइट। कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, जनरली डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का हम लोग इंडेक्सेशन नहीं करते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म गेन ही आएगा, बट उस केस में उसकी इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। और भी दूसरी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब आप करेंगे, जैसे कि जब मैं आपको सेक्शन 50 बताऊंगा, डेप्रिशिएबल असेट्स जब आप बेचते हैं, तो भी अगर आप डेप्रिशिएबल असेट्स बेच रहे हैं तो लॉन्ग, तो हम कैपिटल तो इंडेक्सेशन नहीं करते, और उसका तरीका भी एक सिंपल तरीका होता है जो सेक्शन 32 से मिलता जुलता है, तो वहां पर हमेशा डेप्रिशिएबल असेट्स बेचने पर शॉर्ट टर्म ही आता है, तो इंडेक्सेशन की बात नहीं होती है। हम लोग आगे बातें करेंगे 50B स्लम्प सेल के केस में, वहां पर भी हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह नेटवर्थ लेते हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो 50B के वाले केस में, स्लम्प सेल वाले केसेस में भी हम लोग इसके इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। और अगर आपको याद है 112A, 112A होता है कि आप लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर से, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट से आप बेचते हैं, तो उसके ऊपर आपके पास पता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 10% का, क्योंकि आपको इतना कम रेट ऑफ टैक्स दिया गया है, तो हमने आपसे इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स ले लिए हैं, उस केस में भी इंडेक्सेशन नहीं होता है। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स मेनली अभी फिलहाल के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स याद कीजिए, वो बाकी बातें अभी हम जब वहां पर आएंगे तो मैं वहां पर भी बताऊंगा कि उनका इंडेक्सेशन नहीं होता है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का इंडेक्सेशन नहीं होगा। बट हाँ, कुछ तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं जिसका इंडेक्सेशन होता है, दो बॉन्ड्स हैं ऐसे जिसका हम इंडेक्सेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी भी एक्सेप्शन है, इनकम टैक्स देखो एक्सेप्शन से भरा पड़ा। एक होता है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड मेरी मेनली वो मार्केट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो उसका इंडेक्सेशन होता है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स का। दूसरा आता है सवर्न गोल्ड बॉन्ड्स, सवर्न गोल्ड बॉन्ड्स का भी इंडेक्सेशन होता है। तो जनरली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का इंडेक्सेशन नहीं होता, दो तरह के बॉन्ड्स हैं जिसका इंडेक्सेशन होता है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सवर्न गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। सवर्न गोल्ड बॉन्ड्स की बातें मुझे अभी सेक्शन 47 में भी करनी है। तो नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का इंडेक्सेशन नहीं होगा, एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सवर्न गोल्ड बॉन्ड्स एमसीक्यू के लिए, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए बातें इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का इंडेक्सेशन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, सिंपल अमेंडमेंट का लॉजिक काफी लॉजिकल है। सॉरी, मैंने आपको स्क्रीन नहीं दिखाई, अच्छा मैं बोल रहा था, मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा पाया था आईपैड की।
कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड का और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का इंडेक्सेशन नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसने कहा कि देखिए अगर आप कोई भी डिडक्शन पहले से क्लेम कर चुके हैं तो आप दोबारा से डिडक्शन नहीं ले सकते उसकी, यानी कि डिडक्शन का मतलब दोबारा से उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए जब कभी भी हम गेन निकाल रहे हैं, आपका प्रॉफिट निकाल रहे हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है, तो आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये आपका गेन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेलिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, आपने कोई चीज़ 12 लाख की बेची, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 10 लाख, तो आपका 2 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है, राइट, 2 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है। यानी कि हम 10 लाख की डिडक्शन आपको दे रहे हैं, 10 लाख आप माइनस कीजिए, सिर्फ 2 लाख के ऊपर आप टैक्स दे दीजिएगा। अगर आप पहले से कोई डिडक्शन ले चुके हैं, तो आप इसको अपने कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते, ये इस बात की अमेंडमेंट है। इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेनली बिल्डिंग्स वगैरह के केसेस में, घर के केसेस में हमें लिए डिडक्शन, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी एसेट के लिए अगर आप ऑलरेडी 24B में डिडक्शन ले चुके हैं, 24B क्या होता है, जब हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का, जो आपने घर कंस्ट्रक्ट कराया है या परचेज किया है उसके लिए अगर आपने लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट, तो प्लीज़ उसको कैपिटलाइज मत कीजिएगा, उसको कॉस्ट का पार्ट मत बनाइएगा। अगर आप ऐसे इंटरेस्ट की ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं 24B में, तो प्लीज़ उसको कॉस्ट का पार्ट मत बना दीजिएगा, वरना तो आपके पास डबल डिडक्शन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने 24B में डिडक्शन ली है, या फिर 80EE या फिर 80EEA जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, ये बातें हम लोग करेंगे डिडक्शंस के चैप्टर में, हम लोग करते हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, जैसे EEA में आपको बता दूं कि मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की मिलती है, अगर आपके घर 45 लाख वगैरह की आप खरीद रहे हैं, ये बातें याद आती हैं। EEEE और EEA वाली बातें हम रिवाइज कर लेंगे अपने डिडक्शन के चैप्टर में भी। ये कहता है, ये सिंपल अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर आप ऑलरेडी 24B में, 80EE में या 80EEA में इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई डिडक्शन ले चुके हैं, तो उस इंटरेस्ट को आप वापस अपनी कॉस्ट का पार्ट मत बनाइएगा, वरना इट विल अमाउंट टू डबल डिडक्शन। तो दिस इज अ सिंपल अमेंडमेंट ओवर हियर। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शुड नॉट इंक्लूड, जो आपकी कॉस्ट है, जब आप कैपिटल गेन निकालेंगे, जो आपकी आपकी कॉस्ट है, उसमें से अगर आप डिडक्शन की, इंटरेस्ट की डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं अंडर सेक्शन 24B या फिर 80EE, 80EEA जो हम चैप्टर 6 में देखते हैं, तो हम आपको इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करने देंगे, इसको कॉस्ट का पार्ट आप मत बनाइएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसकी डिडक्शन ले चुके हैं, करेक्ट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। ओके, अभी हम लोग बातें कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45(1) की। 45 में ही कुछ और सेक्शंस भी हैं, जैसे 45(1) है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल असेसी का कोई भी कैपिटल एसेट, अगर असेसी का कोई भी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया और उसको इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम मिलता है, तो इट विल अगेन अमाउंट टू कैपिटल गेन। यहाँ पर भी हम कैपिटल गेन निकालेंगे, राइट। यहाँ पर एक स्पेशल बात ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल असेसी का असेट डिस्ट्रॉय हो गया प्रीवियस ईयर 22-23 में, हम लोग ये जानते हैं इस साल ही हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट को भी हम लोग ट्रांसफर मानते हैं, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो प्रीवियस ईयर 22-23 में आपका ट्रांसफर हो गया। बट यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि हम आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल तभी करेंगे जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है। तो लेट से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला हमें नेक्स्ट ईयर 23-24 में, तो हम कैपिटल गेन की आपकी टैक्सेबिलिटी इस ईयर में टैक्सेबल करेंगे, ऑल्दो ट्रांसफर इस ईयर में हुआ बट वो टैक्सेबल यहां पर होगा। जनरल लॉ ये कहता है कि जिस ईयर ट्रांसफर है कैपिटल गेन भी उसी साल ले लीजिए, जनरल लॉ ये कहता है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, कि अगर आपका कोई भी असेसी, आपका कोई भी कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जिस साल वो डिस्ट्रॉय हुआ उस साल ट्रांसफर मानेंगे तो सही, उस दिन मानेंगे ट्रांसफर हुआ, बट उसको टैक्सेबल करेंगे इन द ईयर व्हेन द कंपनसेशन इज रिसीव्ड। तो जितना भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको क्लेम मिला है, जिस साल क्लेम मिला है आपको, जितना भी आपको क्लेम मिला है वो आपका सेलिंग प्राइस माना जाएगा, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो जनरली आपको जो क्लेम मिलेगा वो मनी के फॉर्म में मिलेगा, तो जितना भी आपको पैसा मिल रहा है वो आपके सेलिंग प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और अगर ये शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दीजिएगा, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करिएगा।
बट प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप इंडेक्सेशन करेंगे तो हमारे पास इंडेक्सेशन का फॉर्मूला क्या था, मैंने वहां पर एम्फेसिस दिया था उस पॉइंट पर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआर ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल ट्रांसफर हुआ उस साल का सीआईआर आपको लेना होता है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, अगर 22-23 में वो डैमेज हो गया, हमें क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से 23-24 में, हम टैक्सेबल तो उसको इस ईयर में करेंगे, बट वो ट्रांसफर माना कब जाएगा, ट्रांसफर तो माना इस साल में जाएगा ना। तो जब इंडेक्सेशन करेंगे तो सीआईआर ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर इस साल का इंडेक्सेशन लीजिएगा, ना कि इस ईयर का। टैक्सेबल इस साल कर रहे हैं बट सीआईआर न्यूमरेटर में जो आएगा वो उस ईयर का आएगा जिस साल वो ट्रांसफर हुआ था। और अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से, इनकेस अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से इन काइंड में पैसे मिलते हैं, तो जो इन काइंड में कोई एसेट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल, जनरली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट फिर भी थ्योरेटिकली यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ना मिलकर अगर इन काइंड में कोई कंसिडरेशन मिल जाती है, तो जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो इफ एनी कैपिटल एसेट इज डैमेज और डिस्ट्रक्टेड एंड इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है, जो भी हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, अगर वो इन काइंड मिला है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। और कैपिटल गेन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल गेन हम टैक्सेबल करते हैं जब वो हमें क्लेम मिला, ऑल द असेट ट्रांसफर हुआ था इन द ईयर इन विच इट वॉज डिस्ट्रॉयड, राइट। दूसरा सेक्शन है 45(2), काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप अपना कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक में, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक असेसी है, उसके पास दैट पर्सन वॉज वेरी रिच, उसके पास कुछ लैंड थे, जो उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे थे लैंड, बाद में उसने अपना बिजनेस एज अ प्रॉपर्टी डीलर शुरू कर दिया, तो उसने क्या किया, जो उसके पर्सनल लैंड थे उसने उसको कन्वर्ट कर लिया इंटू स्टॉक इन ट्रेड। तो जिस साल भी वो कन्वर्ट करता है, जिस साल भी अपना वो कैपिटल असेट कन्वर्ट करता है इंटू स्टॉक इन ट्रेड, उस ईयर ट्रांसफर माना जाता है, उस ईयर ट्रांसफर माना जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा जब ये एक्चुअली सेल हुआ, तो मैंने यहां पर आपको बताया भी हुआ है इस नंबर लाइन की मदद से। फॉर एग्जाम्पल वो लैंड असेसी ने वो कैपिटल असेट परचेज किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बातें कर लेता हूँ, 2004 और 2005 में उसने ये लैंड परचेज किया था, उसने इसको कन्वर्ट कर लिया, 2014-15 में उसने उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू कैपिटल असेट, राइट। कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, वहां पर उसने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। यहां पर उसका कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर तो माना जाएगा बट टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसने सिर्फ कन्वर्ट करा है। फायदा उसको, एक्चुअल फायदा तब होगा जब वो उसको बेचेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर कन्वर्ट हुआ स्टॉक में और ये बिक रहा है 2023-24 में, तो इस ईयर में इसका जो कैपिटल गेन हमने पहले टैक्सेबल नहीं किया था उसको अब यहां पर हम टैक्सेबल करते हैं। तो इस साल आपकी इस ईयर में दो इनकम आएंगी, एक तो पीजीबीपी और दूसरी कैपिटल गेन की। कैसे करते हैं इसको, जिस दिन आपने इसको कन्वर्ट किया था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, उस दिन आपकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। इस साल तो कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। हम कैपिटल गेन टैक्सेबल कब करेंगे, यहां पर दो इनकम आएगी, एक तो पीजीबीपी और कैपिटल गेन। यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया है ये पीजीबीपी का होगा क्योंकि ये कन्वर्जन के, यहां पर तो स्टॉक बन चुका है ना, इसके बाद का एरिया तो पीजीबीपी का होगा, इससे पहले का एरिया कैपिटल गेन का होगा। पीजीबीपी की इनकम कैसे आएगी, सिंपल है सर, यहां पर हमने बीच में एक ब्रेक लगाया इसका फेयर मार्केट वैल्यू कन्वर्जन का, तो जितने में भी आपने बेचा ये एसेट, जितने में भी आपने बेचा, माइनस जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो तो आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी। और कैपिटल गेन कैसे आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लीजिएगा, ये डीम्ड सेलिंग प्राइस है, क्योंकि जिस दिन कन्वर्ट किया अगर हम बेचते तो उसको किस वैल्यू पर बेचते, तो इसका डीम्ड सेलिंग प्राइस है ये, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस साल हमने ये खरीदा था उसकी कॉस्ट ले लीजिएगा। और ये पीरियड ऑफ होल्डिंग डिपेंड करता है कि ये लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था, अगर ये लॉन्ग टर्म था तो कॉस्ट की भी इंडेक्सेशन करनी होगी आपको, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये पीरियड 3 साल या 3 साल से कम था तो उस केस में आपको डिपेंड करता है 3 साल लेना है, 2 साल लेना है, 1 साल लेना है, वो डिपेंड करता है उस असेट के ऊपर। तो अगर ये होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है तो सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दीजिएगा, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो प्लीज इसका फिर आप इंडेक्सेशन भी करेंगे, करेक्ट।
ओके अब नेक्स्ट कंसेप्ट है सेक्शन 45(5). देखो गाइस, ये सेक्शन नंबर अगर याद ना रहे ना तो इट्स ओके, बट आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो सेक्शन नंबर नहीं रहेगा याद तो परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, अगर असेसी का कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्वायर हो जाता है, मेनली जनरली कंपल्सरी एक्वायर होता है लैंड या बिल्डिंग के केस में, अगर गवर्नमेंट वहां पर कोई प्रोजेक्ट कर रही है, वो फॉर एग्जाम्पल अपनी मेट्रो ट्रेन चला रही है या फिर रैपिड रेल चला रही है या कोई फ्लाईओवर बनना है, कुछ भी ऐसी चीजें बननी है, तो गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। तो यहां पर भी एसएससी के पास एक कैपिटल असेट था और उसने कंपल्सरी, मतलब उसने वॉलंटरी नहीं बेचा, बट उसको कंपल्सरी बेचना पड़ा गवर्नमेंट को, तो कैपिटल गेन द्वारा अगेन अराइज होगा बिकॉज उसका कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है। जितना भी उसको कंपनसेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, हम उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलेंगे और सेम ट्रीटमेंट होगा। बट सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट वैसे ही है सेम जैसे कि हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट में देखा था, यहां पर हो सकता है कि आपको कंपनसेशन मिलने में 1 साल या 2 साल लग जाएगा। तो अगर असेसी का कैपिटल असेट ट्रांसफर हो गया, लेट से फॉर इन द ईयर प्रीवियस ईयर 2022-23 में कंपल्सरी एक्वायर हो गया, ट्रांसफर तो माना जाएगा इस ईयर में, बट उसको पैसे मिलते हैं, कंपनसेशन उसको मिलती है प्रीवियस ईयर 2023-24 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर जाकर उसको कंपनसेशन मिलती है, तो हम यहाँ पर उससे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे, ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए। तो यहाँ पर वो बोलेगा देखिए, एक तो आपकी सरकार ने मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से आप टैक्स लेने के लिए आ गए, तो यहाँ पर हम कैपिटल गेन टैक्सेबल करते हैं इन द ईयर व्हेन द कंपनसेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड, इन द ईयर व्हेन द कंपनसेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड। बट हाँ, इंडेक्सेशन करना टिल द ईयर ऑफ ट्रांसफर का ही, ट्रांसफर का ही तक ही इंडेक्सेशन करिएगा, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर 2022-23 में कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, पैसे मिलते हैं प्रीवियस ईयर 2023-24 में, कैपिटल गेन तो इस साल टैक्सेबल होगा, ठीक है, इस साल आप कंप्यूटेशन करेंगे, बट आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर एग्जाम्पल इंडेक्सेशन कर रहे हैं, तो सीआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ये वाले ईयर का लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफर तो उसी ईयर हुआ था। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखिएगा लिखा क्या है, व्हेन अ कैपिटल असेट इज एक्वायर्ड कंपल्सरी, तो भी जनरली गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वगैरह एक्वायर करते हैं ये, तो कैपिटल गेन अराइज होगा। हाउएवर इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द एक्चुअल कंपनसेशन इज रिसीव्ड, इवन अगर पार्शियल कंपनसेशन रिसीव हुई है तो भी हम उसी ईयर टैक्सेबल कर देंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेना है, पार्शियल कंपनसेशन या फुल कंपनसेशन, पूरे का पूरा कंपनसेशन लेना है। इवन अगर थोड़ा बहुत ही अगर आपको पैसा मिला है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट के पास काफी पैसे हैं तो वो आपको दे देगी एक साथ पैसे, बट इन केस अगर ऐसा हो आया क्वेश्चन ने आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि पार्शियल कंपनसेशन मिली है अभी पूरी नहीं मिली है, तो भी आप पूरा अमाउंट ही लीजिएगा इन द ईयर इन विच इट इज फर्स्ट रिसीव, चाहे वो कम मिले या ज्यादा मिले, आप पूरा ही अमाउंट को सेलिंग प्राइस बनाइएगा। और होल्डिंग पीरियड कब तक कैलकुलेट कर करना है, जब वो ट्रांसफर हुआ था कब से, जब से वो एक्वायर हो, ठीक है। इनहैंस कंपनसेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि असेसी केस कर देता है, वो बोलता है कि सर उस समय जब आपने कंपल्सरी एक्वायर किया था तो आपने मुझे इस प्रॉपर्टी के 80 लाख रुपीज दिए थे, बट एक्चुअली मेरी प्रॉपर्टी की तो 95 लाख रुपीज मिलने चाहिए, और वो केस कर देता है कि मुझे इनहैंस कंपनसेशन दीजिए। तो बाद में अगर वो केस जीत जाता है और अगर गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन देती है तो वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी, कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा डिपेंड करता है ओरिजिनल कैपिटल गेन कैसा था, अगर वो ओरिजिनल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म होगा, और ओरिजिनल कैपिटल गेन अगर शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म होने वाला है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लीजिएगा, इनहैंस के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट तो आप पहले से ही कंप्यूट कर चुके होंगे ना, तो कॉस्ट की तो डिडक्शन आप पहले ही ले चुके हैं, तो जितना भी आपके पास इनहैंस कंपनसेशन आया वो आपकी कॉस्ट बन जाती है, ठीक है, सॉरी वो आपकी कॉस्ट अब नहीं ली जाएगी, इट वुड बी नल। तो व्हेन एक्स्ट्रा कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय द एसएससी देन कैपिटल गेन विल अराइज इन द ईयर इन द रिसेट ऑफ सच इनहैंस कंपनसेशन, जिस साल आपको इनहैंस कंपनसेशन रिसीव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट केस हम जीत गए, कोर्ट में डिक्लेयर हो गया कि आपको इनहैंस कंपनसेशन मिलेगा, लेट से इन द प्रीवियस ईयर 2024-25 में लेट से कोई एसएससी कोर्ट केस जीत गया, यहाँ पर उसको पता चल गया मुझे कंपनसेशन मिलेगी, बट अभी सिर्फ कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं, जब तक आपको पैसे नहीं मिलते तब तक आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर ये पैसे आपको एक्चुअली मिले हैं 2025-26 में तो इस ईयर की वो इनकम बनेगी, करेक्ट। दूसरा, कभी कभी कोर्ट क्या करता है, इंटरिम ऑर्डर पास कर देता है। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आता,
फिर भी हम इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं, इतना तो कोर्ट को पता चल जाता है कि इसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलनी है, बट वो उस अमाउंट के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, तो वो इंटरिम ऑर्डर पास करके आपको कुछ पैसे दिला देती है। तो क्या उस समय क्या हम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी निकालेंगे? द आंसर इज नो। अगर आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, एसएससी को कुछ पैसे मिल जाते हैं ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर, हम उस साल कोई टैक्सेबल नहीं करेंगे जब तक वो फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता उसका। तो कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन इंटरिम ऑर्डर विल बी टैक्सेबल ओनली एट द टाइम ऑफ फाइनल ऑर्डर, राइट। अगर कंपनसेशन रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हुआ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले असेसी का कैपिटल असेट कंपल्सरी एक्वायर किया गया था और गवर्नमेंट ने उसको 80 लाख रुपीज दे दिए थे, बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि हमने ज्यादा पैसे दे दिए हैं उसको, उससे पैसे वापस लेने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को लगा कि इसके वैल्यू 70 लाख होनी चाहिए थी, हमने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, अब 10 लाख वापस ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रिड्यूस कंपनसेशन। तो क्या होगा, आपको 10 लाख वापस देने पड़ेंगे। तो आप तो पहले से 80 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स दे चुके थे ना, 80 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हुए आपने कैपिटल गेन टैक्स निकाला था। तो उस केस में अगर ये हमारा एक कंपनसेशन रिड्यूस हो जाती है, उस केस में फिर हम रिकम्प्यूटेशन करते हैं। जिस साल हमने इसको कंप्यूट करा था एज पर 80 लाख, उसको हम रिकम्प्यूटेशन करेंगे और जो भी टैक्स का डिफरेंस है वो फिर हमें रिफंड होगा, करेक्ट। तो रिड्यूस कंपनसेशन के केस में व्हेन अर्लियर कंपनसेशन इज अवॉर्डेड इज रिड्यूस, जो पहले कंपनसेशन हमने आपको अवॉर्ड की थी वो रिड्यूस हो जाती है, तो उस केस में हम रिकैलकुलेट करते हैं। देखो इनहांस कंपनसेशन के केस में हम रिकैलकुलेट नहीं करते, हम ओरिजिनल वैसे ही रखते हैं और इनहेंस कंपनसेशन जब भी आती है उसको अलग से कैपिटल गेन बना देते हैं, बट रिड्यूस कंपनसेशन के केस में हम वापस ओरिजिनल वाले को रिकैलकुलेट करते हैं और जो भी टैक्स का डिफरेंस होता है वो हमें रिफंड मिल जाता है। एक कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनसेशन डिसाइड हुआ और गवर्नमेंट ने इसको डिले कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये अभी तक हमें पैसे मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है इसका, तो गवर्नमेंट इस डिले को कंपनसेट भी कर दिया आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करके। तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो किसके लिए मिला है? क्या वो जो हमारा असेट कंपलसरी एक्वायर किया गया था उसकी वजह से मिला है या वो डिले की वजह से मिला है? तो वो जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है दैट इज विद रिगार्ड टू डिले, क्योंकि डिले हो रहा है आपको कंपनसेशन पे करने में, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बनती है। तो हम IFOs की इनकम बनाते हैं और आपको पता है ऐसे इंटरेस्ट से 50% की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। ये बातें हम IFRS में पढ़ेंगे, सेक्शन 57 में वहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट 50% की डिडक्शन मिलेगी, बट ये बात आप जानते होंगे, आई बिलीव आपको ये बात याद भी आ गई होगी। जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन मिलता है वो IFOS की इनकम बनती है, बट 50% एग्जेम्प्ट रहेगी। अदर इंटरेस्ट, अब ऐसा नहीं कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, सबके ऊपर 50% एग्जेम्प्शन दे दीजिएगा, नहीं। इट इज ओनली इन दैट केस कि अगर हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था कैपिटल एसेट, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट हमारे डिले की वजह से मिला उसके ऊपर 50% की हमें यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट होता है ना, हमने देखा था रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचो या कंपल्सरी एक्वायर हो उसके ऊपर तो कैपिटल गेन आएगा नहीं क्योंकि वो कैपिटल असेट ही नहीं है, बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर तो कैपिटल असेट आता है ना, कैपिटल गेन आएगा बिकॉज दैट इज अ कैपिटल असेट। बट इन केस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर हो जाए, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर हो जाएगा उस केस में वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 1037। नो नीड टू रिमेम्बर द सेक्शन नंबर, बट हाँ सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर होता है। तो अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप वॉलंटरी किसी को बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा बॉस, ठीक है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्योंकि कैपिटल असेट है, किसी को भी बेचो वॉलंटरी कैपिटल गेन आएगा, बट इन केस अगर वो कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है तो उस केस में हम इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। बट यस उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन मिला तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन तो पता है आपको IFOS की इनकम ही बनेगी, ठीक है। इन केस अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट तो IFOS की इनकम जाएगी नो डाउट, और हाँ उसमें से 50% आप उसको डिडक्शन भी देकर रिमेनिंग 50% को ही टैक्सेबल कीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कंपल्सरी एक्विजिशन तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। अब काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है एक, सेक्शन 46 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द कंपनी टू इट शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स, मैंने वो शेयर्स खरीदे थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई शेयर खरीदे थे, नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो 100 रुपए का शेयर खरीदा था, राइट।
अगर मैं उस शेयर को बेचूंगा तो मेरा कैपिटल गेन आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज सिक्योरिटीज वगैरह भी कैपिटल असेट होती है, उसको बेचने पर कैपिटल गेन आएगा। अगर मैं उस शेयर को उस कंपनी को ही बेच देता हूँ जिसको हम बायबैक बोलेंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा 46A, तो उस केस में भी कैपिटल गेन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है यानी कि कंपनी वाइंड अप हो रही है, और उस केस में ठीक है वाइंड अप सब करते समय आपको पता है कि पहले जितनी भी आउटसाइडर्स हैं उन सबको पैसे पे किए जाते हैं, और एंड में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो मान लेते हैं मेरा बिल्कुल एंड में नंबर आया, मैं एक इक्विटी शेयर होल्डर था, मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, लेट्स से 100 रुपीज के हिसाब से मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे उसके, उस कंपनी ने, वो कंपनी लिक्विडेट होती है सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज वगैरह पे करने के बाद, मुझे वो कुछ अपने पैसे दे देती है, जो भी उसके पैसे बचे वो मुझे दे देगी। तो प्लीज बताइएगा कि इस केस में कैपिटल गेन किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर, राइट? कंपनी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे असेट्स ट्रांसफर हुए। कौन से असेट्स? सिक्योरिटीज। मैं अपने शेयर्स इस समय कंपनी को दे रहा हूँ, देने पड़े क्योंकि लिक्विडेट हो रही है कंपनी, राइट? और उस समय जो भी मुझे पैसा मिलेगा तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन आने वाला है, कि ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसे कि मैंने अपने शेयर्स उस कंपनी को दे दिए, बट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऐसा करना पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि जिस समय कंपनी के पास, फॉर एग्जाम्पल कंपनी जनरली तो मुझे कैश पे करती है, बट अगर अगर मैं मान लेता हूँ प्राइवेट कंपनीज में ऐसा होता है कि उसके पास अगर कुछ असेट्स होते हैं तो वो असेट्स अपने शेयर होल्डर को दे देती है, तो असेट्स ने उसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए और वो जो शेयर्स थे वो कंपनी ने ले लिए, राइट? वो सारे शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं एंड ऑफ द डे। तो प्लीज बताइए, इस तरफ से तो दोनों ही ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि मैं अपने शेयर्स कंपनी को दे रहा हूँ और कंपनी अपने असेट्स मुझे दे रही है। देखा जाए तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कैपिटल गेन आना चाहिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, सॉरी कंपनी अपने दूसरे असेट्स मुझे दे रही है, तो यानी कि कंपनी के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास लैंड है, कंपनी मुझे अपना लैंड ट्रांसफर कर रही है, तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन आ सकता था। बट सेक्शन 47 जो हम पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कब, जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है उस समय अगर वो कोई भी उसके पास असेट्स हैं, अगर वो अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफर करती है, उसके हाथों में कैपिटल गेन मत मानिएगा। ये सिर्फ ट्रांजेक्शन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, यानी कि शेयर होल्डर सिर्फ अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा है और बदले में जो भी चीज़ें ले रहा है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाती है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि कंपनी के पास उस समय कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बढ़े होंगे। अगर उसके पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बढ़े होते हैं, और आपको पता है अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, दैट इज नथिंग बट डिविडेंड। तो जितना भी मुझे कंपनी से पैसा मिला, जितना भी मुझे कंपनी से पैसे मिले या अदर असेट्स मिले, उसमें मैं देखता हूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कितना शेयर था। तो जितना भी मुझे पैसा मिला, पहले मैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को अलग करूंगा, बिकॉज वो मेरे लिए डिविडेंड होगा, दैट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज डिविडेंड, और बाकी जो चीजें मिली हैं वो मेरे शेयर्स की सेलिंग प्राइस माना जाता है, करेक्ट? तो ये बात इंपॉर्टेंट रखिएगा। दो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, सेक्शन 46 है ये बातें कहता है कि जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है उस समय अगर वो अपने असेट्स या कैश वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को, तो कंपनी के हाथों में कोई कैपिटल गेन की टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती, बट हाँ शेयर होल्डर के हाथों में आती है। जो भी उसको चीजें मिल रही हैं कंपनी की तरफ से, वो माना जाता है कि वो शेयर्स की कंसिडरेशन मिल रही है, और जो भी उसकी शेयर्स की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर वो शेयर्स लॉन्ग टर्म थे तो कॉस्ट उसका इंडेक्सेशन भी किया जाएगा। क्लियर है? बट साथ में याद रखिएगा, अगर उस समय जितने भी कंपनी के पास एक्यूमुलेट प्रॉफिट थे वो डिविडेंड माना जाएगा मेरे हाथों में, और बाकी की चीजें मानी जाएंगी सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स। सॉरी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 अभी हम पढ़ेंगे, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी के हाथों में तो कोई कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। तो अगर हाँ कंपनी अगर ऐसा करती है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी खुद ही अपने वो असेट्स बेच देती है और जितना भी कैश है वो रियलाइज करती है, अब पहले उसने क्या किया, कंपनी ने वो असेट्स कहीं और थर्ड पर्सन को बेच दिया, फिर तो कंपनी के हाथों में कैपिटल गेन आ जाता है, बट इतना नहीं करना आपको अभी इंटरमीडिएट लेवल पर, इतना नहीं करना है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी थी, अगर हो सकता है कि कंपनी पहले उसको कहीं बेच देती है, पैसे रियलाइज करती है, तो उस केस में तो कंपनी के लिए कैपिटल गेन आ जाएगा, बाद में जो पैसे मिले वो मुझे दे देती है। तो जब उसने असेट्स किसी और को बेचे फिर तो कैपिटल गेन उनके हाथों में आ जाता है, बट ये अभी आपको नहीं करना है। सिंपल याद रखिएगा, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल गेन अराइज होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने शेयर्स दे रहा है और बदले में
कंपनी से कैश या अदर असेट्स ले रहा है। इसकी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं शेयर होल्डर के हाथों में? सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी उसको शेयर होल्डर को चीजें मिल रही हैं, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि मॉनेटरी फॉर्म में मिल सकती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। तो अगर उसको अदर असेट्स मिल रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू देखिए, जितना भी कैश मिल रहा है वो देखिए, जितना शेयर होल्डर को मिल रहा है उसमें से जितना भी उसका डिविडेंड का शेयर है, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का शेयर है, वो उसको माइनस कीजिए तो आपको आ जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यानी कि इतना अमाउंट जितना उसका डिविडेंड से रिलेटेड है वो तो उसकी आईएफओएस की इनकम बनेगी, और बाकी का अमाउंट माना जाएगा वो उसका शेयर्स के पैसे मिल रहे हैं, दैट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिपेंड करता है वो शेयर्स, अगर अगर ये लिस्टेड कंपनी है 1 साल से पुराने थे, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो 2 साल से पुराने थे, तो फिर लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन भी कीजिएगा। और कॉस्ट किस चीज़ की? जब मैंने वो शेयर्स खरीदे थे, जैसे मैंने 100 रुपये का वो शेयर खरीदे तो 100 रुपये मेरी कॉस्ट आ जाएगी, और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो उसका इंडेक्सेशन भी होगा और कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन दिट्स होल्डिंग पीरियड, ठीक है, राइट। इसमें एक और पॉइंट है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई असेट मिले थे, फॉर एग्जाम्पल लैंड मिला था मुझे जब वो लिक्विडेट हुआ था, तो लैंड मिला था, बट कंपनी के लिए कुछ नहीं था टैक्सेबल, मेरे लिए टैक्सेबल था, उसमें से जो भी डिविडेंड का शेयर था वो आई एफ ओ एस, बाकी अदर अमाउंट वो मैंने अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया था। बाद में अगर ये मैं अपना लैंड कभी बेचता हूँ, बाद में अगर ये फॉर एग्जाम्पल जो मुझे लैंड मिला था लिक्विडेशन के टाइम पर, अगर मैं उसको बेचूंगा तो दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल असेट एक ट्रांसफर हो रहा है, मेरे पास एक लैंड है जो मैं बेच रहा हूँ, जितना का भी बेच रहा हूँ दैट इज सेलिंग प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट क्या लेंगे? जब ये हमें रिसीव हुआ था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर होल्डर फर्दर वो असेट्स बेचता है, और वो अगर कैपिटल असेट था, अगर वो उसको बेच रहा है तो कैपिटल गेन भी आएगा, जितने का भी बेच रहा है वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी जब वो उसको मिला। याद आ गया होगा आपको ये वाला कंसेप्ट भी, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 46A, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज या बायबैक ऑफ शेयर्स, दोनों से डील करता है ये। जैसे मैं नॉर्मली आपको बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास शेयर्स हैं, मैं किसी को भी इसको बेच देता हूं तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन आएगा बिकॉज मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट उस कंपनी को भी बेच देता हूं तो भी कैपिटल गेन आएगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूं। बट यहां पर ये बोला गया है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करेंगी, पहले ये कंसेप्ट सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए होता था, बट अब ये सभी कंपनीज के लिए हो गया जो डोमेस्टिक कंपनी है। अगर डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स का बायबैक करेंगी, दो चीज इंपॉर्टेंट है, शेयर्स और डोमेस्टिक कंपनी। अगर बायबैक हो रहा है शेयर्स का, वो भी डोमेस्टिक कंपनीज कर रही हैं, तो इसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा वो डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 23.296%। ये 23.296% कैसे आया है? इसके ऊपर फ्लैट टैक्स का रेट है 20% प्लस सरचार्ज 20% के ऊपर 12% लगा दीजिएगा, उस टोटल के ऊपर 4% से आप ऐड करेंगे तो 23.296% होता है। तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है, ऑल दो टेक्निकली स्पीकिंग वो शेयर होल्डर के हाथों में टैक्स होना चाहिए था, बट कंपनी के हाथों में, ये सब लॉजिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रेगुलर क्लास में आपको पता है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अच्छे से, और आपको ये बातें याद भी आ गई होंगी कि ऐसा क्यों करते हैं। बट प्लीज़ ये याद रखिएगा कि डोमेस्टिक कंपनीज शेयर्स का बायबैक करें तो डोमेस्टिक कंपनी को ही टैक्स देना पड़ता है, 20% फ्लैट रेट है, उसके ऊपर 12% सरचार्ज, टोटल के ऊपर 4% से ऐसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास 23.296% आ जाएगा। फिर क्या शेयर होल्डर को भी टैक्स देना? नहीं, फिर शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी के ऊपर टैक्स लिया जाता है। बट अगर बायबैक करे फॉरेन कंपनी तो फिर तो नॉर्मली कैलकुलेट कीजिएगा, फिर शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, शेयर्स का नहीं कर रही, अदर सिक्योरिटीज का कर रही है, तो फिर नॉर्मली कैलकुलेट कीजिएगा, शेयर होल्डर के हाथों में ही टैक्सेबल कीजिएगा। यानी कि मैंने ये कहा था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स का बायबैक करे तो डोमेस्टिक कंपनी के हाथों में टैक्सेबल होगा। बट अगर अदर केसेस क्या हो सकते हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स हो बाय फॉरेन कंपनी, तो वो बायबैक ऑफ शेयर्स हो बाय फॉरेन कंपनी तो अदर केस में आ जाएगा। या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो बट बायबैक शेयर्स का नहीं हो रहा, अदर सिक्योरिटीज का हो रहा है, तो भी अदर केस में आएगा। तो यहां पर तो फिर नॉर्मली टैक्स कैलकुलेट करिएगा शेयर होल्डर के या सिक्योरिटी होल्डर के हाथों में, ठीक है, इस तरह इसमें भी। नेक्स्ट है सेक्शन 47, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, यहां पर सेक्शन 47 में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि चीजें अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही हो, हम उसको ट्रांसफर ही नहीं मानते, ट्रांसफर नहीं मानने का मतलब ये होता है कि हम उसके ऊपर कैपिटल
गेन नहीं लगाएंगे, कैपिटल गेन उस चीजों के ऊपर नहीं लगे। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं? तो अगर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय कंपनी टू इट शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन। अभी हमने सेक्शन 46 पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर लिक्विडेशन हो रहा है, मैं अपने शेयर्स कंपनी को दे रहा हूँ, कंपनी फॉर एग्जाम्पल अपने एसेट्स दे रही है, कंपनी अगर अपने एसेट्स दे रही है तो हम कंपनी के लिए हम कोई ट्रांसफर नहीं मांगते, हम शेयर होल्डर के हाथों में ही कैपिटल गेन लगाते हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकेंड होता है अगर कोई भी अगर आपको गिफ्ट देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, मेरे पास कोई कैपिटल एसेट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गोल्ड चेन है और मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया किसी को भी, लेट से मैंने अपने किसी फैमिली मेंबर को दे दिया, तो प्लीज़ बताइए मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो मेरे हाथों में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। अगर मैं कोई भी असेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, वेल या इनहेरिटेंस में दे देता हूँ तो मेरे ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। इवन अगर मैं अगर अपने किसी नॉन रिलेटिव को भी दे देता हूँ, ठीक है, जो मेरे मेरा फैमिली मेंबर नहीं, अगर मैंने किसी नॉन रिलेटेड पर्सन को भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी अपने दोस्त को दे दिया, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरे हाथों में कोई भी कैपिटल गेन नहीं आता है, वेदर आई एम गिविंग इट टू माई रिलेटेड पर्सन और टू अनरिलेटेड एंटिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, मैं किसी को भी इसको गिफ्ट कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। हाँ, जो रिसीवर है उसको फायदा हो रहा है, जो रिसीवर है उसको फायदा हो रहा है। हम ये बातें आईएफएस में पढ़ते हैं, अगर वो रिसीवर हमारे रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है तो उसके लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, मैं अपने बेटे या बेटी को उसको दे देता हूँ, तो उस केस में मेरे हाथों में तो क्योंकि मैं तो इसको गिफ्ट में दे रहा हूँ या विल में इनहेरिटेंस में, मेरे लिए तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, उनके लिए भी नहीं आएगा क्योंकि उनकी आईएफओएस में हम देखते हैं कि अगर रिलेटिव से हमें ये चीज़ें गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। बट अगर मैं किसी नॉन रिलेटिव को दे देता हूँ, अगर मैं इसको नॉन रिलेटिव को दे देता हूँ तो उसके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके लिए हाथों में वो आईएफओएस की इनकम बन जाएगी। ये बात हम आईएफओएस में देखते हैं कि अगर वो असेट जो उसको असेट मिला वो कैपिटल असेट है तो उसके लिए वो आईएफओएस की इनकम बन जाती है, जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसकी आईएफओएस की इनकम बन जाएगी। या फिर अगर उसकी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हम उसको देते हैं तो उसकी स्टैम्प वैल्यू उसकी आईएफओएस की इनकम बन जाती है, अगर वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की बातें हम लोग करेंगे अपने आईएफओएस के चैप्टर में, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, यहाँ पर प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट आ जाते हैं, यहाँ पर प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई लैंड था, मैंने वो लैंड अपने सन को दे दिया एज अ गिफ्ट, ठीक है, मैंने वो लैंड खरीदा था फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज़ का, मेरे पास पिछले 5 साल से था, मैंने ये लैंड अपने सन को गिफ्ट कर दिया, सन ने अगले 1 साल तक इसको होल्ड किया, अगले 1 साल तक होल्ड किया और वापस इसको आगे कहीं पर बेच दिया। पहले सबसे पहले जब मैंने उसको गिफ्ट किया था सन के लिए कोई इनकम नहीं आएगी क्योंकि उसको एग्जेम्प्ट हो जाएगी आईएफओएस में, बाद में उसने इसको आगे बेचा, जब भी वो इसको आगे बेचेगा तो उसके हाथों में कैपिटल गेन आ जाएगा। मेरे पास ये पिछले 4-5 साल से था, उसके पास पिछले 1 साल से था, तो प्लीज बताइए यहाँ पर शॉर्ट टर्म आएगा लॉन्ग टर्म आएगा? मेरे सन के हाथों में आ जाएगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग पीरियड प्रीवियस ओनर का भी काउंट होता है, यहाँ पर प्रीवियस ओनर का भी होल्डिंग पीरियड काउंट होता है। यानी कि इसका एक सिंपल कंसेप्ट है, जब ये उसको मिला था तब उस समय कोई भी टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आई थी, कोई भी टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आई थी, उसका मतलब प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं। जब भी उस असेट को वो बेचेगा तो दैट इज द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, यानी कि मेरी कॉस्ट, जब ये मैंने लैंड खरीदा तो मेरी कॉस्ट क्या थी, और होल्डिंग पीरियड भी मेरा पीरियड भी इंक्लूड होगा, यानी कि उसका 1 साल और मेरे यहाँ पर 4 या 5 साल जितना भी था वो ऐड होगा और वो शुरू से ही इसका इंडेक्सेशन होता है। ये बात हम लोग पढ़ते हैं मंजुल्ला जे शाह का केस था, तो वहां पर ये कंसेप्ट आया कि अगर आपका रिलेटिव आपको कोई चीज़ें गिफ्ट करता है और उस समय कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आती है तो प्रीवियस ओनर के भी कंसेप्ट यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, करेक्ट। बट हाँ, अगर ये मैंने किसी नॉन रिलेटिव को दिया होता, अगर ये नॉन रिलेटिव को दिया होता तो प्लीज़ बताइए टैक्स इम्प्लीकेशन आती? था आंसर इज येस। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं लैंड अपने फ्रेंड को दे देता, लेट से ये 10 लाख का लैंड था, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये फ्रेंड के हाथों में टैक्सेबल हो जाता, जो भी इसकी स्टैम्प वैल्यू होती वो उसके हाथों में टैक्सेबल हो जाती। और वो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लैंड पिछले 4 साल से था, मैंने उसको दे दिया, उसके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। उसने 1 साल के बाद बेचा, उसने उसको 1 साल के बाद बेचा, जितना भी उसने बेचा उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट वो होगी जब उसको मिला था तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू क्या थी। तो इस केस में हम स्टैम्प वैल्यू देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग केस में, वो वैल्यू उस समय उसकी क्या थी। और होल्डिंग पीरियड यहाँ पे प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट नहीं आता क्योंकि वहां पर टैक्स इंप्लीकेशंस आ चुकी थी, राइट। तो एक सिंपल सा थंब रूल समझ लीजिएगा, प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट कब आते हैं? जब मैंने किसी को ये ट्रांसफर किया था उस समय अगर कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं थी, फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी रिलेटिव को, सन, डॉटर, स्पाउस वगैरह को ट्रांसफर किया था,
उस समय कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं आई थी, तो प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट भी आ जाते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर किया था उस समय उसकी टैक्स इंप्लीकेशंस आ गई थी, तो प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट वहां पर नहीं आते, करेक्ट। ये बातें मैंने यहां पर बताई हैं। ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट या विल और इनहेरिटेंस, तो अगर यहां पर ये ट्रांसफर करते हैं, चाहे अपने ये जो रिसीवर है ये रिलेटेड पर्सन हो या अनरिलेटेड पर्सन हो, इनके हाथों में कोई कैपिटल गेन नहीं आता। बट रिसीवर अगर रिलेटेड होता है तो उसकी इनकम हो तो रही है, बट IFOS में एग्जेम्प्ट मानी जाती है क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन से मिल रही है, बट इसकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है IFOS में। तो डिपेंड करता है कि हमें इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, स्टैंप वैल्यू लेनी है। अगर ये लैंड या बिल्डिंग का केस होता है या बोथ का, तो स्टैंप वैल्यू देखते हैं, अदर केसेस में हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, राइट। और यहाँ पर होल्डिंग पीरियड अनरिलेटेड के केस में जो होल्डिंग पीरियड लेते हैं वो सिर्फ इसी व्यक्ति का होल्डिंग पीरियड लेंगे, पुराने व्यक्ति का होल्डिंग पीरियड नहीं लेते हैं, क्योंकि जब इसको मिला था यहाँ पर टैक्स इंप्लीकेशंस आ गई थी या टैक्सेबल था। तो यहाँ पर प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट नहीं आते, हम प्रीवियस ओनर का पीरियड इंक्लूड नहीं करेंगे। बट इस केस में यहाँ पर क्योंकि प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं, जब इसको मिला था तब ये टैक्सेबल नहीं था, यानी कि प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट आ जाते हैं, होल्डिंग पीरियड भी पुराना भी इंक्लूड करेंगे और कॉस्ट भी प्रीवियस ओनर की लेते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्टीशन ऑफ HUF। अगर HUF का पार्टीशन हो रहा है, वेदर इट इज अ कंप्लीट पार्टीशन यानी कि फुल पार्टीशन या पार्शियल पार्टीशन, तो HUF क्या करती है, अपने अगर पार्टीशन हो रहा है तो वो अपने असेट्स अपने मेंबर्स को दे देती है, ठीक है, अपने मेंबर्स को दे देती है। तो उस केस में भी हम कैपिटल गेन ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली कोई इनकम नहीं हो रही, ये एक HUF के असेट्स थे जो उसके मेंबर्स को मिल गए हैं, तो यहाँ पर भी हम टैक्स की कोई लाइबिलिटी नहीं लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो सब्सिडरी कंपनी है वो एक 100% सब्सिडरी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी 100% हमारी ही सब्सिडरी है। तो प्लीज मुझे बताइएगा, अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी ही सब्सिडरी को, वो भी कैसी सब्सिडरी है, जैसे जहाँ पर आप 99% होल्ड करते हैं, 100% जहाँ पर आप 100% होल्ड करते हैं, ये तो सिंपल ऐसे ही हो गया कि मैं अपने पॉकेट से 100 रुपीज का नोट निकालकर दूसरे पॉकेट में रखूंगा, तो क्या मेरे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी? द आंसर इज नो। तो अगर होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी को असेट ट्रांसफर करे, या फिर ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है 100% सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करे, यानी कि बोथ द वेज हो सकते हैं, होल्डिंग टू सब्सिडरी या सब्सिडरी टू होल्डिंग, प्रोवाइडेड वो सब्सिडरी 100% सब्सिडरी हो, उस केस में हम कैपिटल गेन नहीं लगाते जब कभी ऐसा ट्रांसफर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो जो रिसीवर है दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक हमारी 100% सब्सिडरी है बट वो एक फॉरेन कंपनी है, अगर हम उसको असेट्स ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा। बट इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, प्रोवाइडेड 100% सब्सिडरी तो है, वो तो चलेगा ही चलेगा, राइट। तो अगर वो हमारी इंडियन कंपनी है जो रिसीवर है, दैट दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 100% सब्सिडरी हो, रिसीवर एक इंडियन कंपनी होना चाहिए, तो हम कैपिटल गेन नहीं लगाते। और प्लीज मुझे बताइए, क्या अगर बाद में फॉर एग्जांपल मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मेरे पास एक असेट था कैपिटल असेट, मैंने उसको अपनी 100% इंडियन सब्सिडरी को दे दिया, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, राइट। बाद में मेरी वो जो सब्सिडरी कंपनी है उसने ये असेट आगे ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, तब क्या सब्सिडरी के लिए कैपिटल गेन आएगा? द आंसर इज यस। जितने में भी बेचा, सेलिंग प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसकी कॉस्ट क्या आएगी? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। देखिए थंब रूल क्या था, जब उसको मिला था क्या कोई टैक्स इंप्लीकेशंस आई थी? द आंसर इज नो, इट वाज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं आई थी, यानी कि प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट यहां पर आ जाएंगे, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लीजिएगा, प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड करेंगे, करेक्ट। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर एक कंपनी अगर वो अमलगमेट हो जाती है दूसरी कंपनी में, तो एक अमलगमेटिंग कंपनी, जो पुरानी कंपनी है उसको कहते हैं हम अमलगमेटिंग, जो नई कंपनी है दैट इज कॉल्ड अमलगमेटेड कंपनी। तो अगर अमलगमेटिंग कंपनी अपने असेट्स ट्रांसफर कर देती है अमलगमेटेड कंपनी को, यानी कि न्यू कंपनी को, प्रोवाइडेड वो न्यू कंपनी एक रिसीवर एक इंडियन कंपनी है, न्यू कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो आप लोग जानते हैं कि अमलगमेशन में भी हम कोई इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो कोई भी असेट, बहुत सारे असेट जब अमलगमेशन के टाइम पर फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी अमलगमेट होकर एक थर्ड कंपनी बन गए, लेट से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड थे, ये दोनों अमलगमेट होके फॉर एग्जाम्पल सी लिमिटेड बन गए, राइट। तो इसने अपने सारे असेट्स यहाँ पर ट्रांसफर किए होंगे, इसने अपने सारे असेट्स यहाँ पर ट्रांसफर
किए होंगे, तो देखा जाए तो ट्रांजेक्शन हो रही है। जो असेट्स पहले ए लिमिटेड के थे वो अब सी लिमिटेड के बन गए, जो पहले बी लिमिटेड के थे वो भी सी लिमिटेड के बन गए, बट यहां पर एक्चुअली कोई मेजर कोई फायदा नहीं हो रहा, दोनों सिर्फ कंबाइन हो रहे हैं, राइट। तो यहां पर हम कोई कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, प्रोवाइडेड जो नई कंपनी बनी है अमलगमेटेड, इट शुड बी एन इंडियन कंपनी, राइट। और बाद में मान लीजिए एक सी लिमिटेड अगर इसको बाद में बेचती है किसी एसेट को, तो क्या कैपिटल गेन आएगा? आंसर इज यस आएगा, क्योंकि अभी बेच रही है किसी थर्ड पर्सन को, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना भी अमाउंट बिक रहा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराना वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट, पुराना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पुराना होल्डिंग पीरियड हम ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर डी मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन का अपोजिट, अमलगमेशन में हम कंबाइन हुए थे, डी मर्जर में हम स्प्लिट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर स्प्लिट हो गई थी, कोई एक कंपनी थी जिसके पास तीन डिवीजन थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन मतलब डिपार्टमेंट, इसके तीन डिपार्टमेंट थे इस कंपनी के, इस डिपार्टमेंट के अपने एसेट से, इस डिपार्टमेंट के अपने एसेट से, थर्ड डिपार्टमेंट के अपने एसेट से, बट ये थी एक ही कंपनी, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कंपनी, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। इसने क्या किया, ये डीमर्ज हो गया, इसने अपने डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, वो एक अलग कंपनी बना दिया। तो इसने अपने थर्ड डिपार्टमेंट को अलग कर दिया और एक रिजल्टिंग कंपनी जेड लिमिटेड बना दिया। पुरानी कंपनी एज इट इज रही, बस उसने अपना एक डिपार्टमेंट स्प्लिट कर दिया, तो पुरानी कंपनी एक्स वाई जेड ही रही। ठीक है सर, उसको एक्स वाई नाम चेंज कर देंगे? नहीं, पुराने वाली कंपनी का एक्स वाई जेड नाम ही रहेगा, एक नई कंपनी जेड लिमिटेड अलग होगी। पुरानी कंपनी जो बच गई उसको कहते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, और जेड लिमिटेड इज अ रिजल्टिंग कंपनी। तो अगर कोई भी असेट डीमर्जर के टाइम पर ट्रांसफर हो जाते हैं अपनी रिजल्टिंग कंपनी को, तो यहां पर भी हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में चार रूम से हमने एक रूम को एक अलग नाम दे दिया, एक एक रूम को हमने एक अलग कंपनी बना दिया, तो उस केस में भी हम कैपिटल गेन यहाँ पर अराइज नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि डीमर्जर में हुआ, प्रोवाइडेड जो रिजल्टिंग कंपनी है शुड बी एन इंडियन कंपनी, राइट। और जब कभी सेम कंसेप्ट, अगर बाद में वो कैपिटल असेट अगर वो रिजल्टिंग कंपनी बेचेगी, तो कॉस्ट किसकी लेंगे, जो हमारी पुरानी कंपनी की कॉस्ट थी वही लेंगे, होल्डिंग पीरियड भी पुराना इंक्लूड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा, सेवंथ पॉइंट। सेवन पॉइंट को ना मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ओके, देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, लेट से आपने शेयर्स खरीद लिए हैं मिंत्रा लिमिटेड के, मिंत्रा लिमिटेड के आपने शेयर्स खरीदे, फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स एट रेट ऑफ कितना माने, एट रेट ऑफ 20 रुपीज पर शेयर आपने खरीद लिया। ठीक है, शेयर्स आपने खरीद लिए, जब भी बेचेंगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा। कुछ साल के बाद क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको आपको लग रहा था कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करूंगा, तो आपने 3-4 साल के लिए होल्ड करा हुआ है, बट 4 साल के बाद क्या हुआ, आप इसके अभी भी शेयर होल्डर हैं, बट ये मिंत्रा अमलगमेट हो गई विद सम अदर कंपनी। लेट से अब ये मिंत्रा अमलगमेट हो रही है इन टू फ्लिपकार्ट, यही होता है अमलगमेशन में, फ्लिपकार्ट इज अ अमलगमेटेड कंपनी। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपके शेयर्स का क्या होगा, या तो यहां पर ऑप्शन दिया जाता है, अगर फ्लिपकार्ट ये बोलती है कि आप शेयर होल्डर अगर आप अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, हम आपको इतने पैसे दे देंगे पर शेयर के, फिर तो सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी एसएससी ने, किसी भी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स यहां पर जब अमलगमेशन के टाइम के बाद वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वहां पर ये अपने पैसे लेकर एग्जिट कर सकता है, तो जितने भी उसको पैसे मिलेंगे वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। लेट से फ्लिपकार्ट बोलती है कि हर शेयर के 30 रुपीज ले लीजिए आप हमसे, ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 रुपीज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20, और अगर ये लॉन्ग टर्म है पीरियड तो 20 रुपीज का आप इंडेक्सेशन कर लीजिएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एज द केस में भी, फिर तो बात खत्म हो गई। बट यहां पर शेयर होल्डर कहते हैं नहीं सर, आप मुझे क्या करिए, आप मुझे फ्लिपकार्ट के शेयर्स दे दीजिए, तो मुझे फ्लिपकार्ट के शेयर्स के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहां पर सेक्शन 47 ये कहता है कि जब कभी भी इन केस आप जो शेयर होल्डर्स होते हैं अमलगमेटिंग कंपनी के, अमलगमेटिंग कंपनी मतलब पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर उनको एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन उसको नई कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, अब एक स्वैप रेशियो यहाँ पर डिफाइन होता है कि किस रेशियो में आपको शेयर्स मिलेंगे, 1:1 का रेशियो हो सकता है, 1:2 का रेशियो हो सकता है, जो भी रेशियो आपको गिवन होगा, जनरली 1:1। तो फॉर एग्जाम्पल 1:1 का मतलब आपको हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 100 शेयर्स के बदले आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे। और फ्लिपकार्ट यहां पर वैल्यू क्या चल रही है इस समय फ्लिपकार्ट के शेयर की, वो सब हमें देख रही नहीं है, क्यों, सेक्शन 47 ने ये स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स कन्वर्ट करा लेते हैं इनटू द शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो इस केस में यहां पर इस समय
कोई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांजेक्शन तो हुई, देखिए आपके पास शेयर्स थे मिंत्रा के, नाउ इट इज नाउ फ्लिपकार्ट, ट्रांजेक्शन तो हुई बट इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्लियर है। हाँ, अब आगे क्या होगा, हो सकते कि आगे कुछ साल के बाद आप ये शेयर बेच दे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये शेयर बेच दिया एट द रेट ऑफ लेट्स से 120 रुपीज पर शेयर आपने बेच दिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहां पर इस जगह पर आपका कैपिटल गेन आएगा। और कॉस्ट क्या ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप कौन सा शेयर बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट का शेयर, फ्लिपकार्ट के शेयर की क्या कॉस्ट थी, वो तो आपकी कॉस्ट थी नहीं क्योंकि आपने तो शेयर खरीदे थे ओरिजिनली मिंत्रा के, तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ली जाती है। तो ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट क्या थी, 20 रुपीज, और होल्डिंग पीरियड भी पूरा काउंट होगा, जितना फ्लिपकार्ट का था प्लस पुराना भी पूरा होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे। और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो आप इंडेक्सेशन कर लीजिएगा 20 रुपीज की, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये हो जाएगा, सर अगर रेशियो 1:1 ना हो के 1:2 हो, 1:3 हो, यानी कि हमें फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स के बदले फॉर एग्जाम्पल 50 शेयर्स मिल जाए, लेट से 1:1 का रेशियो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको 100 शेयर्स के बदले फ्लिपकार्ट के 50 शेयर्स मिल गए, इसका मतलब दो मिंत्रा के शेयर और एक फ्लिपकार्ट के शेयर बराबर है, राइट। तो फिर आप क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट का जब शेयर्स बेचेंगे हर एक शेयर के बदले दो शेयर की कॉस्ट ले लीजिएगा। तो जो भी फ्लिपकार्ट का शेयर जब बिक रहा है तो कॉस्ट क्या लीजिएगा, दो शेयर की कॉस्ट, दो शेयर की कॉस्ट क्या थी, 40 रुपीज। तो अगर 1:1 का रेशियो नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली निकाल लीजिएगा कि मेरे कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिल रहे हैं, उसकी आप कॉस्ट ले लीजिएगा अकॉर्डिंगली, कि जो मेरा फ्लिपकार्ट का शेयर है वो दो शेयर के बराबर था मिंत्रा, तो दो शेयर की कॉस्ट ले लीजिएगा, तीन शेयर के बराबर था तो 60 रुपीज ले लीजिएगा तीन शेयर की कॉस्ट, सिंपल है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई, ओके। तो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ शेयर्स इन द कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं कंसिडरेशन में दूसरी कंपनी के शेयर्स के बदले आपको शेयर्स मिल जाते हैं, उस केस में हम इसको ट्रांसफर नहीं मानते, प्रोवाइडेड वो अमलगमेटेड कंपनी के इंडियन कंपनी हो। और वेन शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी सोल्ड, नई कंपनी के शेयर्स फ्लिपकार्ट के शेयर्स जब आगे बेचे जाएंगे तो कैपिटल गेन आएगा और कॉस्ट ली जाएगी आपके मिंत्रा के शेयर्स की। 1:1 का रेशियो था तो सिंपल एक शेयर की कॉस्ट ले लीजिएगा, या फिर जो भी स्वैप रेशियो था अकॉर्डिंगली आप उसकी कॉस्ट ले सकते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ नई कंपनी फ्लिपकार्ट का काउंट होगा या मिंत्रा का भी काउंट होगा, पूरा शुरू से ही ओरिजिनल शेयर से आपका होल्डिंग पीरियड काउंट होगा। सिमिलर केस होता है डीमर्जर का भी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शेयर्स थे किसी कंपनी के बट बाद में उसका डीमर्जर हो जाता है, डीमर्जर मतलब उसका एक पार्ट स्प्लिट कर देती है, तो वो कंपनी बोलती है कि हम आपको अपनी डीमर्ज जो हमने रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर्स हम आपको दे देते हैं, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स भी दे देते हैं, क्योंकि जब आपने शेयर्स खरीदे थे तो आपने पूरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, आपने इसका एक पार्ट अलग कर दिया है। लेट से मैं आपको इसको भी समझा देता हूं एक बार। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी एक्स वाई जेड लिमिटेड और आपने इसका शेयर खरीदा था 40 रुपीज का, आपने एक शेयर खरीदा था इसका 40 रुपीज का, लेट से शेयर नंबर ऑफ शेयर कुछ भी ले सकते हैं, लेट से 100 शेयर्स थे एट रेट ऑफ 40 रुपीज पर शेयर आपने खरीदा था। इस कंपनी ने क्या किया, जब आपने शेयर खरीदा था उसके दो साल के बाद या तीन साल के बाद, तीन साल के बाद ये इस कंपनी ने अपने आप को स्प्लिट कर लिया, एक कंपनी इसने रिजल्टिंग कंपनी बना दी, ओके। लेट से एक्स वाई जेड लिमिटेड ने अपनी 25% असेट्स को अलग करा और एक रिजल्टिंग कंपनी बना दी आर लिमिटेड, और बाकी जो आपकी 75% कंपनी है वो एज इट इज चल रही है जिसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। इसको आप जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो कंपनी अब बच गई है रिमेनिंग कंपनी दैट इज कॉल्ड डीमर्ज्ड कंपनी, और जो नई कंपनी बनी है दैट इज कॉल्ड रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि 75% यहां पर 25% यहां पर। जब आपको यहां पर शेयर्स दिए जाएंगे, जब आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे तो यहां पर हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सेक्शन 47 इसको कवर करता है कि कभी भी अगर डीमर्जर होता है और डीमर्जर के केस में अगर आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं तो हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हाँ, जब कभी भी आप इस शेयर को बेचेंगे, जब कभी भी आप इसको शेयर को बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। लेट से आपने इसके शेयर को बेचा, फॉर एग्जाम्पल इसके शेयर को बेचा आपने 30 रुपीज का, ठीक है, सेलिंग प्राइस 30 रुपीज, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 रुपीज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, ठीक है सर 40 रुपीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं 40 रुपीज तो पूरी कंपनी की थी। तो अब सिंपल है, इन्होंने जब अपनी रिजल्टिंग कंपनी बनाई थी तो कितने परसेंट असेट्स अपने सेग्रीगेट किए थे, स्प्लिट किए थे, सर 25% इन्होंने असेट्स अपने स्प्लिट करके एक नई कंपनी बना दी थी। तो आप क्या कीजिए, सिंपल कर दीजिएगा,
आपके लिए जो कॉस्ट हो जाएगी इसका भी आप इसी रेशियो में स्प्लिट कर लीजिए, इसको इसका 25% अलग निकाल दीजिए और 75% अलग कर लीजिए, यानी कि आपकी कॉस्ट भी स्प्लिट हो जाएगी। 25% अलग कर लीजिए, 40 का 25% दैट इज 10 रुपीज़, इस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 रुपीज़, और होल्डिंग पीरियड पूरा इंक्लूड करना है, जब आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले उसके बाद तक, जब तक आपने बेचे वो भी, और पुराना होल्डिंग पीरियड भी आपको इंक्लूड करना होगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो प्लीज 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ सबको समझ में आया कि कैसे आया, हमने जो भी हमारे शेयर की कॉस्ट थी वो भी हमने इसी रेशियो में डिवाइड कर लिया, स्प्लिट कर लिया, तो 10 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन कर लीजिएगा। अगर आपने डीमर्ज कंपनी के शेयर्स बेचे तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, 30 रुपीज़ का, 75% कितना आता है, 40 का 75% इज 30, और जब भी आप बेच रहे हैं प्लीज पुराना भी होल्डिंग पीरियड ऐड कर लीजिएगा, यहाँ की कॉस्ट लीजिएगा 30, शॉर्ट टर्म है तो 30 माइनस कर दीजिएगा, लॉन्ग टर्म है तो 30 का आप इंडेक्सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है? ओके, यही बातें मैंने आपको इधर समझाई है। नाइन्थ पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। एक्चुअली क्या होता था, गवर्नमेंट नीड्स मनी, गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया भी इशू करती है, और आउटसाइड इंडिया वाले जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं वो भी काफी इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा इंडिया का कंपैरेटिवली टू वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा अच्छा है, बेटर है इंडिया का इंटरेस्ट रेट, यूएस और यूके से कंपेयर करेंगे तो काफी बेटर हमारा इंडिया का है, तो वो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे सिक्योरिटीज खरीदने में। बट उनको इंडिया के इनकम टैक्स से प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि सर हम आपके यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे बट हमें एग्जिट रूट कैसे मिलेगा। एग्जिट रूट का मतलब है जो अगर हम वापस अपने इस शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को वापस अगर कन्वर्ट करना चाहें मनी में, तो हम उसको कैसे एग्जिट रूट मिलेगा, तो हम बोलते हैं कि आप इसको ट्रांसफरेबल है, आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक नॉन रेसिडेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करता है, ठीक है, अब याद कर लीजिए अपना सेक्शन 9 जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, कि वहां पर मैंने आपको बताया था सेक्शन 9 में इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी इंडियन असेट्स, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे आप नॉन रेसिडेंट है, दोनों लोग, दोनों पार्टी नॉन रेसिडेंट्स भी क्यों ना हो, अगर आप इंडियन असेट को का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो उसके चलते ये फॉरनर थोड़े से रिलेक्टेंट थे, इन्होंने बोला नहीं नहीं सर, हम आपके शेयर्स नहीं खरीदेंगे, हम आपकी सिक्योरिटीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपकी सिक्योरिटीज अगर हम बाहर बेचेंगे भी आप बोलेंगे तो इंडियन सिक्योरिटीज है, आप इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनको एक अपॉर्चुनिटी दी, इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिस जो सिक्योरिटीज हम इशू कर रहे हैं, अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को भी बेचता है, हम इसके इसको हम ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। ऑल दो हम लोग जानते हैं कि बाकी असेट्स जब ट्रांसफर होते हैं, अगर इंडियन असेट्स ट्रांसफर हो तो इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाती है, बट हम इसको हम टैक्सेबल नहीं कर रहे। कैसे नहीं, कैसे हम इस टैक्स से बच गए, यहाँ पर इसको सेक्शन 47 में कवर कर दिया। सेक्शन 47 क्या कहता है, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ओके, 10th पॉइंट इज रिडम्पशन ऑफ सेवन गोल्ड बॉन्ड्स, रिडम्पशन ऑफ सेवन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। सेवन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेवन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई इशू करता है, और काफी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है गोल्ड के ऊपर। अगर जो भी इस समय मार्केट वैल्यू चल रही है गोल्ड की, आप ये सेवन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इसकी एक मैच्योरिटी होती है 8 साल, कभी कभी केस में 5 ईयर्स भी होती है, बट जनरली इट इज द मैच्योरिटी 8 साल होती है। ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पर क्या होता है, वो गोल्ड की वैल्यू से फ्लक्चुएट करते हैं और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलती। बट सेवन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स तो अगर आप बेचेंगे तो वो कैपिटल असेट ही नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोल्ड बॉन्ड्स और सेवन गोल्ड बॉन्ड्स। सेवन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको रिटर्न भी मिलती है, आपका ये बॉन्ड गोल्ड की वैल्यू के साथ साथ फ्लक्चुएट भी करते हैं, साथ साथ में आपको एक रिटर्न भी मिलती है। यहाँ पर आरबीआई हमें देता है 2.5% का इंटरेस्ट, यहाँ पर हमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है हर 6-6 महीने बाद। ये बात सेवन गोल्ड बॉन्ड्स के फीचर है, वो आपको सब कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको तो मुझे ये कंसेप्ट बताना था, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर सेवन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आप समझ चाहते हैं तो आप ये कोई कंसेप्ट याद करना आसान हो जाता है। तो सेवन गोल्ड बॉन्ड्स किस तरीके से डिफरेंट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से, देखो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड तो मैंने आपको शुरू में बताया था कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आता, उसके ऊपर तो हम कैपिटल गेन ही नहीं निकालेंगे।
बट सवन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। जो जनरली आजकल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 2.5% चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हर 6-6 महीने बाद वो मिल जाता है। खैर वो बातें सवन गोल्ड बॉन्ड्स की थी। अगर यहाँ पर जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ये सवन गोल्ड बॉन्ड्स ट्रेडेबल भी होते हैं, ठीक है। ये आप एक्सचेंज पर ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सचेंज पर बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, तो कैपिटल गेन आएगा। बट जो व्यक्ति इसको रिडीम कराएगा, जब ये मैच्योरिटी पर रिडीम होंगे, तब हम इस पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन 47 में कवर कर दिया, ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर कोई और रिडीम कराएगा तो टैक्सेबल हो जाएंगे। तो दो चीजें याद रखिएगा, सेवन गोल्ड बॉन्ड्स और नॉर्मल बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं ये, इनको बेच सकते हैं हम लोग, इसको हम मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, बेचने पर तो कैपिटल गेन आएगा। बट अगर आप रिडीम करते हैं, इसकी मैच्योरिटी पर अगर ये रिडीम होता है, तो उस केस में हमने इसको ट्रांसफर नहीं माना, यानी कि उस केस में हम इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। बट दिस फैसिलिटी ये हम ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं, ओनली फॉर इंडिविजुअल। अगर कोई और रिडीम कराएगा तब तो हम कैपिटल गेन निकाल देते हैं, बट इस इंडिविजुअल के लिए हमने इसको एक्सेप्ट करा हुआ है, राइट। तो सेवन गोल्ड बॉन्ड्स याद रखिएगा, सिर्फ मैंने रिडम्पशन लिखा, बेचने पर ट्रांसफर नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे लिखा रिडम्पशन, सिर्फ रिडम्पशन पर ही यहाँ पर इस पॉइंट पे कवर करा गया है। दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ठीक है। दो चीज बातें याद रखना, रिडम्पशन में और इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट 11th पॉइंट है, इनफैक्ट ये अमेंडमेंट है इस साल की, ठीक है, काफी अच्छी ये अमेंडमेंट आई है। अब आपको पता है जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड होते हैं, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, इसी तरीके से आज गोल्ड एक्सचेंजेस भी हैं, जहां पर आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं। और जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं इंटरमीडियरी, गोल्ड एक्सचेंज में होते हैं वॉल्ट मैनेजर्स, ठीक है, वॉल्ट मैनेजर्स इंटरमीडियरीज होते हैं। ये बातें सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, हमें क्या इसमें पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहते हैं गोल्ड ये किस तरीके से काम करता है, अगर हमारे पास फिजिकल गोल्ड है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास या आपके पास फिजिकल गोल्ड है, आपको पता है कि गोल्ड इज अ कैपिटल एसेट, गोल्ड को बेचने पर कैपिटल गेन आएगा, नो डाउट, गोल्ड को बेचने पर कैपिटल गेन आएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने गोल्ड को, अपने फिजिकल गोल्ड को वॉल्ट मैनेजर के पास लेकर जाता हूं और मैं इसको बोलता हूं कि प्लीज मुझे इसको एज अ डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आज ये कंसेप्ट है, आज असेसी अपने फिजिकल गोल्ड को डिजिटल में कन्वर्ट करा सकता है और उसकी फिर ट्रेडिंग भी कर सकता है आगे गोल्ड एक्सचेंजेस पर। तो क्या होता है, हमारे पास जो फिजिकल गोल्ड है, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, ये असेसी है, इनके पास फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, और अगर ये इसको सेल करेंगे तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन आएगा। बट अभी ये सिर्फ इसको ये गोल्ड एक्सचेंज पर इससे ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जाकर इंटरमीडियरी के पास जाकर, वॉल्ट मैनेजर के पास जाकर इसको कन्वर्ट करा लेते हैं डिजिटल फॉर्म में, और इनको मिल जाती है EGR। EGR होती है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। तो उसके इक्विवेलेंट जितना इन्होंने फिजिकल बॉन्ड को कन्वर्ट कराया इनटू EGR, उसके अकॉर्डिंग उसके इक्विवेलेंट इनको EGR इशू हो जाती है। फिर ये EGR ट्रेड कर सकते हैं, जब भी इनको अच्छा लगेगा ये इसको ट्रेड कर सकते हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप इसको बेच भी सकते हैं। प्लीज मुझे बताइए, यहां पर मिस्टर एक्स ने सिर्फ इसको कन्वर्ट कराया है, सिर्फ अपने फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराया है, क्या यहां पर हम कैपिटल गेन लगा देंगे? द आंसर इज नो, यहां पर इसको सेक्शन 47 ने कवर किया। वो कहते हैं कि अगर असेसी अपना फिजिकल गोल्ड को EGR में कन्वर्ट कराता है तब हम कोई कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर उसने अपनी EGR बेच दी, अगर उसने EGR बेच दी तो इट इज एज गुड एज कि उसने गोल्ड बेच दिया। अगर वो अपनी EGR आगे बेचता है गोल्ड एक्सचेंज पर तब कैपिटल गेन आएगा, राइट, तब कैपिटल गेन आएगा। तो जब ये EGR आगे बेचेगा तब कैपिटल गेन आएगा, जितना भी आगे, अब ये बात थोड़ी आगे भी है पर मैं यहाँ पर ही डिस्कस कर लेता हूँ, जब हम आगे बातें करेंगे सेक्शन 49 वगैरह की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, तब मैं बातें ये बतानी थी, बट ये अभी ही मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगर ये EGR आगे बेचेगा तब कैपिटल गेन आएगा, फॉर एग्जाम्पल जितना भी अमाउंट का बेचा दैट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट क्या ली जाएगी, इस EGR की कॉस्ट,
अब इस ईजीआर की कॉस्ट क्या थी, फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट, जो फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट थी वही इसकी कॉस्ट ले ली जाएगी। क्लियर हो गया ये वाली बातें? तो सिर्फ 47 में क्या आया, अगर फिजिकल गोल्ड को एजीआर में कन्वर्ट कराओगे तो हम इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, अगर एजीआर आगे बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, राइट। अब कभी कभी ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल असेसी ने अपना फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करा लिया, ठीक है, उसने आगे बेचा नहीं, आगे 1-2 साल तक बेचा नहीं, कोई कैपिटल गेन नहीं आया, कन्वर्ट कराने पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं था। अब उसको लगता है कि मैं वापस इसको फिजिकल गोल्ड में रिकन्वर्ट कराना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, असेसी ने कहा नहीं नहीं यार, ईजीआर में कराना अच्छा नहीं था, उसको लगा कि नहीं मुझे वापस फिजिकल गोल्ड चाहिए, उसने वापस इस ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में करा लिया कन्वर्ट। तो अगर जब कभी भी ईजीआर वापस फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट होंगे तो यहां पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको भी सेक्शन 47 ने कवर किया। यानी कि अगर आप डायरेक्टली अपना फिजिकल गोल्ड बेचोगे तब कैपिटल गेन आएगा, ईजीआर बेचोगे तब कैपिटल गेन आएगा, बट अगर फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट कराइए या ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराइए, ड्यूली कवर्ड बाय सेक्शन 47, इसके ऊपर हम कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ओवर हियर। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल गोल्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसेट और वाइस वर्सा, तो यहां पर सेबी ने अब गोल्ड एक्सचेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए, वॉल्ट मैनेजर मैंने इसे बताया, इंटरमीडियरी का नाम यहाँ पर वॉल्ट मैनेजर होता है। जब कभी भी आप अपना फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट कराएं या ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराएं, देयर विल बी नो कैपिटल गेन। हाँ, अगर फिजिकल गोल्ड बेचेंगे कैपिटल गेन आएगा, ईजीआर बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा ऑब्वियसली। ओके, 12th पॉइंट। 12th पॉइंट काफी इजी, आप लोग जानते हैं, आपको पता है कि अगर हम अपने पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस वगैरह बेचते हैं तो वो भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आता है और कैपिटल गेन आएगा। अगर हमने कोई भी अपनी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन वगैरह बेची तो कैपिटल गेन आने वाला है। बट अगर हम इसको सेल करते हैं, अगर हम अपने पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स को सेल करते हैं, किसको, नेशनल आर्काइव को, एक तरीके से गवर्नमेंट को हम सेल कर रहे हैं, नेशनल म्यूजियम को सेल कर रहे हैं, उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें बेच सकते हैं और हम आपको एक फायदा देंगे, इसके ऊपर फिर कैपिटल गेन नहीं आएगा। यानी कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बेचेंगे तब तो कैपिटल गेन आएगा, बट अगर आप किसको बेचे, गवर्नमेंट को, नेशनल आर्काइव को, नेशनल म्यूजियम्स को, आप इनको बेच सकते हैं तब कैपिटल गेन नहीं आता। तो लिखा हुआ है व्हेन पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट को बेचें, किसी यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम को, नेशनल आर्ट आर्ट गैलरी, देखिए नेशनल, नेशनल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को आप बेच रहे हैं, नेशनल आर्काइव्स या कुछ इंस्टीट्यूशन विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आप अगर इनको बेचेंगे तब कैपिटल गेन नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, सिंपल। सेम यहां पर है, अगर हमारे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से, कन्वर्टेबल डिबेंचर से, कन्वर्टेबल बॉन्ड से, अगर हम अपने बॉन्ड्स को ट्रांस कन्वर्ट करा लेते हैं शेयर्स में या फिर किसी दूसरे सिक्योरिटीज में, तो यहां पर भी कैपिटल गेन नहीं आता है। जब भी वो जो हमने कन्वर्ट होने के बाद मिला उसको बाद में बेचेंगे तो कैपिटल गेन उस पर आएगा और कॉस्ट क्या ली जाएगी, ओरिजिनल जो आपके बॉन्ड्स की या डिबेंचर्स की कॉस्ट थी। तो कन्वर्जन कराने पर कोई भी हम कैपिटल गेन नहीं लगाते हैं। याद आ गई वाली बातें। रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज पर भी कैपिटल गेन हम नहीं लगाएंगे। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, आपको याद आ गया होगा, एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे उनको छोड़कर चले जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बूढ़े माँ बाप क्या करते हैं, जो अपना उनके पास एक घर होता है वो घर बैंक के पास जाते हैं लेकर, मतलब लेकर नहीं जाएंगे, मतलब बैंक के पास जाएंगे उसके पेपर्स लेकर, और बैंक को बोलेंगे कि ये आप हमारा मॉर्गेज कर लीजिए और आप इसके लिए लमसम हमें पैसा दे दीजिए, और या फिर मंथली भी आप हमें पैसे दे सकते हैं। तो जब कभी भी ये जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ये लोग अपना ये लैंड या अपना है हाउस अगर रिवर्स मॉर्गेज में रखते हैं, जहां पर बैंक इनको एक लमसम अमाउंट प्लस साथ साथ में कोई मंथली इनको अमाउंट भी देता है, तो उस केस में हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, उस केस में हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो सीनियर लोग हैं, अगर इनकी डेथ के बाद वो बैंक फिर इनके लीगल एयर को अप्रोच करता है कि लीगल एयर देखिए, आपके पेरेंट्स ने ये घर हमारे पास मॉर्गेज करा था और हमने आपके पेरेंट्स को इतने पैसे दिए थे प्लस इतना पैसा हम मंथली देते दे थे, इसके ऊपर इंटरेस्ट इतना हुआ, अगर आप इसको हमें पैसा वापस कर दें तो हम आपका एक घर आप ही को दे देते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स का ही घर था। तो उनको पहले से पहले अप्रोच किया जाता है। अगर वो लोग ऐसा करते हैं, अगर उनके लीगल एयर्स को लगता है कि हाँ यार ज़्यादा पैसा नहीं था, ये दे देना चाहिए, घर तो हमारा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का है, तो उस केस में वो बैंक को जितना भी बैंक ने पैसा दिया था विद इंटरेस्ट उसको वापस करते हैं, अपना घर वापस ले लेते हैं। यानी कि कोई कैपिटल गेन की इम्प्लीकेशन ही नहीं आई। बट इन केस
अगर वो लीगल एयर मना कर देते हैं, लीगल एयर कहते हैं कि नहीं हमें ये घर नहीं खरीदना है, ठीक है, ये घर आप बैंक आप अपने आप बेचिए, तो बैंक जब इस घर को बेचेगा, ये घर है किसका, तो उन लोगों का तो सीनियर सिटीजन का, बटन की डेथ हो चुकी है, अब किसका होता है, लीगल एयर का। तो अगर वो बैंक ने वो घर बेचा बाद में, तो लीगल एयर के ऊपर कैपिटल गेन आ जाता है, जितने भी पैसे आते हैं बैंक उसमें से अपने पैसे रख लेता है, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनके लीगल एयर्स को चले जाते हैं, और उसमें से वही टैक्स भी पे करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन फिर लीगल एयर के हाथों में आता है। बट सिर्फ हमें क्या याद रखना है, जब सीनियर सिटीजन ने अपना घर बैंक को दिया था, तो उस समय रिवर्स मॉर्गेज के कंसेप्ट में कैपिटल गेन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेक्शन 48 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं, 47 के बाद 48 का नंबर आता है, बट 48 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 48 क्या होता है, कंप्यूटेशन, कॉस्ट प्राइस माइनस, सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और लॉन्ग टर्म हो तो इंडेक्सेशन भी करेंगे, साथ साथ में एक्सपेंसेस और ट्रांसफर भी माइनस कीजिएगा। ओके, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, नो नीड टू रिमेंबर दिस नंबर, बट आपको पता होना चाहिए ये कंसेप्ट। फर्स्ट प्रोविजो लगता है सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर और फॉरेन कंपनीज के ऊपर। ये कहते हैं कि अगर हमने कोई भी शेयर या डिबेंचर्स इंडिया में खरीदा है, और वो हमने कैसे खरीदा था, फॉरेन करेंसी में खरीदा था, फॉरेन करेंसी मतलब हमने अपने डॉलर्स लेकर आए थे इंडिया, उससे खरीदा था, हम अपने यूरोज लेकर आए थे, पाउंड्स लेकर आए थे, हमने उससे वो असेट खरीदा था, जब भी ये बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। बट ये कहते हैं ठीक है सर, कैपिटल गेन तो आएगा, बट क्योंकि हमारी करेंसी स्ट्रांग है, इनका ये कहना था कि सर हमारी करेंसी, हमारा डॉलर इन रिस्पेक्ट टू रुपी, रुपी वीक है और हमारा डॉलर स्ट्रांग है, ठीक है, हमारा डॉलर स्ट्रांग है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम जब भी इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, और वो रुपीज में आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है, क्योंकि आपका एक तो रुपी डेप्रिशिएट भी होता है, इसकी वजह से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इन लोगों का कहना था सर हमें अपनी सारी कैलकुलेशन प्लीज हमें फॉरेन करेंसी में ही चाहिए, हमें सारी सारी कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में चाहिए, लास्ट में जब आप टैक्स लोगे तो लास्ट में सिर्फ फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके तब हम अपना टैक्स दे देंगे, अदरवाइज हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें फॉरेन करेंसी में चाहिए। तो इसके लिए हमने फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 बनाया, जो सिर्फ लगता है नॉन रेसिडेंट्स के लिए या फॉरेन कंपनीज के लिए। अगर ये इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स खरीदते हैं, और इन्होंने कैसे खरीदे थे शेयर या डिबेंचर, फॉरेन करेंसी में, तो इनकी पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है ना, हम जो करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी फॉरेन करेंसी में लेना है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी फॉरेन करेंसी में ले रहे हैं, नेट कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी फॉरेन करेंसी में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो होती नहीं देखो शेयर और डिबेंचर्स की, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की तो बात ही नहीं आएगी, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी फॉरेन करेंसी में लेना होता है। तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को भी पहले हमें फॉरेन करेंसी में, हर चीज को हमने फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल लास्ट में जब फॉरेन करेंसी का कैपिटल गेन आ जाए तब आप उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके कैपिटल गेन टैक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कीजिए, क्या लेना है, एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी का बाइंग रेट है या सेलिंग रेट और सेलिंग रेट है उसका एवरेज, यानी कि दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय टू एवरेज रेट आ जाता है। अब देखो यहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना लॉजिक लगाइए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो प्लीज मुझे बताओ, अगर आप इसको सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको आज बेचा, तो मैं इसको जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फॉरेन करेंसी में, तो कौन से दिन की फॉरेन करेंसी लूंगा, आज की या 2 साल साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले की, आज की, राइट। तो सिंपल है, तो जिस दिन मैंने इसको बेचा उस दिन की फॉरेन रेट लीजिएगा ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन सी लेनी है आपको, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, जो भी एवरेज प्राइस होगा सेलिंग डेट का, राइट। लॉजिकल है, याद करने की जरूरत ही नहीं है कि सर कौन से दिन कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स याद करने बैठ जाएंगे, एक सेकेंड के लिए देख कर लॉजिक लगा लीजिए कि जब हम इसको बेच रहे हैं तो हम उसी दिन का तो रेट लेंगे ना, तो उस दिन का क्या लेना है हमें, बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज। अगर कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हो, आप मुझे बताओ, लॉजिक से ही बताओ, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर किस दिन करते हो सर, जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन करते हैं, यानी कि अगर इसको भी हमें फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो इसी दिन के रेट लेंगे ना, किस दिन के, जिस दिन आपने सेल किया है। तो यहां पर भी एवरेज ऑफ बाइंग रेट और सेलिंग रेट का किस दिन का, सेल डेट का ही आप एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर करेंगे, और नेट कंसिडरेशन आ जाएगी, किस में आएगी, इंडियन रुपीज में, फॉरेन करेंसी में, सर फॉरेन करेंसी में आएगी। अब इसमें से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है। प्लीज बताइए, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर जब आप फॉरेन करेंसी लीजिएगा, फिर यहां पर लॉजिक से बताइएगा
यहाँ पे किस दिन का रेट लेना है सर? जिस साल जिस दिन मैंने एक्वायर करा था उस दिन का जो फॉरेन करेंसी का रेट चल रहा था। तो सेम कीजिएगा, एवरेज ऑफ बाइंग रेट और सेलिंग रेट, कौन सी डेट का? परचेज डेट का, जब आपने एक्वायर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम कॉस्ट माइनस करेंगे और यहाँ पर कैपिटल गेन आ जाता है, यहाँ पर कैपिटल गेन आ जाता है और हम इनको एक बेनिफिट देते हैं। इनका ये जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होता है 10% से। देखो अब यहाँ पर हमने इनको 10% का बेनिफिट दे दिया, तो इनसे हम जब भी गवर्नमेंट इनको बेनिफिट देती है ना, तो कोई एक बेनिफिट इनसे ले लेती है वापस। कौन सा? इंडेक्सेशन का बेनिफिट इनसे वापस ले लिया गया। इनको बोला ठीक है सर, हम आपका हर चीज फॉरेन करेंसी में कंप्यूट करेंगे, आपके ऊपर टैक्स रेट भी 10% लगाएंगे। ठीक है, इनको स्पेशल रेट दे दिया गया 10% का, बट हम आपको इंडेक्सेशन नहीं करने देंगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो वैसे इंडेक्सेशन नहीं होनी, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पर अगर ये लॉन्ग टर्म भी है तो इंडेक्सेशन अलाउड नहीं। ठीक है, तो आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा एज द केस में भी, और दैट टू इन फॉरेन करेंसी। अब देखो इंडिया में तो टैक्स तो इंडियन रुपीज में दोगे ना, तो यानी कि अब ये जो कैपिटल गेन आया है अब इसको वापस रिकन्वर्ट कर लो इंडियन करेंसी में। अब इसको इंडियन करेंसी में हम लोग जब रिकन्वर्ट करेंगे, प्लीज बताइए कौन से दिन का रेट लेंगे? सर जिस दिन हमारा ये कैपिटल गेन आया, किस दिन कैपिटल गेन आया होगा? जिस दिन मैंने सेल किया, तो सेलिंग वाली डेट का हम लोग इसको वापस से रिकन्वर्ट करेंगे। यहां पर कौन सा रेट लेना है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेना है बाइंग रेट, यहां पर एवरेज नहीं करना। हर जगह पर आपने ऊपर एवरेज किया था, बट लास्ट में आपको सिर्फ बाइंग रेट लेना है, और वो भी किस दिन का? जिस दिन कैपिटल गेन आया। कैपिटल गेन किस दिन आया? जिस दिन हमने ये शेयर बेचे होंगे उस दिन का रेट लेना, वो आपका कैपिटल गेन इंडियन रुपीज में आ जाएगा। राइट, तो ये कंसेप्ट होता है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। ये नॉन रेसिडेंट्स को और इंडियन और नॉन रेसिडेंट्स को और फॉरेन कंपनीज को मिलता है। अगर उन्होंने इंडियन कंपनीज के शेयर से डिबेंचर्स खरीदे थे फॉरेन करेंसी में, तो हम इनकी सारी की सारी कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में करते हैं। राइट, बट अब आपको हम आगे देखेंगे 112A के भी कंसेप्ट आ गए हैं। 112A क्या होता है? इक्विटी शेयर्स अगर लॉन्ग टर्म हो, तो अगर वो कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म वाला, जहाँ पर आप 10% रेट लेते हैं टैक्स का, फिर ये फर्स्ट प्रोविजो फॉलो नहीं होता है। तो ये मुझे बात आगे भी बतानी है, ऑल्दो मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, एक इंपॉर्टेंट नोट करके, अबव प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन शेल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर सेक्शन 112A अप्लाई। जहां पर 112A अप्लाई हो जाता है, 112A अप्लाई कहां पर होता है? हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं, एसटीटी चार्ज होता है, उस केस में हमारा 112A अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म शेयर्स के लिए। राइट, ओके, सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टन केसेस, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी अभी पीछे मैंने डिस्कस भी किया था। अब मुझे बताइए, कोई भी असेट अगर आपको गिफ्ट में या विल में इनहेरिटेंस में मिला था, इसकी कॉस्ट क्या लेते हैं? क्योंकि हमारे लिए तो कोई कॉस्ट आई नहीं होगी, हमें तो गिफ्ट में मिला था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर कर दिया और स्पाउस ने आगे इसको बेच दिया, तो स्पाउस के लिए कॉस्ट क्या लेंगे? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे, तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होती है फिर वो ले लेते हैं। अगर आपको ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों बातें डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको अमलगमेशन के समय आपको शेयर्स मिले थे नई कंपनी के, पुरानी कंपनी के आपके पास ऑलरेडी शेयर्स थे, मिंत्रा के आपको फ्लिपकार्ट के शेयर्स मिले, आपने बाद में फ्लिपकार्ट के शेयर्स बेचे, कॉस्ट किसकी लेंगे? कॉस्ट लेंगे मिंत्रा के शेयर्स की, जो भी ओरिजिनल अमलगमेटिंग कंपनी, जो पुरानी कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट थी वो शेयर्स की कॉस्ट लेंगे, जो डीमर्जर के केस में जो पुरानी कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट थी वो लेंगे, बट हाँ उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट मत ले लीजिएगा। डिपेंड करता है कि कितने परसेंट असेट्स ट्रांसफर हुए थे, उतने ही परसेंटेज के रेशियो में आप लोग कॉस्ट लीजिएगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पुरानी कंपनी का शेयर 40% था और हमारे 75% असेट्स वैसे ही रहे, 25% हमने स्प्लिट कर दिए, तो इस कॉस्ट को भी स्प्लिट कर लीजिएगा। तो 30 रुपीज और 10 रुपीज आ जाएगा इस केस में, अगर 25% असेट स्प्लिट करें हैं। राइट, कॉस्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर आप लोग जानते हैं, हमने सैलरी में बातें की थी। जब भी हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट होते हैं, जब कभी भी हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट होते हैं, तो उस समय वो हमारे पास सैलरी इनकम मानी जाती है, परक्यूजेट्स माना जाता है। राइट, क्या लेते हैं? जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है, जब भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, उसकी वो हमें हमारे परक्यूजेट बन जाता है। हाँ, अगर हमने इसकी कुछ कंसिडरेशन पे किया वो माइनस कर देते हैं, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय माइनस कर देते हैं, और वो हमारी परक्यूजेट वैल्यू बन जाती है सैलरी में। अभी आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल गए, अब फॉर एग्जाम्पल आपने वो स्वेट इक्विटी शेयर 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड किया और फिर बाद में इसको बेचा, अब तो आप स्वेट अपने शेयर्स बेच रहे हैं ना, तो अगर आप अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो आप कैपिटल गेन आएगा। तो जितने भी आप शेयर्स बेच रहे हैं वो आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट क्या हो जाएगी? जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी जब परक्यूजेट बनाया गया था, उस समय जो फेयर मार्केट वैल्यू ली गई थी वो इसकी कॉस्ट हो जाती है। राइट, जो फेयर मार्केट वैल्यू ली गई थी उसकी, जब ये शेयर्स
जब आपको परक्यूजेट बनाया गया था वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी इसकी, क्योंकि ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू तक तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं ना सैलरी में, तो उसके ओवर एंड अबव जब आप टैक्स देंगे तब आप कैपिटल गेन में देंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट विच वॉज अर्लियर यूज एज इन्वेंट्री या स्टॉक। अब लोग हमने पीजीबीपी में एक बात पढ़ते हैं कि अगर आप अपना इन्वेंट्री को अपनी स्टॉक को कन्वर्ट कर देते हो कैपिटल असेट में, अच्छा अलग से लिखना समझिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 45(2), सेक्शन का नंबर याद नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, बट आपको प्रोविजन याद हो जाने चाहिए। प्रोविजन ये कहता था कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड दीजिएगा, ओके गिव मी अ मोमेंट। ओके 45(2) कहता था कि कन्वर्जन ऑफ, ये काफी जरूरी बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर डिटेल में, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप अपना कैपिटल असेट को कन्वर्ट करते हो स्टॉक में तो आपको पता है कैपिटल गेन की इंप्लीकेशंस आ जाती हैं। बट हाँ, हम ये जानते हैं कि कन्वर्जन करते समय, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उस समय हम कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं करते, बट हाँ ट्रांसफर मान लिया जाता है। और जब कभी भी आप स्टॉक को बेचते हैं, जब इसकी एक्चुअल सेल होती है, एक्चुअल सेल के टाइम पर यहां पर हमारी पीजीबीपी की भी इनकम आती है और यहां पर हमारी कैपिटल गेन भी इनकम आती है। और मैंने आपको बताया था जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है, यहां से जब भी आपने बेचा इसको, दिस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ये आपकी पीजीबीपी इनकम, और फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो भी कैपिटल असेट की कॉस्ट थी वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम। और हाँ, अगर ये पीरियड, दिस पीरियड कन्वर्जन वाला पीरियड, अगर ये लॉन्ग टर्म पीरियड था तो कॉस्ट की आप इंडेक्सेशन भी कर देते हो। यहां पर हम लोगों ने कन्वर्ट किया कैपिटल असेट को इनटू स्टॉक इन ट्रेड। प्लीज मुझे बताइए, अगर हम अपना स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है? सर, स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सर हमें पता है सेक्शन 28 पीजीबीपी में लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी स्टॉक जब कन्वर्ट होता है कैपिटल असेट में, और जब मैं आपको पीजीबी बता रहा था मैंने ये कहा था कि ये बातें मैं कैपिटल गेन में समझाऊंगा, ये वाली बात, तो यहां पर हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जब हम अपना स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं कैपिटल असेट में, देखो अगर स्टॉक को बेचते हो तो पीजीबीपी इनकम, तो अगर स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो भी तो पीजीबीपी इनकम आनी चाहिए ना, तो इसको हम पीजीबीपी इनकम तभी के तभी हम अराइज कर देंगे। अभी के अभी हम यहां पर इसको पीजीबीपी इनकम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टॉक परचेज किया था 100 रुपए का, 100 रुपीज का आपने स्टॉक परचेज किया था और आपने इसको कन्वर्ट कर लिया कैपिटल असेट में, और यहां पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, यहां पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज। तो जिस दिन आप कन्वर्ट कर लेते हो, जिस दिन आप कन्वर्ट कर लेते हो, इसी दिन हम आपकी पीजीबीपी की इनकम बना देते हैं 20 रुपीज। 20 रुपीज को समझ में आएगा कैसे बनी है, 120 माइनस 100 इसी दिन। अब देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है कैपिटल गेन में और पीजीबीपी में। यहां पर तो जिस दिन कन्वर्ट हुआ उसी दिन पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी आपकी, बट कैपिटल गेन में क्या होता है, जिस दिन हम कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं हम उस दिन वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं। यहां पर हम अभी ट्रांसफर तो मान लेते हैं बट कैपिटल गेन अराइज नहीं करते, बट पीजीबीपी का केस होगा तो पीजीबी पे अराइज कर देते हैं। इस केस में 28 का केस होगा तो कन्वर्जन के समय ही पीजीबीपी, बट 45(2) का केस होगा क्या, कैपिटल असेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक में, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है कोई कुछ भी, यहां पर कैपिटल असेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक में कैपिटल गेन की बात, यहां पे स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल असेट में स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है पीजीबीपी की बात है, तो पीजीबीपी में तो कन्वर्जन के समय ही पीजीबीपी लगा देते हैं, ठीक है। बट कैपिटल असेट जब कन्वर्ट होता है स्टॉक में तो उस समय ट्रांसफर मानते तो हैं बट कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं करेंगे, टैक्सेबल तभी करेंगे जब वो स्टॉक एक्चुअली बिकता है, ठीक है, वो बात अभी हमने की थी। अब मैं बातें कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये पीजीबीपी का केस था, हमने अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर लिया कैपिटल असेट में, जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी यहां पर 10 माइनस 10, ये हमारी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। अब प्लीज मतलब मुझे बताइए, अब तो ये कैपिटल असेट है ना, बाद में अगर हम इसको बेचेंगे तो अब तो कैपिटल गेन आएगा ना, राइट। अगर हमने इसको अब बेचा
लेट से ₹165 का हमने, अब बेचा, अब हम क्या बेच रहे हैं, एक कैपिटल एसेट, क्या स्टॉक बेच रहे हैं? नहीं सर, स्टॉक तो कन्वर्ट हो गया था पहले से कैपिटल एसेट में, नाउ वी आर सेलिंग अ कैपिटल एसेट, तो यहां पर कैपिटल नहीं रहेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 165, सेलिंग प्राइस 165, कॉस्ट क्या 100, आप खुद बताइए कॉस्ट क्या 100 या 120? सर 120 कॉस्ट मानेंगे, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, क्योंकि अगर 100 मान लेंगे तो फिर तो ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, बट यहां तक तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं ना, 120 माइनस 100, 20 तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो 165 माइनस 120 ये वाली आपकी कॉस्ट बन जाती है, और यही होल्डिंग पीरियड हम लोग ले लेंगे, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन भी करेंगे। यही बात मैंने लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट विच वॉज अर्लियर यूज एज इन्वेंट्री, जो पहले स्टॉक की तरह आप कन्वर्ट यूज कर रहे थे, बाद में उसको आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, तो सेक्शन 28 अट्रैक्ट हो गया होगा। बाद में आप जब इस कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो हम कॉस्ट क्या लेंगे, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी उस समय कन्वर्जन के समय, राइट। 6 पॉइंट और 7 पॉइंट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अगर हमने ईजीआर बेचा, ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड एसेट बेची, तो हमारा कैपिटल गेन आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले फिजिकल गोल्ड था, हमने इसको ईजीआर में कन्वर्ट कराया, सेक्शन 47 कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं माना गया, करेक्ट। बाद में हमने इस ईजीआर को बेचा, तो जितने में बेचा, सेलिंग प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कॉस्ट कितनी सर, उस गोल्ड की कॉस्ट लेंगे, उस गोल्ड की कॉस्ट लेंगे। सिमिलरली हमारे पास ईजीआर था, हमने इसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराया, ठीक है सर, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। बाद में इस गोल्ड को बेच दिया, ठीक है, बाद में इस गोल्ड को बेच दिया, तो अगर इस गोल्ड को बेचा, कॉस्ट किसकी लेंगे, ईजीआर की, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गोल्ड विच इज रिसीव फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ ईजीआर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गोल्ड विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईजीआर, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ऑफ सच गोल्ड, अगर हमने गोल्ड को कन्वर्ट करा था ईजीआर में, ठीक है, और ईजीआर को बेचा, तो गोल्ड की कॉस्ट, ईजीआर को कन्वर्ट किया था गोल्ड में और इस गोल्ड को बेचा, तो ईजीआर की कॉस्ट, राइट, सिंपल कंसेप्ट है। सेक्शन 50, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, अगर आप अपने डेप्रिशिएबल असेट्स बेचते हैं, डेप्रिशिएबल असेट वो होता है जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है अपने पर्सनल चीजों के ऊपर तो आप डेप्रिसिएशन लगाते नहीं, तो डेप्रिशिएबल असेट वो होता है जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो अगर आप इसको बेचेंगे तो प्लीज बताइए, हम लोग बिजनेस में जो असेट्स डेप्रिशिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, एज पर सेक्शन 32, और हम लोगों ने पीजीबी में हमने अच्छे से पढ़ा था कि हम ब्लॉक का पार्ट बनाते हैं असेट को, ठीक है, तो हम पूरे के पूरे ब्लॉक का पार्ट बनाएंगे, और हमने कोई भी असेट अगर हमने अपना उस ब्लॉक से बेचा है तो सिंपल कंसेप्ट होता है सर, ऐसे ही माना जाता है जैसे ब्लॉक का पार्ट बिक रहा है, जैसे ब्लॉक ब्लॉक का पार्ट बिक रहा है, तो हम इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सेक्शन 32 पढ़ा था, मैं आपको याद करा देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक था 15%, सर ये तो मूवेबल है, ये तो कैपिटल असेट नहीं होता, अरे पर्सनल मूवेबल वाले नहीं होते, ये तो बिजनेस का है ना, ठीक है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी थी 15% मतलब ब्लॉक था, लेट से आपके पास इसमें तीन मशीन थी M1, M2 और M3, राइट, एंड ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर 23-24 ड्यूरिंग दिस ईयर, यहां पर इसकी ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू थी, लेट से ओपनिंग WDV में पूरा नहीं लिख रहा, WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक ये सब कुछ लिखते हैं, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। तो ओपनिंग वैल्यू आपके पास इस ब्लॉक की थी जिसमें M1, M2 और M3 इंक्लूडेड थे, लेट से ₹30 लाख, राइट, एड ऐसे ही करते थे हम सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन, एड एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने कुछ एक्वायर किया है ड्यूरिंग द ईयर, लेट से आपने M4 एक्वायर कर ली है ₹4 लाख की, राइट। अब लेट से नाउ यू आर सेलिंग योर M2, आप अपनी M2 बेच रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए क्या ये कैपिटल असेट है, द आंसर इज यस, ठीक, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि कैपिटल असेट की डेफिनेशन हम क्या जानते हैं, ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट्स, सारे के सारे असेट्स हमारे कैपिटल असेट्स होते हैं, एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, पर्सनल मूवेबल असेट, सर मूवेबल तो पर्सनल नहीं है, इसका मतलब कैपिटल असेट है, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं है, स्पेशल बियर बॉन्ड नहीं है, तो ये तो कैपिटल असेट हुआ। तो M2 हम बेच रहे हैं सर, कैपिटल गेन आएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम तो सिंपल हम जानते हैं सेक्शन 32 क्या कहता है, अगर आपने कोई भी इस ब्लॉक का पार्ट बेच दिया, लेस मनी रिसीव्ड ऑन सेल, मनी रिसीव्ड ऑन सेल और डिस्पोजल, अगर आपने यहां पर M2 बेच दिया, लेट से आपने M2 बेच दिया 12 लाख रुपीज का, 12 लाख का बेचा, तो हम इसको कैसे कंप्यूट करते हैं सर, ओपनिंग वैल्यू 30 लाख थी ब्लॉक की, 4 लाख का हमने और एक्विजिशन किया, अब ब्लॉक की वैल्यू हो गई 34,
इसमें से अगर हमें 12 लाख रुपीज रिसीव हो गए तो हम अपने ब्लॉक की वैल्यू कम कर देते हैं सिंपल, और यहां पर हमारा कोई कैपिटल गेन इस केस में नहीं आएगा और हमारे ब्लॉक की वैल्यू 30 + 4 - 12, ये अमाउंट हमारा कितना आएगा 22, राइट। तो 22 हमारा WDV एट द एंड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इस 22 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा उस केस में, राइट। तो डेप्रिशिएबल एसेट बेचने पर कैपिटल गेन नहीं आता, आता है किस केस में, डिपेंड करता है कि आपने किसको कितने का बेचा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको M2 को बेच दिया होता, लेट से 36 लाख का बेच दिया होता, उस केस में आपका कैपिटल गेन आ जाता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक की वैल्यू 30 लाख + 4 लाख 34 लाख है और आपने उसको इतना ज्यादा बेच दिया कि आपका सरप्लस आ गया, तो उस केस में आपका 2 लाख का कैपिटल गेन आता है। और हम लोग जानते हैं सेक्शन 50 जो डेप्रिशिएबल असेट का होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आपको देगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस केस में 2 लाख आएगा। यानी कि अगर आप डेप्रिशिएबल असेट बेचते हैं इतनी वैल्यू का कि वो अपने के ओपनिंग प्लस एक्विजिशन से भी ज्यादा का बिक जाए, राइट। ये सब याद नहीं करनी होती चीज, सिंपल लॉजिक लगाइए, आपको अपने आप ही मिल रही है चीजें। देखो 30 लाख हमारा खर्चा हो चुका था, 4 लाख का हमने खर्चा और किया था, 34 लाख का हमने खर्चा किया हुआ है और हमने एक ही असेट बेचा 36 लाख का, जितना खर्चा किया था वो सारे के सारे पैसे रिकवर हो गए, 2 लाख एक्स्ट्रा रिकवर हो गए, तो उस केस में वो कैपिटल गेन आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल में ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मुझे इसको सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलना होगा तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आपने कोई भी असेट बेचा और वो इतनी ज्यादा वैल्यू का बेच दिया कि ओपनिंग और एडिशन से भी ज्यादा का बिका, तब कैपिटल गेन आता है, राइट। और ये हम लॉजिकली समझ भी सकते हैं। या फिर ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा का पूरा ब्लॉक ही बेच दिया, तब उस केस में कैपिटल गेन या लॉस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा का पूरा ब्लॉक यानी कि M1, M2, M3 और M4 भी आपने बेच दिया, तो लेट्स से आपने 50 लाख का बेच दिया, तो आपका 30 लाख का एक्सपेंस हुए थे, ऑलरेडी ओपनिंग वैल्यू थी 4 लाख के, आपने खर्चा और किया था 34 लाख के, आपने खर्चा करके बैठे हुए हैं, 50 लाख आपको पैसे मिल गए, तो उस केस में आपके पास 16 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया कम वैल्यू का, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का बेच दिया पूरा का ब्लॉक, M1, M2, M3, M4 भी बेच दिया आपने 10 लाख का, तो उस केस में हम क्या होगा सर, 30 + 4 = 34 - 10 सर 24 आ जाएगी ब्लॉक की वैल्यू। अरे ब्लॉक ही नहीं है, हम तो पूरा का पूरा बेच दिया, तो इस केस में लॉस आ जाएगा पक्का ना, लॉस आ जाएगा। सर ये तो पॉजिटिव फिगर आ रही है, लॉस कैसे? अरे लॉस है, 34 लाख का आपका ऑलरेडी खर्चा था, सिर्फ 10 लाख ही रिकवर हो पाए, तो 24 लाख का यहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा, करेक्ट। तो ये होता है हमारा सेक्शन 50 कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। तो अगर आप एंटायर ब्लॉक बेच देते हैं तब हमारे पास कैपिटल गेन या लॉस आ सकते हैं, या फिर अगर आप पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचते हैं बट इतना ज्यादा अमाउंट का बेचें कि वो आपके पूरी वैल्यू को सरप्लस हो जाए, उस केस में आपका कैपिटल गेन आ जाता है। और ऐसा कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि आप पुरानी वैल्यू तो ले ही नहीं रहे ना कैलकुलेशन करते समय, इसी साल की ओपनिंग वैल्यू ले रहे हो तो आप पीछे जा ही नहीं रहे, इसलिए हमेशा शॉर्ट टर्म आता है, ओके। अगर 50 AB ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे PGBP में, अगर आप अपना कोई भी ऐसा सेट बेचते हैं जिसके ऊपर इंडिविजुअल आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे या इंडिविजुअल डिडक्शन ली थी, जैसे कि आपने पावर जनरेटिंग बिजनेस का कोई असेट बेचा, या फिर सेक्शन 35 की आप डिडक्शन लेते थे किसी असेट पर, अगर आपने उसको डायरेक्टली बेच दिया, तो उस केस में आपका कैपिटल गेन आता है। ये बातें मैंने आपको PGBP के रिविजन लेक्चर में भी समझाई थी और एक बार फिर बता देता हूँ। मैंने आपको नंबर लाइन के थ्रू आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ये नंबर लाइन मैंने आपको समझाई थी और सब, अगर किसी ने वो लेक्चर मिस भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। नंबर लाइन सिंपल एक मैथमेटिक्स की लाइन, सर हमने तो हमारे पास मैथ्स नहीं थी 11th 12th में, इतनी जरूरत ही नहीं है मैथ्स की, सिंपल बातें हैं। यहाँ पर आपको पता है कि ये नंबर लाइन तो हम 6th 7th में ही पढ़ते हैं, ठीक है, हो सकता है उससे पहले भी पढ़ते हैं, सिंपल बात है, अगर वो भी सब भूल गए हैं तो कोई टेंशन ना लें। हम इधर जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं और इस साइड जब जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1, 2, 3 करके नंबर बढ़ते रहते हैं, यहाँ पर -1, -2 इस तरीके से, हमें सब बनानी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स से आपने एक मशीन खरीदी थी, फॉर ₹30 लाख और ये आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये मशीन खरीदी थी, जिसके ऊपर आपने 100% डिडक्शन लेते हैं, याद है आपको सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का, हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी 100% डिडक्शन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 100% डिडक्शन दी थी, प्लीज मुझे बताइए 30 लाख की ये मशीन थी, अब आपने 100% की यानी कि पूरा का पूरा 30 लाख आपने चार्ज कर दिया पीएनएल से अपने, इसकी वैल्यू कितनी बची बुक्स में? 0, राइट। तो
इसकी रिटर्न डाउन जो वैल्यू है वो कितनी बची, जीरो। तो आप क्या कीजिए, इसको सिंपल अपने नंबर लाइन पे एक मिनट के लिए रख लीजिए। तो अगर ये देखें तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 30 लाख, और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, रिटर्न डाउन वैल्यू देखिए जीरो। मुझे प्लॉट करना है इस नंबर लाइन पर, कहाँ पे प्लॉट करूँ, इधर, इधर तो नंबर बढ़ेंगे या इधर, सर आप लेफ्ट साइड कीजिए, यहाँ पर नंबर कम होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है जीरो, नल, राइट। अब ये आपका सेक्शन 35 भी रिवाइज हो जाएगा और 50 कैपिटल ए भी रिवाइज हो जाएगा। अब लेट से, अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जीरो है, लेट से आपने अपना साइंटिफिक रिसर्च का एसेट था डायरेक्टली विदाउट ब्रिंगिंग इट टू नॉर्मल बिजनेस, आप अपने इसको नॉर्मल बिजनेस में नहीं लेकर आए, आपने इसको डायरेक्टली बेच दिया है, आपने इसको डायरेक्टली बेच दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको बेचा 15 लाख का, या आपने बेचा 16 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, यहां से लेकर यहां तक अगर आपने जब कभी बेचा है, तो इतना जो एरिया है बिटवीन अप टू दिस ओरिजिनल कॉस्ट, इतना एरिया प्रॉफिट का एरिया है, और इसको हम मानते हैं सेक्शन 41 डीम बिजनेस इनकम, दिस इज डीम बिजनेस इनकम। बट अगर आप इसको ओवर एंड अबाउट 30 लाख से ज्यादा का बेच देते हैं, तब आपका कैपिटल गेन आ जाता है, उस केस में आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको 35 लाख का बेचा है, तो 35 माइनस 30, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। तो 35 लाख का बेचा है, तो आपकी पीजीबीपी की इनकम कितनी, सर यहां से लेकर डब्ल्यूडीवी से ऊपर बेका है ये, डब्ल्यूडीवी से लेकर ओरिजिनल कॉस्ट तक, ये तो हमारी पीजीबीपी की इनकम, तो 35 लाख में से 30 लाख तो पीजीबीपी की इनकम, क्या 5 लाख कैपिटल गेन, हाँ सर 35 माइनस 30 कैपिटल गेन होगा, होगा अगर शॉर्ट टर्म है। तो आपको पता है कॉस्ट का, तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म है, अगर ये होल्डिंग पीरियड फॉर एग्जांपल 3 साल से ज्यादा का नहीं था, हम लोग बाकी चीजों के लिए 3 साल लेते हैं, तो 35 माइनस 30 5 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। बट इन केस अगर ये लॉन्ग टर्म है, तो 35 माइनस 30 का, 30 का प्लीज इंडेक्सेशन कर लीजिएगा, 30 का इंडेक्सेशन कर लीजिएगा, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट का अगर हमने जिसके ऊपर इंडिविजुअली डिडक्शन लेते हैं, या फिर पावर जनरेटिंग का भी समझा देता हूं मैं इसी एग्जांपल से, गिव मी अ मिनट, अच्छा कुछ बचा ही नहीं इसमें तो, ओके लेट्स से आपने मशीन खरीदी थी 30 लाख रुपीज की, 30 लाख रुपीज की आपने मशीन खरीदी थी, और ये पावर जनरेटिंग बिजनेस था आपका, पावर जनरेटिंग बिजनेस, लेट्स से इस पे SLM के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन लेते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यूम कर लेता हूँ 3 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन पर ईयर आता था, SLM में तो सेम रहेगा ना हर साल, ठीक है, 3 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन आता था इसको, फॉर एग्जाम्पल इसको 4 साल हो गए, 4 साल इसको हो गए, तो प्लीज बताइए नंबर लाइन पे, यहाँ पर भी नंबर लाइन में हमेशा बनवाता था जहां पर भी इंडिविजुअल एसेट्स की बातें होती थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 30 लाख, तो ये रही इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 30 लाख, और आप हर साल इसके ऊपर 3 लाख 3 लाख ईच का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेट से 4 साल हो चुके हैं इसको, ठीक है 4 ईयर्स हो चुके हैं, यानी कि 12 लाख का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर चुके हैं इसका, तो प्लीज बताइए आज इसकी WDV कितनी होगी, सर 30 माइनस 12 18 लाख इसकी WDV होगी, ओके प्लीज बताइए कहां पर प्लॉट करना है मुझे, 18 लाख प्लॉट करना है, सर इधर तो करेंगे नहीं, इस साइड करेंगे, ठीक है ओके। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 18 लाख रुपीज, अब देखिए साथ साथ में आपका 32 पावर जनरेटिंग का भी और ये भी दोनों एक साथ रिवाइज हो रहे हैं। अब क्या होगा इस केस में, अब यहाँ पर आपने इसको 18 लाख की WDV है, अब आप इसको बेचिए, फॉर एग्जांपल सर इसको बेच देते हैं WDV से भी कम वैल्यू का, ठीक है जी 32 में, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है PGBP में लेंगे हम लोग, डिडक्शन ले लेंगे, लॉस हो गया हमें 18 लाख से भी कम का बिकेगा, लॉस का एरिया है, डिडक्शन ले लेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अगर आपने इसको 18 लाख से ऊपर का बेचा, तो दिस इज माई प्रॉफिट एरिया, ये सब प्रॉफिट एरिया, 18 लाख से ऊपर का सब प्रॉफिट एरिया है। लास्ट वाले केस में तो जीरो था, जीरो से कम का तो बेच नहीं सकते थे साइंटिफिक रिसर्च वाला, बट यहाँ पर 18 से कम का तो बेच सकते हैं, यानी कि लॉस आ जाए 32 टर्मिनल डेप्रिसिएशन, 18 लाख से ऊपर का बिकेगा सर प्रॉफिट का एरिया, बट यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड योर पीजीबी प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41, जिसको एक स्पेशल नाम भी देते हैं पावर जनरेटिंग के केस में, क्या नाम देते हैं, बैलेंसिंग चार्ज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको 20 लाख का बेचा, यानी कि 2 लाख रुपीज का बैलेंसिंग चार्ज सेक्शन 41, सेक्शन 41 की डीम बिजनेस इनकम, अगर आपने इसको 30 लाख का बेचा, 18 माइनस 30 12 लाख की आपका डीम बिजनेस इनकम बैलेंसिंग चार्ज। अगर आपने इसको 32 लाख का बेचा, उस केस में क्या होगा सर, 18 से लेकर 30 तक तो
12 लाख तो सेक्शन 41 में डीम बिजनेस इनकम, और ओवर एंड अबव ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी योर कैपिटल गेन। और आप समझ गए हैं, 32 लाख का बेचा फॉर एग्जांपल, 32 माइनस 30 शॉर्ट टर्म है तो 32 माइनस 30, बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि 4 साल मैंने बता दिया, 4 साल डेप्रिसिएशन है, तो 32 माइनस 30 लाख का इंडेक्सेशन भी कर लीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से सेक्शन 50A कंप्लीट होता है हमारा। तो दिस इज सेक्शन 50A, सेम बात मैंने यहां पर आपको समझाई हुई है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाए, अगर आप चाहते हैं तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। आई विल आल्सो ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, तो मैं यहाँ पर एक ब्रेक लगा रहा हूँ, बट ये आप रिज्यूम कर लीजिएगा 1 मिनट के बाद ही, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखेगा आपको लिखेगा कि 10 मिनट का ब्रेक है, आप 10 मिनट का ले सकते हैं, बट प्लीज़ यहाँ पर पॉज करिएगा, क्योंकि मैं उसी के बाद ही एकदम शुरू कर दूंगा, क्योंकि वीडियो में ये ब्रेक 10 मिनट का नहीं होगा, ठीक है। ओके, ओके गाइज, वेलकम बैक। तो लास्ट हम लोग बातें कर रहे थे डेप्रिशिएबल एसेट्स की और इंडिविजुअल एसेट्स की, सेक्शन 50A, और एक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक नया सेक्शन आया 50AA। ये एक सिंपल सी बातें कहता है कि अगर आप मार्केट लिंक डिबेंचर्स को सेल करते हैं, मार्केट लिंक डिबेंचर्स को ट्रांसफर करते हैं, और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स जहां पर आपका मैक्सिमम इक्विटी में 35% रहता है, दीज आर नॉट इक्विटी ओरिएंटेड, राइट। इक्विटी ओरिएंटेड में तो दे आर एज गुड एज इक्विटी, वहां तो 65% और मोर कॉर्पस टुवर्ड्स इक्विटी फंड इन्वेस्टेड रहता है। दीज आर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जहां पर आप मैक्सिमम 35% इसका कॉर्पस टुवर्ड्स इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टेड होता है, उसको कहते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स। इन दोनों के लिए सिंपल कंसेप्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग पीरियड। ये एमसीक्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशली एमसीक्यू के लिए। मार्केट लिंक डिबेंचर्स और दूसरा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, इनके लिए स्पेसिफाइड ऑफ द होल्डिंग पीरियड हमेशा इसको शॉर्ट टर्म ही मानिएगा, इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म, राइट। ओके, छोटा सा सेक्शन था बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन होता है 50B। 50B इज अबाउट स्लम्प सेल। अगर हम अपने पूरा का पूरा यूनिट, पूरी अंडरटेकिंग विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट, अगर हम पूरी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम स्लम्प सेल बोलते हैं, सेक्शन 50। यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सिंपल क्या करना है आपको, जितनी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बट प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप लेंगे जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेना है आपको। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो सेलिंग प्राइस आपको लेना है, एक्चुअल सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ओके, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया है, सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, उसमें से माइनस करिएगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट कंसिडरेशन आएगा, और नेट कंसिडरेशन में से हमें पता है कि नॉर्मली हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेंगे, बट उसकी जगह लेंगे नेटवर्थ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को यहां पर हम लोग लेंगे नेटवर्थ। तो नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग कैसे निकालते हैं, किसी भी बिजनेस की नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, देखते हैं उसके पास टोटल कितने असेट्स हैं, माइनस कर देते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। तो नेटवर्थ निकालने का तरीका होता है टोटल असेट्स की वैल्यू माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यहां पर एक दो बातें इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। असेट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो देखते हैं हम ये किस तरह के असेट्स हैं। अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है तो उसके ऊपर डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही, यानी कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हमें लेनी है। यहां पर कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि यहां पर हमसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि ये बोलता है कि हमारे पास एक डेप्रिशिएबल असेट था, बट पिछले 2 साल से हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो आपको क्या करना होगा, उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो उसकी वैल्यू होगी दैट वुड बी द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो आप उसकी वैल्यू निल लिखेंगे। असेट्स वेयर 100% डिडक्शन क्लेम की जा चुकी है उसकी, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू निल लेंगे आप, जैसे कि 35AD में अगर आपने 100% डिडक्शन क्लेम की हुई है तो उसकी वैल्यू निल लेंगे, और अदर असेट्स की हम लोग बुक वैल्यू लेते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको जनरली ये नहीं आता है पूछने के लिए, सिंपल वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन होती है, वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी नेटवर्थ आ जाती है, बट अगर एक स्टेप ज्यादा आ जाए क्वेश्चन आपसे पूछने लगे तो वैल्यू ऑफ असेट्स कैसे निकालिएगा, डेप्रिशिएबल असेट्स की डेप्रिशिएटेड वैल्यू यानी कि रिटन डाउन वैल्यू डेप्रिशिएशन होने के बाद एज पर सेक्शन 32, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू हमेशा निल, असेट जिसके ऊपर 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं उसकी भी वैल्यू निल आएगी, और अदर असेट्स की वैल्यू होगी बुक वैल्यू, राइट। इंपॉर्टेंट नोट,
दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमेशा यहां पर असेसी चाहेगा कि वो उसकी नेटवर्थ ज्यादा से ज्यादा दिखाए, क्यों? क्योंकि वो इसकी कॉस्ट की तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं नेटवर्थ को, तो अपना टैक्स बचाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। तो इन केस अगर उसने अपने किसी भी असेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने अपने लैंड को या किसी दूसरे असेट को अगर उसकी रिवैल्यूएशन की है, तो हम उस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, यानी कि हमें बिफोर रिवैल्यूएशन हमें उस असेट को लेना है। तो अगर किसी भी असेट को रिवैल्यू करा गया तो प्लीज रिवैल्यूएशन का इफेक्ट को आप नलीफाई करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर हमें नेटवर्थ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा लॉन्ग टर्म गेन आ रहा है, शॉर्ट टर्म गेन आया है, यहां पर हम सिर्फ नेटवर्थ ही लेते हैं, नेटवर्थ की इंडेक्सेशन नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट बात है, स्लम सेल में हम इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। ये लॉन्ग टर्म ही शॉर्ट टर्म कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? अगर ये अंडरटेकिंग 3 साल से ज्यादा पुरानी थी तो लॉन्ग टर्म आएगा, 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं थी तो शॉर्ट टर्म आएगा। ठीक है, सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट सेक्शन 50B। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेना है आपको, एक्चुअल सेलिंग प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। दूसरा, जब कभी भी आप नेटवर्थ लेंगे उसका इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म कब आएगा? 3 साल से ज्यादा होल्डिंग की हुई है, 3 साल से पुरानी एंटिटी है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट सेक्शन होता है 50C, और 50C काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और 50C हमेशा फेवरेट रहता है एग्जामिनर का, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारे रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन होती हैं, लाइक लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर हम इसको सेल करते हैं, अगर हम लैंड को या बिल्डिंग को या अपने दोनों को ही, फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, तो जो भी इसका सेलिंग प्राइस होता है वो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। बट हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी स्टैम्प वैल्यू से, अगर ये इसमें डिफरेंस 10% से ज्यादा है तो हम स्टैम्प वैल्यू को ही अपना डीम्ड सेलिंग प्राइस मानते हैं, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फिर सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, हम स्टैम्प वैल्यू लेंगे। तो हमें क्या देखना होगा, जितना भी वो कंसिडरेशन बोल रहा है असेसी, जितना भी वो सेलिंग प्राइस बता रहा है, उसका 10% उसमें ऐड करिए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसका 110% निकाल लीजिए, और फिर उसको देखिए क्या वो स्टैम्प वैल्यू से भी ज्यादा आ रहा है। तो इन केस अगर स्टैम्प वैल्यू उससे भी एक्सीड करती है, यानी कि 10% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी स्टैम्प वैल्यू होगी। याद आ गया ये वाला पॉइंट, 50C वाला, राइट? तो 110% ऑफ द सेलिंग प्राइस लेकर देखिए, अगर स्टैम्प वैल्यू इससे भी एक्सीड कर जाए तो आपको स्टैम्प वैल्यू लेनी है, बट अगर स्टैम्प वैल्यू 110% या उससे कम आती है तो इट्स ओके, फिर तो हम सेलिंग प्राइस ही लेंगे, बट अगर 10% से ज्यादा का वेरिएशन है तो प्लीज स्टैम्प वैल्यू को ही आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टैम्प वैल्यू हमें किस डेट की लेनी होती है, तो जनरली जब हम ये ऐसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट की हमें स्टैम्प वैल्यू लेनी होती है, बट कभी कभी हम एग्रीमेंट डेट की भी स्टैम्प वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहले से एक पुराना एग्रीमेंट था, और आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आपने ये प्रूफ करें, सर ये तो मेरा पुराना असेट था, तो पुराना हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी तो हमारी पुरानी स्टैम्प वैल्यू लीजिए, तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी स्टैम्प वैल्यू ले सकते हैं, बट आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ आपको कंसिडरेशन मिली थी, वेदर फुल और पार्शियल, बट कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिला था बाय अकाउंट पे चेक या फिर कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू, कैश में नहीं होना चाहिए वो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू होना चाहिए, तो हम फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी स्टैम्प वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर आपकी कंसिडरेशन पहले से आई थी या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी आया था थ्रू बैंकिंग मोड, जैसे कि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, RTGS, NEFT एक्सेट्रा, तो फिर हम डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी स्टैम्प वैल्यू ले सकते हैं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा रजिस्ट्रेशन डेट की स्टैम्प वैल्यू लीजिएगा। अब प्लीज बताइए, क्या इस स्टैम्प वैल्यू को असेसी चैलेंज कर सकता है? द आंसर इज यस, इस स्टैम्प वैल्यू को असेसी चैलेंज कर सकता है और वो वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस ले सकता है। तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू लेकर आएगा तो फिर हम मना कर देंगे, नहीं सर हमें आपका वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं चाहिए। तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प, या तो हम स्टैम्प वैल्यू को चैलेंज कर रहे थे, अब तो वो स्टैम्प वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू लेकर आ रहा है, तो हम मना कर देंगे, सर वैल्यूएशन ऑफिसर को रहने दीजिए, स्टैम्प वैल्यू को ही हम मान लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट अगर वो स्टैम्प वैल्यू से कम वैल्यू लेकर आता है, फिर हम उस कम वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे एज आर सेल्स वैल्यू, वो डीम्ड सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बट हाँ, ध्यान रखिएगा कहीं वैल्यूएशन ऑफिसर जितना आप बोल रहे थे सेलिंग प्राइस उससे भी कम न ले आए, राइट? तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम कितना लेंगे, जितना भी आपने सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस बोला था वो तो लेंगे ही, बट अगर वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस से भी कम वैल्यू ले आता है वैल्यूएशन ऑफिसर, फिर हम उतनी वैल्यू नहीं लेते हैं, उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर ही रुक जाएंगे फिर, करेक्ट? तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा वैल्यू लेकर आए तो वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलिए, नहीं सर हम आपका में आपकी जरूरत नहीं है, हम स्टैम्प वैल्यू से ही काम चला लेंगे। बट अगर वैल्यूएशन ऑफिसर कम वैल्यू लाए, तो जितने भी वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू लाए वो ठीक है, बट इतनी भी कम ना लाए कि वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस से कम हो जाए। तो कम से कम जितना असेसी बोल रहा था उतना तो सेलिंग प्राइस मानिएगा, उससे कम मत लीजिएगा, राइट?
और आपको पता है सेम प्रोविजन पीजीबी में भी है, सेक्शन 43 सीए में सेम प्रोविजंस लगते हैं 43 सीए में भी। वहां पर बस यहां पर हमारा क्या है, ये लैंड या बिल्डिंग के बोथ ये क्या है, कैपिटल असेट है। बट अगर फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक इन ट्रेड है तो वहां पर भी सेम प्रोविजंस लगते हैं सेक्शन 43 सीए में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आता है, एक छोटा सा सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आपको आना चाहिए क्योंकि छोटा सा सेक्शन है तो फिर हम कर ही लेते हैं इसको। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अनलिस्टेड शेयर्स की क्या लेते हैं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस लेते हैं, बट इट शुड नॉट बी लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बातें हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज, आपको हायर ही लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू से तो कम आप एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं ले सकते। तो अगर एसएससी बोले कि मैंने अनलिस्टेड शेयर्स बेचे हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज ईच के, बट इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है, तो हमें 120 को ही के अकॉर्डिंगली ही कैपिटल गेन निकालना होगा, 100 नहीं लेंगे, राइट। अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम है फिर तो 100 ठीक है, यानी कि विच एवर इज हायर हमें लेना है। सेक्शन 50D अगेन एक छोटा सा सेक्शन है, अगर हम किसी भी असेट की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अनअसर्टेनेबल है, अनअसर्टेनेबल है, तो उस केस में हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है, बट फिर भी एक लाइन का सेक्शन है कि अगर किसी भी एसेट की हम फेयर मार्केट वैल्यू असर्टेन नहीं कर सकते असेसिंग ऑफिसर, तो फिर उसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 51, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। फॉर एग्जांपल आपकी कोई नेगोशिएशंस हो रही थी, आप कोई अपना कैपिटल असेट बेचना चाहते थे और सामने वाली पार्टी ने आपको कुछ टोकन मनी दे दिया, कुछ अमाउंट एज एडवांस मनी दे दिया, बट बाद में वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर नहीं हो पाया, हमारी कोई प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, उस व्यक्ति ने बायर ने खरीदने से मना कर दिया, तो हमने उसका अमाउंट फोरफीट कर लिया। तो जितना हमने अमाउंट फोरफीट किया है वो आज आपकी IFOS की इनकम बन जाती है, वो IFOS की इनकम बन जाती है, बस उसमें और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके IFOS की इनकम बना दीजिए। बट एक्चुअली लॉ पहले ऐसा नहीं था, अगर ये 1/4/2014 से पुराना फोरफीचर है, अगर फोरफीट किया गया था 1 अप्रैल 2014 से पुराना, तो जिस ईयर में हम इसको फोरफीट करते थे उस साल हम इसको टैक्सेबल नहीं करते थे। अब क्या होता है, जिस भी ईयर में फोरफीट होगा, अगर कोई भी अमाउंट फोरफीट हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, जिस भी ईयर में फोरफीट हुआ है बस IFOS की इनकम बनाइएगा, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले क्या होता था, पहले इसको इनकम नहीं बनाते थे, फिर क्या करते थे सेक्शन 51 ये कहता था कि अगर पुराना फोरफीचर है जिस ईयर फोरफीट हुआ है उस साल इनकम मत बनाइए, बट जब भी इस असेट को ट्रांसफर करोगे आप, जब भी इस असेट को बेचोगे, तो जब भी आप बेचेंगे तो इसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे अमाउंट फोरफीट, जितना भी आपने फोरफीट करा था वो आपकी कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर फोरफीचर अब का है 1 अप्रैल 2014 और ऑनवर्ड्स का, तो कॉस्ट में से रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने उसी साल उसको इनकम बना दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, अगर पुराना फोरफीचर है, पुराना फोरफीचर है तो इन द ईयर ऑफ फोरफीचर कुछ नहीं होगा, जब आप इसको एक्चुअल बेचेंगे, कौन बेच रहा है, सेम असेसी, जिसने वो अमाउंट फोरफीट किया था, अगर वही असेसी इसको आगे ट्रांसफर कर रहा है तो जब भी उसका कैपिटल गेन निकलेगा उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। बट अगर असेसी के अलावा कोई थर्ड पर्सन उसको ट्रांसफर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि असेसी ने फोरफीट करा था अमाउंट, फिर बाद में उसने ये असेट अपने सन को या डॉटर को दे दिया, अब ये सन या डॉटर बेच रहे हैं, तो अगर फोरफीचर पुराना भी था तो यहाँ पर जिसने फोरफीट करा था उस वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, कोई और ट्रांसफर कर रहा है, उस केस में रिड्यूस मत करिएगा। सिर्फ ये रिड्यूस होगा इफ समवन एल्स ट्रांसफर द असेट, देन इट विल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। बट अगर असेसी खुद जिसने फोरफीट करा था, और वो भी फोरफीचर कौन सा, 1 अप्रैल 2014 से पुराना वाला, तो कॉस्ट में से रिड्यूस होना है, अदरवाइज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आती है एग्जम्पशन शुरू होती है, सेक्शन 54 की सीरीज है। जो भी हमारा कैपिटल गेन आता है उसमें से हम एग्जम्पशंस ले सकते हैं, और मेनली आप देखते हैं कि मेनली हम लॉन्ग टर्म से एग्जम्पशंस ले सकते हैं, बट कुछ एग्जम्पशन शॉर्ट टर्म से भी होती हैं। सेक्शन 54 फर्स्ट जो एग्जम्पशन होती है वो होती है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर एक इंडिविजुअल या HUF, ये एग्जम्पशन सिर्फ मिलेगी इंडिविजुअल और HUF को, अगर कोई भी इंडिविजुअल और HUF अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचता है, अगर अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचता है उसके ऊपर अगर कैपिटल गेन आ रहा है उसका लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो फिर वो यहाँ पर डिडक्शन ले सकता है। कितनी उसको एग्जम्पशन मिलती है, जितनी वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जितनी अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है और ग्रॉस कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, उसको एग्जम्पशन मिल जाती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट भी आई है, यहाँ पर ये बोला है कि मैक्सिमम आपको एग्जम्पशन यहाँ पर मिल सकती है 10 करोड़ रुपीज़ की, 10 करोड़ से ज़्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पर कितना मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और ग्रॉस कैपिटल गेन। पहले सिर्फ इतना होता था
इसमें ये पॉइंट और ऐड कर दिया, और ₹10 करोड़ विच एवर इज लोअर, और ₹10 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो ये सेक्शन हमारे लिए 2024 एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया और ग्रॉस कैपिटल गेन और ₹10 करोड़ विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है 12 करोड़, ग्रॉस कैपिटल गेन आ रहा है 11 करोड़, 10 करोड़ फिक्स लिमिट है विच एवर इज लोअर, कितना रिडक्शन मिलेगी 10 करोड़ की, राइट। तो 11 करोड़ आपका कैपिटल गेन आ रहा था, 10 करोड़ की आपको एग्जम्पशन मिलेगी, 1 करोड़ अभी भी टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो ये एक अमेंडमेंट यहां पर हुई है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब ये पुरानी बातें, ये अमेंडमेंट नहीं है बट ये पुरानी बातें हैं। तो अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं डिपेंड करता है कि आपका गेन कितना आ रहा है। अगर आपका गेन 2 करोड़ से ज्यादा आ रहा है तो आप एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट अगर आपका गेन 2 करोड़ तक आ रहा है, अगर आपका गेन 2 करोड़ तक आ रहा है तो यहां पर असेसी 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। बट ये 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो हमने इसको फेवर करा कि आप 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, इट इज ओनली अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर आपने एक बार इसको यूज कर लिया, फिर आपने कभी भी रेसिडेंशियल हाउस बेचा, फिर आप दोबारा से अगर आप 2 घर खरीदेंगे फिर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये 2 घर वाली जो कंडीशन है, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर द असेसी, करेक्ट। कितने दिन के अंदर आपको परचेज कर लेना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए, तो परचेज करना चाहिए 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर तक, और कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए विद इन 3 ईयर्स तक। और क्योंकि यहां पर इतना टाइम पीरियड दिया गया है, इसलिए कैपिटल गेन स्कीम भी अवेलेबल है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड तक अपना ये असेट परचेज नहीं कर पाए या कंस्ट्रक्ट नहीं करा पाए, तो आप अपनी ROI की ड्यू डेट तक कैपिटल गेन स्कीम में पैसे डिपॉजिट करा दीजिए। जितना आपने कैपिटल गेन स्कीम में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, माना जाएगा कि आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया। बट प्लीज याद रखिएगा, जितना भी वो पैसा कैपिटल गेन स्कीम में आपने डिपॉजिट कराया है, प्लीज उसको इस पीरियड तक, जितना भी आपको हम मैक्सिमम पीरियड देते हैं, उस पीरियड तक यूटिलाइज कर लीजिएगा। अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो जिस ईयर भी ये वाला पीरियड ओवर होगा, फॉर एग्जांपल हमने आपको 3 साल दिए थे, और 3 साल के बाद तक भी आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए या मिस यूटिलाइज कर लिया, तो वो आपका फिर कैपिटल गेन वहां पर अराइज हो जाएगा, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या होती है अराइज होने की, ये जो आप नया एसेट खरीद रहे हैं, प्लीज इसको 3 साल से पहले बेचिएगा मत, इसको 3 साल से पहले ट्रांसफर मत कीजिएगा। अगर आपने इसको 3 साल से पहले बेचा, तो हमने जो आपको एग्जम्पशन दी थी वो हम विड्रॉ कर लेंगे। और कैसे विड्रॉ कर लेंगे, जो भी आपका नया एसेट बेच रहे होंगे उस समय जब कैपिटल गेन निकलेगा, उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे जितना आपने एग्जम्पशन पहले से क्लेम की थी। याद आ गई ये बातें, ये वाली, दीज वर इंपॉर्टेंट। उसके बाद 54B, एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप देखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं होती। बट अगर आप ना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं, तो हमारे पास कैपिटल गेन आता है। तो यहाँ पर असेसी, अगर असेसी यहाँ पर अगर वो दूसरा एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करता है, तो वो अपना जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से उसको जो कैपिटल गेन आ रहा था, वो उसको बचा सकता है अगर वो दूसरी जगह एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले। ये जो नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहा है वो अर्बन या रूरल कहीं पर भी इन्वेस्ट करे, इट्स अलाउड, ठीक है। बट उसने बेचा क्या होगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि उसी के ऊपर वो कैपिटल गेन को नलिफाई करने की कोशिश कर रहा है, बचाना चाह रहा है उसके ऊपर टैक्स। तो एलिजिबल असेसी होते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल और HUF, और उन्होंने क्या ट्रांसफर किया हो, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड वो जो कम से कम पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा था। यहाँ पर असेसी या उसके पेरेंट्स या उसकी HUF इसको 2 साल से कम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रही थी, तभी आपको ये एग्जम्पशन हम आपको दे पाएंगे। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर लैंड बेचे आपको एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है, और ये एग्रीकल्चर लैंड आपका अर्बन या रूरल हो सकता है, राइट। कितने दिन के लिए परचेज करना है आपको, कंस्ट्रक्ट होता नहीं लैंड, परचेज करना होगा। कितने दिन के लिए आपके अंदर करना है, 2 साल आपको दिए जाते हैं, 2 साल के अंदर आप परचेज कर लीजिएगा। बट आपको ये भी पता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर हो गया, ठीक है, कैपिटल गेन आता है। बट कैपिटल गेन हम कब अराइज करते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कंपल्सरी एक्विजिशन के केसेस में, कि जिस साल हमें कंपनसेशन मिलती है, फर्स्ट टाइम जब हमें कंपनसेशन मिलती है, हम उस साल टैक्सेबल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका अगर एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कराए, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेना चाहिए। बट फॉर एग्जाम्पल आपको जो कंपनसेशन मिली है वही आपको 2 साल के बाद मिली है, तो आपका तो ये टाइम पीरियड निकल जाएगा। ये जितने भी हमने टाइम लिमिट दी है, अगर इनकेस कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, इनकेस अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड फिर हम देखते हैं जब से आपको वो पैसे मिले हैं, जब से आपको कंपल्सरी मिली है, यानी कि इनकेस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन द टाइम लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ सच कंपनसेशन।
क्लियर है, क्योंकि यहां पर हम एसएससी के ऊपर हार्डशिप नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर उसको पैसे ही नहीं मिले तो वो बेचारा इन्वेस्ट भी कैसे करेगा, करेक्ट? ओके, और बाकी बातें सेम है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है या कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। यहां पर 10 करोड़ की लिमिट नहीं है, 10 करोड़ की लिमिट दो जगह पर आई है, एक तो सेक्शन 54 में जो अभी हमने पढ़ा, और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे 54F, वहां पर भी 10 करोड़ की लिमिट आई है। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन कब हो जाएगी, अगर आपने जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 3 साल से पहले पहले बेच दिया तो आपको हम आपकी एग्जम्पशन को विड्रॉ कर देंगे। कैसे विड्रॉ करेंगे, आपकी कॉस्ट में से कम करके, जो भी आप कंप्यूटेशन करेंगे उस लैंड के ऊपर जो आपने नया खरीदा था, जब भी आप कंप्यूटेशन करेंगे हम उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे एक छोटी सी टैक्स प्लानिंग हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एसएससी ने पहले अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा था और उसने रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, राइट, तो हम क्या बोल रहे हैं, आपकी एग्जम्पशन कैसे विड्रॉ करेंगे, जब भी आप नया असेट बेचोगे उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। बट अगर उसने रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदा होगा उसकी तो वो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन ही नहीं करेगा, तो उसकी कॉस्ट में से क्या कम करेंगे। तो यहां पर हम लोग अपने क्लाइंट को थोड़ा एडवाइस कर सकते हैं, वहां पर उसका टैक्स बच सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी लूप होल है बट स्टिल, राइट। और हाँ, क्योंकि कैपिटल गेन स्कीम भी अवेलेबल है, क्योंकि आपको 2 साल दिए गए हैं एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने के लिए, पर आपको रिटर्न तो अभी ड्यू डेट तक फाइल करनी होगी, तो अगर आपने ड्यू डेट तक नया एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा है क्योंकि आपको 2 साल दिए गए थे, तो कोई बात नहीं, आप कैपिटल गेन स्कीम में पैसे डिपॉजिट करा दीजिए, वहां से आपको माना जाएगा जितने पैसे कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट हुए हैं वो आपको एग्जम्पशन मिल गई है। बट प्लीज वो पैसे आप उस डेट तक, उस पीरियड तक जब तक आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना था, वो पैसे यूटिलाइज कर लीजिएगा। अगर वो पैसे आपने यूटिलाइज नहीं किए या मिस यूटिलाइज करें तो फिर वो वापस आपकी कैपिटल गेन की इनकम बन जाती है, राइट। ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट यस 54 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसमें एक अमेंडमेंट आई है। 54EC अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इसमें एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट 54F में एक अमेंडमेंट है, वही 10 करोड़ वाली अमेंडमेंट है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। 54EC इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, अगर यहां पर असेसी ने लॉन्ग टर्म लैंड या बिल्डिंग बेचा हो, लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग और बोथ बेचा हो, इवन अगर वो डेप्रिशिएबल बिल्डिंग भी है तो भी यहां पर कवर्ड है, बट हाँ वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, राइट। और यहां पर एलिजिबल असेसी एनी पर्सन है। लास्ट के हमने जो सेक्शन करे थे 54 या 54B रेजिडेंशियल हाउस वाला और एग्रीकल्चर लैंड वाला, वहां पर एलिजिबल असेसी सिर्फ और सिर्फ था इंडिविजुअल और एचयूएफ, बट यहाँ पर 54EC की ये जो एग्जम्पशन है ये सभी तरह के असेसी को मिल जाती है, इवन पार्टनरशिप फर्म कंपनीज वगैरह को सबको मिल जाती है एग्जम्पशन, अगर लैंड या बिल्डिंग और बोथ बेचा जाए, ठीक है। मिनिमम तो आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन आएगा, बट हाँ अगर आपने डेप्रिशिएबल असेट्स बेचे होंगे तो शायद शॉर्ट टर्म भी गेन आ रहा होगा आपका। आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आपको NHAI या RECL के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर द बॉन्ड्स विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक पावर फाइनेंस बॉन्ड या इंडियन रेलवे फाइनेंस बॉन्ड। बट मेनली आप दो तरह के बॉन्ड्स याद करेंगे, NHAI और RECL, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है। कम से कम कितने साल के लिए, 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। कितने दिन के अंदर करना है, 6 मंथ्स के अंदर करना है आपको। 6 मंथ जनरली हमें पहले हमें टाइम दिया गया था, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है या परचेज करना है 2 साल के अंदर, बट यहाँ पर आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट ही तो करना है बॉन्ड्स में, तो 6 महीने के अंदर करिएगा। क्या यहाँ पर कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल होगी, द आंसर इज नो। देखिए कैपिटल गेन स्कीम क्या होती है, वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इससे अच्छा आप कैपिटल गेन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें, आप सीधा डायरेक्ट बॉन्ड्स में ही कर दें, तो यहाँ पर कैपिटल गेन स्कीम बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है, याद करने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, वहां तो आपको लैंड खरीदना था तो टाइम लग सकता है, कंस्ट्रक्शन करना था घर टाइम लग सकता है, यहाँ तो आपको सिंपल इन्वेस्ट करने हैं ना पैसे, तो कैपिटल गेन स्कीम में इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा डायरेक्टली बॉन्ड्स में कर दें, तो यहाँ पर कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है या ग्रॉस कैपिटल गेन या ₹50 लाख, यहाँ पे 50 लाख की लिमिट थी पहले भी और अभी भी यही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, विच एवर इज लोअर, बट प्लीज 6 महीने के अंदर कीजिएगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर कैसे पूछता है आपसे, वो बोलते हैं कि असेसी ने 2 बार इन्वेस्ट किया, एक बार तो वो विद इन 6 मंथ बोल देता है, एक बार 6 मंथ्स के बाद बोलता है, तो प्लीज दोनों ऐड मत करिएगा, जो 6 मंथ्स के बाद इन्वेस्टमेंट हुई है वो हम एलिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, जो विद इन 6 मंथ्स हुई है सिर्फ उसी को हम एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मानेंगे, करेक्ट। और 5 साल के अंदर अंदर ये बॉन्ड्स आपने जो खरीदे हैं प्लीज उसको बेचिएगा मत, या इसके अगेंस्ट कोई लोन मत लीजिएगा, अदरवाइज आपकी एग्जम्पशन हम विड्रॉ कर देंगे। सेक्शन 54F होता है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस, अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ असेसी ने कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचा है, कोई भी एनी लॉन्ग टर्म असेट, एनी लॉन्ग टर्म, यहाँ पर एनी लॉन्ग टर्म असेट बेचा है, बट उसने खरीदा क्या है, उसने खरीदा एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्ट करा रहा है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड
कि इस एसएससी के पास पहले से एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास एक से ज्यादा घर है, पहले से एक घर है चलेगा, अगर एक से ज्यादा पहले से घर है तो ये डिडक्शन नहीं मिलती है। तो ये सिर्फ उसी एसएससी को मिलती है जिसके पास पहले से एक से ज्यादा घर नहीं है। यहां पर आपने एनी लॉन्ग टर्म असेट बेचा हो एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कोई भी असेट चलेगा, बट खरीदना है आपको रेसिडेंशियल हाउस। सर क्या लैंड बेच सकते हैं? हाँ, हमने कहा कि रेसिडेंशियल हाउस नहीं बेचना, लैंड बेच सकते हैं, लैंड अलाउड है, गोल्ड बेच सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं, वो सब कुछ बेच सकते हैं। और आपको खरीदना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस, या फिर कंस्ट्रक्ट करना है रेसिडेंशियल हाउस। कितना टाइम पीरियड दिया जाता है? सेम टाइम पीरियड जो रेसिडेंशियल हाउस के लिए सेक्शन 54 ने दिया था, 1 ईयर। परचेज करना है तो 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर। कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल के अंदर अंदर आप इसको कंस्ट्रक्ट करा लीजिएगा। बट वही कंसेप्ट आ जाएगा कंपल्सरी एक्विजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लैंड था वो कंपल्सरी एक्वायर हुआ था, वहां से हमें 3 साल के अंदर अंदर रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करना था, बट वो जो हमारा लैंड था वो कंपल्सरी एक्वायर हुआ था। कंपल्सरी एक्वायर की वजह से हमें 1 या 2 साल के बाद पैसे मिले, तो आपका जो पीरियड शुरू होगा वो तब से शुरू होगा जब से वो आपको पैसे रिसीव हुए। क्लियर है? यहां पर हम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल गेन इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चेंज आ गया कि अमाउंट इन्वेस्टेड जब आप लेंगे इट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़। अगर आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है नए रेसिडेंशियल हाउस में 10 करोड़ या उससे कम किया है तो चलेगा, बट अगर 10 करोड़ से ज्यादा किया है तो मैक्सिमम हम अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ लेंगे, राइट। 54 में क्या था कि मैक्सिमम आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो 10 करोड़ की मिलेगी। यहां पर क्या है, जो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड, जब ये आप फॉर्मूला लगाएं तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों सेक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये 10 करोड़ वाली बात है याद रखिएगा। एग्जामिनर पक्का आपसे पूछ सकता है, या तो 54 या 54F, हो सकता है दोनों भी पूछ ले, एमसीक्यू में दे दे, डिस्क्रिप्टिव में दे दे, ठीक है। बट प्लीज इसमें गलती मत कीजिएगा। और एग्जम्पशन विड्रॉ कब हो जाएगी? अगर आपने नया घर 3 साल के अंदर अंदर भेज दिया तो आपकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, और साथ साथ में आप इसके बाद कोई और घर नहीं खरीदेंगे अगले 3 साल तक तो भी आपकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, आपने इस तरह के भी क्वेश्चन किए थे। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी ने ज्वेलरी बेची है और रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है, ऑब्वियसली एनी लॉन्ग टर्म असेट बेचा है, ज्वेलरी अलाउड है, और उसने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है, 54F की एग्जम्पशन मिल जाएगी। साथ साथ में उसने लैंड भी बेचा है, ठीक है, उसने ज्वेलरी बेची, लैंड बेचा, दो असेट बेचे और वो रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है, तो क्या सर हम दोनों के ऊपर 54F की एग्जम्पशन ले सकते हैं? द आंसर इज येस, ले तो सकते हैं, राइट। बट आप कैसे कीजिएगा? क्या दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों का कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर उसके बाद अपने फॉर्मूला लगाएंगे? द आंसर इज नो। तो इसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ गेन किसका ज्यादा है। ज्वेलरी जब आपने बेची है तो परसेंटेज ऑफ गेन ज्वेलरी पर ज्यादा आ रहा है, या लैंड बेचा है लैंड के ऊपर ज्यादा आ रहा है। जिसके ऊपर परसेंटेज ऑफ गेन ज्यादा है, जो बड़ा राक्षस होता है, जो बड़ा डेमन होता है, उसको पहले शूट करते हैं। मैंने इस तरीके से बताता था मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स में। तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर परसेंटेज ऑफ गेन निकाल दीजिए। परसेंटेज ऑफ गेन निकालना बहुत आसान होता है। परसेंटेज ऑफ गेन कैसे निकालते हैं? जितना भी आपको नॉर्मल गेन आ रहा है अपॉन नेट कंसिडरेशन देख लीजिए, परसेंट निकाल दीजिए, सिर्फ आप रफली निकालना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, ज्वेलरी आपने बेची और लैंड बेचा, तो ज्वेलरी आपने बेची 30 लाख रुपीज की, लैंड बेचा आपने 20 लाख रुपीज का। ज्वेलरी के ऊपर गेन आ रहा है 2 लाख, लैंड के ऊपर गेन आ रहा है 4 लाख, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ गेन? 2 लाख जितना गेन आ रहा है डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 30% करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से लैंड के ऊपर कितना आ रहा है, 4 लाख डिवाइड बाय 20% करिएगा, तो 4 डिवाइड बाय 20%, 2 डिवाइड बाय 30%। जो भी परसेंटेज ज्यादा हो, यानी कि वो ज्यादा हमारे ऊपर टैक्स लगाने वाला है, तो पहले अपना जब 54F लगाइएगा तो पहले उसको नलीफाई कीजिएगा जो ज्यादा आपको कैपिटल गेन लगा रहा होगा, राइट। तो 54F, ये बातें सिर्फ 54F के केस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो असेट्स बेचे और खरीदा है एक रेजिडेंशियल हाउस, तो आपको देखना होता है कि परसेंटेज ऑफ गेन कहां पर ज्यादा आ रहा है, तो पहले उसको उसकी तरफ उसको पूरा नलीफाई कीजिए, ठीक है। जितना भी कंसिडरेशन वहां पर चाहिए उसको पहले वहां पर लगाइए, और बाकी जो कंसिडरेशन बचे वो आप दूसरे वाले एसेट की तरफ लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट सेक्शन आता है 54D। 54D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं होता है, हम लोग देखते हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में कि 54D रेयरली कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये होता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। अगर इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, अगर उनकी फैक्ट्री की बिल्डिंग या फैक्ट्री का लैंड कंपलसरी एक्वायर हो जाता है, तो उनके ऊपर कैपिटल गेन अराइज होता है, राइट। उनके ऊपर कैपिटल गेन अराइज होगा जब भी उनको कंपनसेशन मिलेगी, उस साल हम कैपिटल गेन अराइज करेंगे।
क्या वो कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं? द आंसर इज यस। 54D ये कहता है अगर असेसी का इंडस्ट्रियल यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उसका लैंड और बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर हो जाता है, जो पिछले 2 साल से कम वो अपने इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूज कर रहा था, अपनी फैक्ट्री की तरह वो यूज कर रहा था, अगर उसका ये चीजें कंपल्सरी एक्वायर हो जाती है तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे उसका, बट हम उसको एग्जम्पशन कर सकते हैं। जितना भी उसको क्या खरीद करना पड़ेगा, उसको लैंड या बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो अगर वो नया लैंड और बिल्डिंग खरीदता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज तो हम उसको एग्जम्पशन दे देंगे। कितनी एग्जम्पशन मिलती है? जितना भी उसने नया लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है और कैपिटल गेन जितना आ रहा है, विच एवर इज लोअर, सिमिलर पैटर्न चलता है, राइट। और हाँ, ये जो नया आपने चीजें खरीदी है उसको 3 साल से पहले आप इसको बेचेगा मत, अदरवाइज आपकी एग्जम्पशन को हम विड्रॉ कर देंगे। सो दिस वॉज 54D। ऑल्दो 54D इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 54EC, 54F, 54 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और क्योंकि दो अमेंडमेंट आने के कारण 54 में, 54F में हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे। फिर भी 54D छोटा सा सेक्शन है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। 54H सिंपल बातें कहता है। 54H शायद आपको नाम से भी याद नहीं होगा, सिंपल ये बात है, सेक्शन नंबर ना याद रहे, ओके, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 54H सिंपल बात ये कहता है कि अगर इनके जहां पर भी हमने आपको टाइम लिमिट दी थी, जैसे कोई असेट परचेज करने की 2 साल दी थी या कंस्ट्रक्ट करने की 3 साल दी थी, तो वही बात है, अगर इन केस वो कंपलसरी एक्विजिशन की वजह से आपको परचेज करना है या कंस्ट्रक्शन कराना है, तो वो जो आपका पीरियड शुरू होता है वो तब से शुरू होता है जब से आपको कंपनसेशन रिसीव होती है। वो बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यही बातें 54H में लिखी हुई है, राइट। नेक्स्ट कम टू सेक्शन 55, ठीक है, ऑलमोस्ट अब हम लास्ट पड़ाव पर आ रहे हैं। कुछ और भी मैं शेयर्स वगैरह की बातें करूंगा, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, बट उससे पहले सेक्शन 55 और 55A। 55 होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। इसमें भी एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, ये बातें करता है कुछ असेट्स की, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, इन केस अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेंगे। इसकी असेट की अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, अगर ये असेट्स बेचे जाएंगे तो कैपिटल गेन आएगा, बट इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेंगे अगर ये सेल्फ जनरेटेड है। तो दीज 8 टाइप्स ऑफ असेट्स, जैसे गुडविल ऑफ अ बिजनेस, चाहे गुडविल बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ली जाएगी। राइट टू मैनुफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, अगर आपके पास कोई राइट था टू मैनुफैक्चर एनी पर्टिकुलर थिंग, मैनुफैक्चर एनी पर्टिकुलर थिंग, टू प्रोड्यूस एनी थिंग, अगर आपके पास राइट था, अगर इस राइट को अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं ऑल टुगेदर किसी को, तो कैपिटल गेन अराइज होगा, बट अगर आपका सेल्फ जनरेटेड राइट था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल ली जाएगी। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम, अगर आप अपना ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम किसी को बेचते हैं और ये ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम अगर आपका ये सेल्फ जनरेटेड था तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली जाएगी। अभी मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बातें कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की भी बातें करूंगा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट्स या लूमार्स, ठीक है, आई बिलीव इन सब की चीजें आपके बारे में आप समझते हैं सब क्या होते हैं, ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए अभी हम बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद आ गई होंगी, रिकॉल कर पा रहे होंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। अगर इन सब चीजों को हम बेचते हैं और ये सेल्फ जनरेटेड थी तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल आती है। इस पर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है और वो अमेंडमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर अमेंडमेंट आ गई है एनी अदर इंटेंजिबल असेट्स ऑल्सो, क्योंकि काफी बार क्या होता था, असेसी क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी गुडविल बेची है, बट उसको वो गुडविल ना बोलकर कोई और दूसरा इंटेंजिबल असेट बोल देता था, और वो कहता था कि सर 55 में तो ये लिखा हुआ है कि ऐसी चीजें बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेनी है सेल्फ जनरेटेड असेट की, मेरी तो गुडविल नहीं है, मेरी तो कुछ और है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट लाकर क्या क्लियर कर दिया कि आप कोई भी इंटेंजिबल असेट्स बेचें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे गुडविल बेच रहा है, उसको कुछ और नाम भी बोल रहे हैं ना, वो हमने आज बोल दिया कि आप कोई भी इसको नाम दे दीजिए एनी अदर इंटेंजिबल असेट्स, अगर वो आपका सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाएगी। बस इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट ये आई है, राइट, ओके। इनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेनी है, देखिए जो मैंने यहाँ पर ग्रीन में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, इसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल ली जाएगी। गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू मैनुफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस या एनी अदर इंटेंजिबल असेट्स की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल ली जाएगी। ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट या लूमार्स, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने इनकर की है तो इनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट या लूमार्स, इनके हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपने इनकर की है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकते हैं, करेक्ट। और अगर आपने ये असेट्स परचेज हैं तो ऑब्वियसली परचेज कॉस्ट हम आपकी ले सकते हैं। सर अगर आपने परचेज किया था प्रीवियस ओनर ने, तो अगर प्रीवियस ओनर ने परचेज किया था तो हम उसकी प्रीवियस ओनर की भी परचेज कॉस्ट ले सकते हैं।
एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे असेट्स अगर 1/4 2001 से पुराने पहले के एक्वायर हो जाते हैं तो इनकी हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4 2001 नहीं लेते, इनके हम एक्चुअल कॉस्ट ही लेते हैं, क्योंकि इनकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इनकी हम फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया है इवन इफ द असेट ही 1/4 2001 से पुराना अगर है भी तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, राइट। और गुडविल अगर आपकी परचेज है तो गुडविल का परचेज प्राइस लेंगे। हाँ, अगर इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन निकाला था, क्योंकि अब तो गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकालते क्योंकि वो प्रीवियस ईयर 1920 के बाद से हमने मना कर दिया कि गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। ये बात आपको पीजीबीपी में हम डिस्कस भी हुई थी, आपको याद भी आ जाएगी कि गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हम लोग। बट अगर डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 1920 तक अगर आपने क्लेम किया था तो इसकी फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही लेते हैं अप टू 1920 तक, जितना डेप्रिसिएशन इस पर क्लेम करा जा चुका है, राइट। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में मैंने बता दिया है, इन शुरू के चार असेट्स का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कभी ही लेनी, और इनकी अगर लास्ट के फोर की ट्रेडमार्क ब्रांड नेम टेनेंसी राइट स्टेज कैश इंप्रूवमेंट लूमार्स, इनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर इनकर की है तो ले सकते हैं। सेक्शन 55 है रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। इन केस कुछ तीन केसेस ऐसे हैं यहाँ पर जहां पर अगर असेसिंग ऑफिसर को डाउट होता है, जो आप वैल्यू दिखा रहे हैं अगर उसके ऊपर डाउट है असेसिंग ऑफिसर को, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है। तो कौन कौन से ऐसे तीन केसेस हैं जहां पर हम वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकते हैं, ये बात मेनली कुछ क्वेश्चन आते थे पहले, मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरीके आ जाता था कि कब कब हम वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस ले सकते हैं। तो असेसिंग ने अगर फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूटेशन में कहीं पर भी उसने अगर फेयर मार्केट वैल्यू ली है और हमें उस फेयर मार्केट वैल्यू पर, एओ को उस फेयर मार्केट वैल्यू पर डाउट है, तो फिर वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट्स से असेसी ने के पास डायमंड था, असेसी के पास डायमंड था और उसने ये डायमंड बेचा है फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का, और उसने ये परचेज किया था 1/7/1991 को, 1/7/1991 को उसने ये परचेज किया था फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीज का, 3 लाख रुपीज का उसने 1/7/1991 को परचेज किया था। हम लोग जानते हैं कि इस केस में हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी ले लेंगे, क्योंकि ये असेट 1/4 2001 से पुराना एक्वायर था। तो लेट से असेसी का ये कहना है कि सर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ थी, ₹1 करोड़ इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, ठीक है। तो वो असेसी ने कैसे कंप्यूट किया होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने का डायमंड बेचे हैं 2 करोड़ के, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वो 1 करोड़ का इंडेक्सेशन कर रहा होगा, 1 करोड़ × 348 / 100, ठीक है। और यहाँ पर वो 3.48 करोड़ के की उसकी कॉस्ट बोल रहा होगा इंडेक्सेशन करने के बाद, और 1.48 करोड़ का लॉस आ गया। अब एओ को लगा यार 3 लाख का इसने डायमंड खरीदे थे, 2 करोड़ के बेचे हैं और यहां पर वो लॉस भी ले आया इतना, यहां पर क्या डाउट हो गया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, प्लीज मुझे बताइए क्या इस कंप्यूटेशन में कहीं पर हमने फेयर मार्केट वैल्यू यूज की। द आंसर इज यस। यहां पर अगर यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 55A में लिखा हुआ है, अगर इस पूरी कंप्यूटेशन में कहीं पर भी फेयर मार्केट वैल्यू यूज हुई है और असेसिंग ऑफिसर को उस फेयर मार्केट वैल्यू पर डाउट है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लाया होगा, ये कोई भी प्राइवेट रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास गया होगा, उसको कुछ पैसे दिए होंगे, उसने बोला होगा कि भाई मेरे इस डायमंड की वैल्यू बोल दे 1 करोड़ रुपए की, और उसको कुछ पैसे दिए और उसका वहां से सर्टिफिकेट ले आया। बट एओ को इस पे डाउट है, तो अगर एओ को डाउट है, अगर आपने कहीं पर भी अपने कंप्यूटेशन में फेयर मार्केट वैल्यू का यूज किया है, एओ को इस पे डाउट है, वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है फर्स्ट पॉइंट पर, अगर फेयर मार्केट वैल्यू की को यूज किया गया पूरी कंप्यूटेशन में, या तो सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पर, और एओ को डाउट है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है। दूसरी बात, अगर एओ को लगता है जो आप अपनी वैल्यू क्लेम कर रहे हैं, जो आप अपना सेलिंग प्राइस क्लेम कर रहे हैं और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है 15% का, दोनों में अगर 15% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो भी वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है, या तो 15% का डिफरेंस है या 25,000 रुपीज का, विच एवर इज लोअर, तो वहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है। थर्ड है कि अगर नेचर ऑफ असेट ही इतना कॉम्प्लेक्स है, अगर फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, असेसी ने एक आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन सेल किया, उसके ऊपर कैपिटल गेन आ रहा है, और एओ को लगता है
ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन की वैल्यूएशन करना मेरे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो भी इस केस में वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकते हैं। तो इन तीन केसेस में वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ली जा सकती है, राइट? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। देखिए, बोनस शेयर्स वो होते हैं जो आपको फ्री में दिए जाते हैं, वो आपको फ्री में दिए जाते हैं। तो बोनस शेयर जब भी आप बेचेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी नेट, क्योंकि आपको ये फ्री में मिले थे। बट अगर बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पुराने हैं, तो हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट जीरो या फेयर मार्केट वैल्यू एज 1/4/2001, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू हम ले सकते हैं। ऑब्वियसली 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू हायर होगी, हम उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्लीज याद कीजिएगा, बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेंगे, बट अगर ये बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पुराने हैं, तो हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज 1/4/2001 वाली ले लेंगे। राइट शेयर्स के लिए, राइट शेयर्स अगर हमने, राइट शेयर्स किसको मिलते हैं? जैसे जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उसको राइट शेयर का ऑफर मिलता है, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो उसको राइट शेयर्स मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, उसने राइट शेयर्स बेचे हैं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने अमाउंट में बेचे हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में उसने राइट शेयर्स खरीदे थे वो उसकी कॉस्ट आ जाती है, उसमें से आप माइनस कीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। इन केस अगर वो ये राइट शेयर्स खुद नहीं लेता, बट किसी और को रिनाउंस कर देता है, किसी और को रिनाउंस कर देता है, यानी कि उसने क्या करा, उसको जो लेटर मिला था कंपनी की तरफ से, उसने उस लेटर को ट्रांसफर कर दिया किसी और को। यानी कि आपके पास एक राइट था, आपने उस राइट को भी, यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे, हमारे पास जो राइट था, राइट टू परचेज द शेयर एट सब्सिडाइज्ड वैल्यू, कम वैल्यू पर हम खरीद सकते थे, हमने उस राइट को ट्रांसफर कर दिया है। तो अगर हमने उस राइट को ट्रांसफर किया है, तो उस राइट को भी कैपिटल असेट बोला गया, उस राइट को भी कैपिटल असेट बोला गया। तो आपने जब इसको बेच दे, आप किसी को बेच सकते हैं, और यहाँ पर आपको, आपको पता है कंपनीज लॉ में लिखा हुआ है कि 30 डेज मिलते हैं आपको राइट एक्सरसाइज करने के। अगर आप 30 डेज के अंदर आपने इसको, अगर किसी और को ट्रांसफर करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो जब आप ये लेटर किसी को देंगे, तो भी आपके ऊपर कैपिटल गेन आएगा, जितना भी अमाउंट आपने इस लेटर को बेचा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट कितनी, कॉस्ट जीरो थी, क्योंकि ये लेटर तो आपको फ्री में मिला था, राइट? ओके, अब जिस व्यक्ति ने ये राइट खरीदा है, उसके लिए उसको अब राइट शेयर्स मिल जाएंगे। वो अब कंपनी को बोलेगा कि सर ये राइट ओरिजिनल शेयर होल्डर को मिला था, ओरिजिनल शेयर होल्डर ने मुझे रिनाउंस कर दिया, मुझे ट्रांसफर कर दिया, अब मैं शेयर्स आपके खरीदना चाहता हूँ। तो प्लीज बताइए, उस व्यक्ति को शेयर्स मिल जाएंगे, अब उसके लिए कॉस्ट क्या आ गई? जितना उसने कंपनी को पे किया राइट शेयर्स खरीदने के लिए, प्लस जितना उसने उस ओरिजिनल शेयर होल्डर को पे किया था, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, उस व्यक्ति की राइट शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट? ठीक है, समझ में आ गया राइट शेयर्स। नेक्स्ट है रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन पर हम टैक्स कितना लगाते हैं? तो आपको पता है दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है? लॉन्ग टर्म एक होता है 112, और एक स्पेशल होता है 112A। 112A होता है जब हम अपने इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं, तो उसके ऊपर 112A आता है। 112A अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट इसके ऊपर टैक्स रेट होता है 10%, और वो भी 112A। मैंने आपको शुरू में की क्लास में भी बताया था बेसिक कंसेप्ट्स में, जो 112A की इनकम आती है, जितना भी आपका गेन आ रहा है यहाँ पर, उसमें से जितना 1 लाख के एक्सेस को ही टैक्सेबल करते हैं, यानी कि 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख के ऊपर 10% लगाएंगे। यानी कि अगर 112A का गेन असेस कर रहा है 3.5 लाख का, तो उसमें से 1 लाख माइनस कीजिएगा, 2.5 लाख के ऊपर आप 10% का रेट लगा देंगे, 25,000 रुपीज। तो 112A के ऊपर 10% का टैक्स रेट आता है। जो अदर लॉन्ग टर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं 112, इसके ऊपर 20% के टैक्स रेट हैं। बट हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ों पर 10% के भी होते हैं, ठीक है? रेयरली कुछ चीज़ों पर 10% के भी होते हैं, कब होते हैं अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे, बट जनरली जो अदर लॉन्ग टर्म होते हैं उसके ऊपर 20% के टैक्स रेट होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेन दो पार्ट है, अगर आप इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट भी होता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो हम सीए फाइनल के लेवल पर पढ़ते हैं। अभी के लिए सिर्फ इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स अगर शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, यानी कि उसको हमने 1 साल या उससे पहले पहले बेच दिया, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, उसको हम कहते हैं 111A, वो 15% के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। और जो अदर शॉर्ट टर्म होते हैं उसके ऊपर हमारे नॉर्मल रेट्स लगते हैं, जैसे कि अगर इंडिविजुअल है, HUF है, तो उनके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट्स लगते हैं उसके ऊपर। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% आता है, बट हाँ, अगर स्पेशल लॉन्ग टर्म हो 112A वाला, तो उसके ऊपर 10% आता है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, राइट? शॉर्ट टर्म अगर 111A वाला हो, सिर्फ इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट जो आप स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं, जिसके ऊपर STT चार्ज होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 15%, और अदर शॉर्ट टर्म है उसके ऊपर नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स लगते हैं। 111A के बारे में जान लेते हैं।
इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट भी होती है, बट आपको सीए इंटरमीडिएट में बिजनेस ट्रस्ट नहीं पढ़ना, ओनली इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ही पढ़ना है। ओके, इसके ऊपर 15% टैक्स रहेगा और एसटीटी चार्ज होना चाहिए ऑन सेल ऑफ सच शेयर्स। इसकी एक्सेप्शन होती है अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हुई है, आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर पर अगर ट्रांजेक्शन हुई है, तो वहां पर अगर एसटीटी भी पे नहीं हुआ है तो इट्स ओके, ठीक है। वहां पर हम लोग नॉन रेसिडेंट्स को ट्रांजेक्शन करने देते हैं फॉरेन करेंसी में, अगर वहां पर एसटीडी भी चार्ज नहीं हुआ तो इट्स ओके, वो भी 111A ही कहलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं आपको शुरू में आपको टैक्स कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, तो मैंने ये आपको बताया था कि जब भी हम टैक्स निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई हमारी स्पेशल इनकम है, क्योंकि कैपिटल गेन्स तो मेनली हमारी स्पेशल इनकम होती है, तो उसके ऊपर एक स्पेशल रेट्स टैक्स लगता है, बाकी इनकम के ऊपर, नॉर्मल इनकम के ऊपर हमारे नॉर्मल टैक्स रेट्स लगते हैं, यानी कि इंडिविजुअल वगैरह के लिए स्लैब रेट्स लगते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल इनकम है क्या वो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अगर फॉर एग्जांपल एसएससी डिफॉल्ट टैक्स स्कीम ले रहा है तो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख, अगर वो ऑप्शनल टैक्स स्कीम ले रहा है, नॉर्मल एसएससी है, सीनियर सिटीजन वगैरह नहीं है, तो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख। हम ये देखते हैं कि कहीं क्या हमारी वो जो लिमिट है नॉर्मल इनकम वाली, क्या वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जिसको हम बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है तो हम उसको पूरा करते हैं। कहाँ से पूरा करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, अपने 112 से पूरा करते हैं उसको, ठीक है, वहां से मूव कीजिए। अगर वहां से फॉर एग्जांपल फिर भी उसके बाद भी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हम उसको 111A से मूवमेंट करते हैं, और उसके बाद भी डेफिशिएंसी होती है तो 112A से 10% वाले से करते हैं। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि इसको इसी ऑर्डर में रखेंगे, क्योंकि हमेशा आप उसको के ऊपर टैक्स बचाना चाहेंगे जो ज्यादा टैक्स रेट लगाता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 112A पर टैक्स रेट 10% होता है, 111A पर 15% होता है, और जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म होता है उसके ऊपर 20% टैक्स रेट होता है। तो हमेशा कौन सा टैक्स रेट पहले बचाना चाहेंगे? 20% वाला। इसीलिए हम इसको इसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं, ये बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी, राइट। तो मेरा बस क्वेश्चन बस इतना है कि क्या अगर यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारे एग्जॉस्ट नहीं है तो क्या हम वो 111A से मूव कर सकते हैं? यस, मूव कर सकते हैं। हाँ, पर पहले देख लेंगे जो 20% वाला लॉन्ग टर्म है, पहले उससे मूव करके देखिए। अगर वहां से मूव करने के बाद भी, अगर वहां से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की तरफ, अगर फिर भी अनएग्जॉस्टेड रह जाए तो फिर हम 111A से भी मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। चैप्टर 6 से की रिडक्शन हमारी नहीं मिलती 111A से, राइट। ये बात हम रिडक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म से भी हम चैप्टर 6 की रिडक्शन नहीं ले सकते, 111A से भी नहीं ले सकते, सिर्फ अदर शॉर्ट टर्म से ले सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें नॉर्मल इनकम का पार्ट होती है। सिर्फ यहाँ से हम चैप्टर 6 की रिडक्शन ले सकते हैं, और वैसे भी आपको पता है डिफॉल्ट रिजीम में तो चैप्टर 6 की रिडक्शन ना के बराबर ही है, सिर्फ 3 ही सेक्शंस है, ठीक है, जो हम रिडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, सीसीडी वाला है, सीसीएच वाला है, डब्ल्यूजेडब्ल्यूए वाला है, ठीक है, वो भी सीसीडी 2, सीसी और सीसीएच 2, ठीक है, और डब्ल्यूजेडब्ल्यूए, वो बातें हम लोग अपने रिडक्शन के चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्या 87A का रिबेट मिल जाता है? आंसर इज यस, 111A की अगर आपकी इनकम आ रही है तो 87A का रिबेट मिल जाएगा, बट अगर आपकी 112A वाली इनकम आ रही है उसमें हम 87 का रिबेट नहीं देंगे। देखो वहां पर ऑलरेडी इतने फायदे दे दिए 112A वालों को, 112A वालों के लिए टैक्स का रेट कितना है? 10%। दूसरा फायदा क्या दे दिया उनको? 1 लाख के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगा रहे, दो फायदे तो पहले ही दे दिए, अब तीसरा फायदा भी दे रहे हैं, उसको रिबेट भी दे रहे हैं, नहीं, ठीक है, इसको ऐसे याद कीजिए, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी हमने कितने फायदे दे दिए 112A वालों को, रेट सबसे कम है 10% लगा रहे हैं, 1 लाख तक की इनकम को टैक्सेबल नहीं कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा आएगा तभी टैक्सेबल कर रहे हैं, इतना फायदा तो ले रहे हो, क्या रिबेट का भी फायदा लोगे? तो 112A में अगर आप देखेंगे तो मैंने 112A में आगे समझाया हुआ है और मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको रिबेट भी नहीं मिलती है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 112, राइट। सेक्शन 112A क्या होता है? अगर हम इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, अगर वो शॉर्ट टर्म हो तो 111A, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 112A लगता है। जैसे मैंने आपको बताया 10% टैक्स होता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, राइट। एसटीडी मस्ट बी चार्ज ऑन सच सिक्योरिटीज, एसटीडी चार्ज होना चाहिए, बट हाँ वो आईएफएससी वाली बातें यहाँ पर एप्लीकेबल है, आईएफएससी वाली बातें एप्लीकेबल है। इक्विटी शेयर्स पर बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज और ट्रांसफर दोनों समय एसटीडी चार्ज हो, बट हाँ इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर इक्विटी शेयर्स एक्वायर हुए थे बिफोर 1/10/2004, अगर एसटीटी जब आपने एक्वायर करे थे 1/10/2004, अगर परचेज के समय एसटीटी नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि एसटीटी का कंसेप्ट ही 2004 में आया था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उससे पहले तो एसटीटी होता नहीं था। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ परचेज के समय भी एसटीटी पे किया हो, ट्रांसफर के समय भी एसटीटी पे किया हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर तो हो रहा है 2003-04 में, तो अब तो एसटीटी है, बट परचेज हुआ था 2002 में, 2003 में, उस समय एसटीटी होता नहीं था,
तो हम बोलेंगे सर तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज अगर 1/10/2004 से पहले एक्वायर हुई थी तो अगर आपने एसटीडी भी पे नहीं किया था परचेस करते समय चलेगा, क्योंकि उस समय एसटीडी होता ही नहीं था, राइट। वो 2004 के बाद का कंसेप्ट है। उसके बाद या फिर आपने एक्वायर करा हो, अगर शेयर्स आपने एक्वायर करे थे प्राइमरी मार्केट में आईपीओ ईसॉप्स वगैरह, तो उस समय आपके पास आपके ऊपर एसटीडी नहीं लगा होगा, राइट। इक्विटी ओरिएंटेड के केस में बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज और ट्रांसफर नहीं है, ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर है। यहाँ पर परचेज के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर के समय एसटीडी पे होना चाहिए, राइट। और आईएफएससी वाली एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, अगर आईएफएससी में ट्रांजेक्शन हो रही है तो एसटीडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अनएग्जॉस्टेड लिमिट यहाँ से पूरी की जा सकती है, आंसर इज यस। कैजुअल इनकम से, अनएक्सप्लेन इनकम से हम नहीं पूरी कर सकते, बट हाँ हम लोग अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मूव कर सकते हैं। अगर हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अनएग्जॉस्टेड है तो हम उसको वहां से फुलफिल कर सकते हैं, 111A से कर सकते हैं, फिर 112A से भी कर सकते हैं, बट 112A से रिबेट नहीं मिलती है, राइट। 10% वाली बातें मैं बता चुका हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दिस वन, ठीक है, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये वाला पार्ट। अगर हमने कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचा है, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स बेचा और 112A वाला है, अब ये देखते हैं क्योंकि उससे पहले ना ये एक्चुअली 2018 से पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था सेक्शन 1038, पुरानी बातें थी, अब वो डिलीट हो गया सब 1038 वगैरह। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपने ये शेयर्स एक्वायर किए थे जो आपने लॉन्ग टर्म अब बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक साल के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाते हैं लिस्टेड शेयर्स, तो राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने एक्वायर किए थे 1 फरवरी 2018 के बाद, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आपने आज बेचा है, फॉर एग्जाम्पल 23-24 में बेचा, जितने का भी बेचा है सेलिंग प्राइस, जितने का खरीदा था कॉस्ट प्राइस, राइट। और इंडेक्सेशन 112A में होती नहीं है, लॉन्ग टर्म के बाद भी इंडेक्सेशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हम आपको 10% का टैक्स रेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 1 फरवरी 2018 के बाद की एक्वायर है फिर तो एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, बट अगर इससे पहले की एक्वायर थी यानी कि 31 जनवरी 2018 या उससे पहले की अगर आपने शेयर्स एक्वायर किए थे तो हम लेते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवर इज हायर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला बेनिफिट हमने क्यों दिया है उसको, फॉर एग्जाम्पल एक असेसी था उसने शेयर्स एक्वायर किए थे 2002 में, बहुत पहले एक्वायर किए थे, और वो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके बैठा हुआ था। पहले क्या होता था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर्स जब बिकते थे तो एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो फॉर एग्जाम्पल 2002 से असेसी इसको होल्ड करके बैठा था, 2015 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, उसको पता है जब भी बेचूंगा मेरा कैपिटल गेन आएगा नहीं, राइट, वो एग्जेम्प्ट होता था। बट 2018 में चेंजेस आ गया, ये सेक्शन आ गया 112A इंसर्ट कर दिया गया 2018 में, तो अब उसको लगेगा अब तो मुझे कैपिटल गेन देना पड़ेगा, इतने दिनों तक जो मैं होल्ड करके बैठा था अब तो उसके ऊपर सबके ऊपर टैक्स आएगा। और 2002 से लेकर 2018 तक ये शेयर का प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो हमने उसको यहाँ पर एक एडवांटेज दी, हमने उसको एडवांटेज दी कि आपकी जो भी एक्चुअल कॉस्ट आई थी 2002-03 जब भी आपने खरीदा था, और 31 जनवरी 2018 की जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, विच एवर इज हायर ले लीजिए, विच एवर इज हायर ले लीजिए, यानी कि आज वो अपनी कॉस्ट 2018 की कॉस्ट ले लेगा, तो उसको बोले उसको लगेगा हाँ जो मैंने इतने दिन तक होल्ड करके रखा था उसका जो कैपिटल गेन है वो तो टैक्सेबल हो ही नहीं रहा क्योंकि मेरी कॉस्ट ही अब 2018 के बाद से ही ली जा रही है, राइट, विच एवर इज हायर। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, जब ये फेयर मार्केट वैल्यू लीजिएगा इट शुड नॉट बी मोर देन द सेलिंग प्राइस, इट शुड नॉट बी मोर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जो अब आप शेयर बेच रहे हैं उस सेलिंग प्राइस से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, राइट। और 112A निकालते समय लॉन्ग टर्म आता है बट इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होती है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म मैंने बताया था जो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं जनरली उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो 20% लगता है, जनरली टैक्स रेट लगता है वो 20% लगता है, बट लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड्स अदर देन यूनिट्स और अदर देन शेयर्स के ऊपर एक हम यहाँ पर ऑप्शन देते हैं एसएससी को, या तो आप इसके ऊपर 20% टैक्स दीजिए विद इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन 10% टैक्स दीजिए। याद आ गया ये ऑप्शन, ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड्स अदर देन यूनिट्स अदर देन शेयर्स, इसके ऊपर हम बोलते हैं या तो आप 20% टैक्स दीजिए लॉन्ग टर्म पर विद इंडेक्सेशन, बट अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लेंगे तो हम आपको रिड्यूस रेट कर देंगे 10% का, करेक्ट। और जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं उसके ऊपर 20% ही होता है, बट नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनीज के लिए 10%, राइट। नॉन रेसिडेंट आपको नहीं करना है, ये सी इंटरमीडिएट में नहीं पूछा था, तो इसको आप कट कर सकते हैं, राइट। और यस 112A से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, 87A की भी रिबेट मिल जाती है। 87A की रिबेट किससे नहीं मिलती है हमारी 112A से, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपको इतने बेनिफिट दिए गए हैं, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। सो दिस वॉज अबाउट योर कैपिटल गेन।
आई बिलीव आपको काफी सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी जो आपने पहले पढ़ी थी, जो कुछ आप चीजें भूल रहे थे वो आपको वापस रिकॉल हो रही होंगी, एंड आई बिलीव दैट ये आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। ठीक है, फिर अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट वुड बी IFOS। और हाँ, MCQs करना शुरू करिए, इट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल माई स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई यूट्यूब स्टूडेंट्स। आप अपने MCQs कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाइए आप अपनी rajatmukha.com पर, वहाँ पर आप MCQs के सेक्शन में आएंगे, वहाँ पर आप MCQs करना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स के मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है, अभी शायद 2-3 चैप्टर्स के हुए हैं, धीरे धीरे विद इन 10-15 डेज सभी चैप्टर्स के वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। बट आप वहाँ से करना शुरू करिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग ऑल माई यूट्यूब स्टूडेंट्स इज वेल, राइट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है तो प्लीज वहां पर जरूर कमेंट कीजिए, आई हैव वॉच द कंप्लीट लेक्चर, आई हैव वॉच द कंप्लीट लेक्चर। प्लीज आपका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।